नमस्कार साथियों मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित पर दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया गुड मॉर्निंग राधे राधे जय श्री कृष्णा आज ये सभी का स्वागत है सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों की आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है चौदह नवम्बर डेट भी फिक्स हो गई है और सारी डेट भी फिक्स हो चुकी है कि इस इस डेट को आपके एग्जाम होने वाले हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आया हूँ नॉन वर्बल रीजनिंग की एक जबरदस्त मैराथन क्लास तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे और यहाँ पर इस क्लास में आपके वो सभी चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देकर जाएंगे ठीक है तो सभी का स्वागत है राम राम भैया नमस्कार स्वागत है गुड मॉर्निंग जय हिंद सभी का स्वागत है नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट नॉन वर्बल रीजनिंग है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस मैराथन क्लास को करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी के साथ करके आओगे ठीक है तो सभी का स्वागत है और जो हमारे चैप्टर हैं वो मैंने सारे ही चैप्टर रखे हैं और इस नॉन वर्बल रीजनिंग में मैंने आपके लिए फिगर काउंटिंग भी रखा है चैप्टर नॉन वर्बल के सारे चैप्टर हैं और आपके फिगर काउंटिंग वाले सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं तो सभी का स्वागत है सभी का स्वागत है बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कह रहा है टेंशन हो रही है एग्जाम की टेंशन क्यों लेना भाई इस बात की टेंशन लेना आपने बहुत मेहनत की है बहुत शानदार तरीके से आपका सिलेक्शन होगा पूरी ताकत के साथ जुड़े रहो तो स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लास को और सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब सबसे पहला चैप्टर है सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक क्वेश्चन तो ये आपको देकर जाएगा एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ये आपको देकर जाएगा ही जाएगा याद रखना इस बात को और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना यहां लेफ्ट लेफ्ट का हमेशा क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा जो कोई भी चीजें अगर लेफ्ट में दी हैं तो वो आपकी राइट right में पहुंच जाएंगी और जो राइट right में चीजें दी हैं वो हमेशा किधर पहुंचेंगी लेफ्ट की तरफ इस बात को याद रखना लेफ्ट वाली चीजें राइट में पहुंच जाएंगी और राइट वाली चीजें लेफ्ट में पहुंच जाएंगी और जो टॉप है हमारा जो टॉप वाला पोर्शन है वो हमेशा टॉप ही रहेगा कभी इसमें बदलाव कर दो और जो बॉटम है वो हमेशा बॉटम ही रहेगा वो हमेशा बॉटम ही रहेगा इनमें कोई बदलाव नहीं होगा ये इसका कॉन्सेप्ट है बस इतना सा कॉन्सेप्ट है एक नंबर फ्री का है एक नंबर फ्री का है और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज्यादातर एसएससी के हर एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन देखने को मिला है हर चैप्टर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन चलो तो इसमें मिरर इमेज में जैसे कि मैं आपको बताऊं जैसे कि मैं यहां पर किसी का नाम लिख रहा हूं जैसे कुछ भी लिख देता हूं मैं यहां मान लिया जाए मैंने यहां राम लिखा है ना मैंने यार राम लिखा और राम के लिए हमसे बोला जाएगा कि इसको दर्पण में देखो तो दर्पण में देखने पर क्या चीजें होती हैं जो लेफ्ट वाला है वो राइट में चला जाएगा जो राइट वाला है वो लेफ्ट में यानी कि ये जो एम है ये तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला ए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा एज इट इज आ जाएगा लेकिन ये वाला जो आर है ये भाई इधर की तरफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से ठीक है क्वेश्चन पर आओ क्वेश्चन पर आऊंगा थोड़ा सा क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे क्लास में जो थोड़ा बिल्कुल नए हैं तो मेरी बात सुनना लेफ्ट का राइट कर देना है और राइट का लेफ्ट कर देना है ये इसका कॉन्सेप्ट होता है ऐसे ही आपको नंबर्स भी मिल सकते हैं जैसा मान लिया जाए आपको यहाँ वन लिखा मिलेगा एग्जाम में कुछ इस तरीके से और जो टू लिखा मिलेगा वो कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा और मैं अगर फाइव की बात करूँ तो फाइव इस तरीके से तो जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये किस तरीके से दिखाई देंगे तो जो फाइव है वो फाइव कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये वाला जो टू है ये भैया कुछ इस तरीके से हो जाएगा और जो वन है वो इधर की तरफ हो जाएगा ये होता है दर्पण प्रतिबिंब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो एस जीडी के लिए ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हो एस जीडी में भी ये सभी चैप्टर नॉन वर्बल तो भाई हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछी ही जाती है आप लोग जानते हो इस बात को चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन की फिगर आपको देखनी है सीन टू लगाते रहना हर क्वेश्चन पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए पांच दस सेकेंड के लिए ठीक है तो आपको देखना है और फटाफट से आंसर बताना है यहां हमेशा एक बात का ध्यान रखना जहां पर भी अगर आपको मिरर इमेज में गलती नजर आए गलती का अर्थ है जहां टॉप बॉटम चेंजेस हो जाए आपको उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे कि मैं फर्स्ट वाले में देख रहा हूं यहाँ सेवन को भाई इसने क्या कर दिया इस टू के और सेवन के पैर ऊपर की तरफ कर दिए तो ये परमानेंट गलत हो जाएगा परमानेंट गलत हो जाएगा फिर ए को ए नहीं रख सकते ये परमानेंट गलत हो जाएगा ये गलतियां हैं गलतियां ढूंढो सही आंसर पर पहुंच जाओगे और एट द सॉरी ए के बाद जी नहीं आ सकता क्योंकि यहां ए के बाद आपने देखा कि यहां क्या आया हुआ है टू तो ये गलतियां हैं ऑप्शन आपको सही मिलेगा ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल शानदार जवाब बहुत सुंदर डी ऑप्शन मैक्सिमम स्टूडेंटों का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फटाफट से देखेंगे आंसर बताएंगे चेक करते रहो फटाफट से और आंसर देते रहो क्योंकि आ, पूरी मैराथन में आपको बहुत मजा आने वाला है लास्ट तक मैं आपको बताना चाहूंगा सभी लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है देखो जरा सबसे पहले क्या देखोगे इस वाले को शुरुआत में आप ढूंढोगे यहां पर आया हुआ है यहां पर आया हुआ है लेकिन यहां यहां इसने क्या किया इसके पैरों को ऊपर कर दिया भैया जो टॉप बॉटम को चेंज कर रहा है वो परमानेंट गलत हो जाएगा यहाँ देखोगे इस पी के और एफ के टॉप बॉटम जो है वो आपस में चेंज किए हुए हैं तो ये परमानेंट गलत होगा यहाँ चेक करो ये ठीक है क्या और इस वाले में क्या अंतर है दोनों में जे को पहचान लो जे से ही आपको पता चल जाएगा अब यहाँ देखेंगे हम जे इधर की तरफ था ऐसे और जब इसको मिरर में देखेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा ये वाला क्या हो जाएगा गलत ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर और सॉरी वन यहां पर फोर दिया है फोर को चेक करोगे तो ये भी अपोजिट यानी कि टॉप का बॉटम किया हुआ है तो ये गलतियां हैं ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीन फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे क्या होगा प्रणाम भैया प्रणाम सभी को नमस्कार हाथ जोड़कर नमस्कार है बिल्कुल चलो जी सभी का स्वागत है अब इसको इधर की तरफ छापना है आपको इधर की तरफ छापना है तो ई की तरह तो रहेगा नहीं गलत क्योंकि जब हम ई को मिरर में देखेंगे ये वाले ई को जब आप मिरर में देखोगे तो भैया ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ऐसे ये तो गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन तो फिर डी बी में बदल गया यहाँ थ्री आ गया एट आ गया सेवन आ गया एच आ गया, एच आ गया एफ आ गया लगभग लगभग ठीक लग रहा है बिल्कुल परफेक्टली राइट इसमें क्या गलती कर दी इसमें सेवन के पैर भैया ऊपर की तरफ कर दिए परमानेंट गलत और यहाँ सेवन को सेवन करके रखा हुआ है तो ये कभी भी नहीं हो सकता और एफ के भी पैर ऊपर की तरफ कर दिए तो ये भी गलत है गलतियां ढूंढेंगे सही आंसर भी हमको बिल्कुल साफ नजर आएगा फिर क्योंकि बाकी ऑप्शन में गलतियां जल्दी दिखती हैं हमको नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी से दिखती हैं कभी भी देखा होगा इंसान जो है नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी से कैप्चर करता है पकड़ता है उनको तो आपको भी वही काम करना है जो गलत है उसको अलग हटा दो बिल्कुल वो हमारा आंसर है ही नहीं तो गलतियों पर बहुत जल्दी आ, हमारा ध्यान जाता है ये गलत है ये गलत है ये गलत है तीन गलत हो गए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत सारे रखे हैं हर चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन रखे हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए ठीक है ना निश्चिंत तरीके से आप लोग चीजों को देखोगे को ढूंढोगे तो भाई एक को पहचानो जहां भी एक को आप देखोगे तो यहां इसके पैरों को ऊपर नीचे कर दिया तो क्या ये सही होगा नहीं होगा गलत तुरंत गलत कर दो यहां इस के, के पैर ऊपर की तरफ किए हुए हैं ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता बिल्कुल गलत ठीक है इस वाले को पहचानो नाइन का नाइन हम नहीं रख सकते ये परमानेंट गलत हो जाएगा गलतियां ढूंढी आंसर क्या मिला ऑप्शन नंबर चार गलतियां ढूंढी सही आंसर हमको दिख गया बिल्कुल परफेक्टली राइट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसके बाद चलेंगे फिर अगली टाइप पर है ना आ, ये अल्फाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं फिर आते हैं फिगर वाले इसमें नॉन वर्बल में ही मिरर इमेज में चेक करो इसका आपको बताना है मिरर इमेज क्या होगा फटाफट से बताएंगे सभी लोग विवेक भैया बहुत शानदार बहुत शानदार मेहनत करो मेहनत करो बिल्कुल फ़र्स्ट वाले को पहचानो फर्स्ट वाले में क्या गलती आपको नज़र आ रही है साफ साफ दिख रही है गलती ये दिख रही है साफ साफ गलती सेकंड वाले में क्या गलती नज़र आ रही है सेकंड वाले में भैया नाइन को सिक्स बना दिया ऐसा पॉसिबल होगा क्या भाई अगर हम नाइन को मिरर में देखते हैं अगर हम इस नाइन को मिरर में देखते हैं तो वो हमको कुछ इस तरीके से तो दिखाई देगा इसने तो इसका सिक्स बना दिया बिल्कुल गलत है तो ऐसे गलतियां हमको दिख जाती हैं यहाँ पहचानूंगा यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक सा मुझे सारी चीजें नजर आ रही है इस वाले में क्या गलती है फिर इस वाले में क्या गलती है इसमें भी पहचानो क्या गलती नजर आ रही है आपको इस वाले में क्या गलती नजर आ रही है इस के को के की तरह रख दिया ये पॉसिबल होगा ही नहीं है ना इस टू को टू की तरह रख दिया ये पॉसिबल होगा ही नहीं ठीक है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर तीन हमारा बिल्कुल राइट अब आते हैं फिगर वाले क्वेश्चन पहचानो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने फिगर वाला जब इस फिगर को आप मिरर में देखोगे तो ये कैसी आपको नजर आएगी फिगर में देखोगे तो ये कैसी नजर आएगी चलो भाई जब आप इसको पलटोगे इधर की तरफ है ना इसको इधर की तरफ छापोगे तो हमेशा ध्यान रखना भाई ये वाली जो लाइन ऐसे झुक रही थी वो अब लाइन ऐसे झुकेगी ये वाली जो लाइन ऐसे झुकी हुई थी वो लाइन अब कुछ इस तरीके से ऐसे झुकेगी पहचानी बात अब मेरी बात सुनना क्या अगर मैं कहूं ये वाला एरो की बात आ जाओ एरो की बात पर आ जाओ ये दोनों एक दूसरे से ऐसे टच हो रहे हैं ये वाला एरो इधर की तरफ था अंदर की तरफ नीचे की तरफ यानी कि अब ये किधर की तरफ दिखाई देगा ऐसे आपको ये तो परमानेंट गलत है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वे में दे दिया है ना ये तो परमानेंट गलत हो गया ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ सर्कल दिया हुआ है तो गलतियां भी ढूंढो साथ ही साथ और इसमें क्या है इसमें बीच में क्रॉस क्यों दिया हुआ है भैया ये परमानेंट गलत लो फटाफट से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फटाफट से बताएंगे सभी लोग इसका सही जवाब कौन सा विकल्प होने वाला है फटाफट से बता देंगे कौन सा विकल्प परफेक्टली राइट होगा बहुत सुंदर बहुत सुंदर साथ की साथ आंसर आएंगे स्पीड के साथ प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी और क्लास आपकी जो है वो भी बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगी है ना इनको इधर की तरफ छापना है तो मेरी बात सुनना ये जो एरो राइट की तरफ बना हुआ था तो ये एरो अब लेफ्ट की तरफ बनेगा नीचे भाई नीचे तो एरो ही नहीं दिया टॉप बॉटम में बदलाव कर दिया ये एरो राइट की तरफ दिया है बिल्कुल गलत और यहां एरो दिया ही नहीं है बिल्कुल गलत ऑप्शन नंबर डी ऐसी तो गलतियां पहचानी जाएंगी और तुरंत आंसर दिखेगा फिर ठीक है पोल नहीं लगवाऊंगा बेटा पोल नहीं लगाना क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है फटाफट से क्वेश्चन देखो और खुद से आंसर बताओ और तुरंत उसका आंसर देखना चाहिए स्क्रीन पर बस पोल की आवश्यकता है ही नहीं और पोल इतनी जल्दी लगवाने आ, लगाने में भी थोड़ा सा समय लगेगा फिर आपकी पोल लगवाने से क्लास जो है वो ज्यादा देर तक चलेगी और मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है मैराथन क्लास है तो मैराथन गागर में सागर कम समय में ज्यादा चीजें आपको डिलीवर करनी है इसीलिए पोल नहीं लगवाऊंगा बिल्कुल भी ठीक है चलो जी इसको इधर की तरफ छापोगे तो सबसे पहले इस फाइव को देखोगे फाइव ऐसे दिखाई देगा है ना ये जो राइट वाली चीजें हैं वो लेफ्ट में आएंगी तो राइट वाली चीजें राइट में तो आएंगी नहीं बिल्कुल परमानेंट गलत हो जाते हैं हमारे पास ये विकल्प बचा ये बचा और ये बचा अब जो यहाँ हमारा उल्टा पी दिया था ये उल्टा पी जो है ये सीधा पी वा बन जाएगा यहाँ उल्टा का उल्टा दिया है बिल्कुल गलत यहाँ उल्टा का उल्टा दिया है बिल्कुल गलत बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी डी वाला परफेक्टली राइट थ्री कौन दे रहा है थ्री नहीं होगा मयंक बेनीवाल सुधरो सुधरो चीजों में सुधार करो फाइव मैंने बताया ना जब इस फाइव को देखोगे तो ये फाइव आपको ऐसे नजर आएगा और ये जो पी इधर की तरफ बना हुआ था तो पी ऐसे नजर आएगा बेटा यही तो चीजें पहचाननी है यही तो मेरा इमेज है केवल लेफ्ट राइट चेंज होगा टॉप बॉटम पर कोई बदलाव नहीं होगा याद रखना इस बात को यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में बहुत ही आसान चीजें होती हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई इसको इधर की तरफ छाप दो इसको इधर की तरफ छाप दो फटाफट से इसको इधर की तरफ छापोगे तो ये एरो जो राइट की तरफ बना हुआ था अब ये लेफ्ट की तरफ बनेगा लेफ्ट की तरफ बन कहाँ रहा है गलत लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ इन तीनों में ठीक है हमारा ऊपर सर्कल है तो ऊपर सर्कल आना चाहिए नहीं आया हुआ गलत है ये चीज़ों में ऐसे गलतियाँ हमको पहचाननी है हमारी बिल्कुल परफेक्ट में चीजें बनेगी ये वाली जो लाइन थी ये जब हम मिरर में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी है ना जब मिरर में देखेंगे और यहां देखो इसको इधर की तरफ ही बना कर दिया है तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा बिल्कुल सुंदर जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस फटाफट से देखो परखो आंसर बताओ तुरंत क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहना बीच बीच में है ना जो आपके मित्र हैं दोस्त हैं सहपाठी हैं ठीक है देखो भाई इसको इधर की तरफ छापना है सबसे पहला काम बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत ठीक है इधर देखो ये चीजें थी हमारे पास ये चीजें और ये जो ट्राइंगल था ये ट्राइंगल राइट की तरफ जाएगा राइट की तरफ तो ये बिल्कुल गलत और यहां पहचानो ये शेप बनी हुई थी कुछ इस तरीके से और इसमें ये एरो इस तरीके से दिया है तो ये भी गलत बचा क्या ऑप्शन नंबर डी बचा क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शानदार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने अब आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर क्या कहता है हाँ दर्पण प्रतिबिंब ऊपर लिख दिया जाएगा ऊपर लिख दिया जाएगा दी गई आकृति को आ, के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार दर्पण को एम पर रखने पर बनेगा एम पर रखने पर यानी कि एम पर दर्पण रखा गया है आपको उसके अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करना है ठीक है अब देखो फटाफट से अब बहुत से स्टूडेंट इसमें जल्दबाजी कर देते हैं ऊपर तो पढ़ लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब लेकिन आगे नहीं पढ़ते फिर कुछ फिर दर्पण को इधर मानकर चले जाते हैं और आंसर को बता देते हैं जबकि यहाँ क्या है यहाँ दर्पण रखा गया है बेटा नीचे की तरफ और जब कभी भी दर्पण अगर नीचे की तरफ रखा जाएगा तो समझ लो वो वाटर इमेज का काम करेगा यानी कि चीजों को पलट देना है जो टॉप वाली चीजें हैं वो बॉटम पर आ जाएंगी अब है ना जो ऊपर वाली चीजें हैं वो इधर आ जाएंगी मैंने देखा इसे पी को ऐसे दिखाई देगा आर को जब मैं देखूंगा तो आर मुझे ऐसे दिखाई देगा यहाँ चीज़ें गड़बड़ दी गई हैं फर्स्ट वाले में आर बिल्कुल गलत दिया है सेकंड वाले में चेक करूँगा तो भैया ये टी ये तो सारा ही गलत है है ना ये सारा क्यों गलत है क्योंकि ये टी यहाँ आना चाहिए था आर इधर ये परमानेंट गलत फिर यहाँ टी आएगा फिर यहाँ क्यू आएगा और क्यू को क्यू की तरह बना कर दिया है तो ये बिल्कुल गलत इधर पी और आर आ ही नहीं सकते टी और क्यू आएंगे टी और क्यू पी और आर नीचे आएंगे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से देखो तुरंत आंसर बताओ तुरंत आंसर बताएंगे सभी लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने स्पीड के साथ चलेंगे सभी लोग

जानू क्या कर रहे हो अरे बेटा पढ़ ले जानू क्या कर रहे जानू ना कर रही कुछ भी और अब भी ना सुधरे ना तो नंबर नहीं आने वाला लिख के दे सकता हूँ नंबर आएगा नहीं समझ रहे हो इस बात को कि जानू सोना मोना टोनू पोनू इनके चक्कर में लगे रहोगे तो परेशान रहोगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई अब कितने दिन बचे हैं आपके पास ही कितने बचे हैं मुझे बताओ मैं अंदारी से आपके पास ही कितने बचे हैं अब चलो देखो जरा फटाफट से आंसर बताएंगे सभी लोग जो लेफ्ट की चीजें हैं वो राइट में जाएंगी यानी कि लेफ्ट में क्या है लेफ्ट में एरो ऐसे दिया है नीचे की तरफ तो ये राइट में जाएगा कुछ इस तरीके से इस तरीके से यहां जा रहा है ये परमानेंट गलत यहां जा रहा है यहां जा रहा है बाकी चालू करो ये लेफ्ट वाला एरो इधर चला जाएगा राइट की तरफ ठीक है ये काम तो हो गया हमारा ये काम तो हो गया इसमें ये गलती दी थी ये लेफ्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये इधर जाने वाला है है ना ये इधर जाने वाला है अब जो ये वाला एरो था ये भैया राइट की तरफ था तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा बिल्कुल आ रहा है ये राइट का राइट की तरफ तो रहने वाला है नहीं अब इधर की तरफ जो ये लाइन गई हुई थी वो ऐसे आएगी है ना वो ऐसे आएगी और ये वाला जो तीर था वो ऐसे नीचे की तरफ था तो इसको इधर की तरफ छाप दूंगा तो ये एरो कुछ ऐसे आएगा है ना नीचे की तरफ इस वाले एरो की बात कर रहा हूँ इस वाले एरो की बात कर रहा हूँ है ना इस वाले एरो ऐसे नीचे की तरफ था तो ऐसे ही आएगा और इसमें क्या दिया इसने इसको ऊपर की तरफ दिया है ऊपर की तरफ क्या ये राइट होगा नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने पहचानो इसका सही जवाब क्या है पहचानो ये सभी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है एक सिंगल क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं रखा है सभी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं कोई सीजीएल में पूछा है कोई सीएचएसएल में पूछा है कोई दिल्ली पुलिस में पूछा है कोई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा है है ना अलग अलग एम के क्वेश्चन भी रखे हैं हर जगह के हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने है देखो भाई फटाफट से क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है इसमें क्या दिया है ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है तो ये बॉक्स तो एज इट इज बनकर आएगा इसमें तो कोई बदलाव होने वाला ही नहीं है बीच में सर्कल है तो बाकी सारी चीजें एज एज इट इट इज इज आएंगी एज़िटीज। अब आपको पहचानना क्या है ये वाला जो सी है ये आपको यहाँ दिखेगा इधर ये वाला एक्स इधर जाएगा ऊपर वाला एल इधर आ जाएगा नीचे वाला जो एन है वो आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा कहानी हो जाती है समाप्त कौन सा विकल्प राइट है एक्स एक्स की जगह पर नहीं रहेगा ये गलत ये गल, कितना गलत दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से बताओ इसका सही जवाब अब की बार फिर से वही चीज है अब की बार दर्पण जो दिया है ना बेटा लग रहा है सारे क्वेश्चनों का ऑप्शन डी है वो मैक्सिमम रखता ही डी ऑप्शन है क्योंकि बच्चे जो हैं वो डी पर कम जाएंगे और पहले पहले को देखेंगे फिर दूसरे को देखेंगे तो हो जाता है कभी कभी ऐसा कि डी ऑप्शन ज्यादातर देखने को मिल जाता है लेकिन आपको ये नहीं तो कमारना कि डी को ठीक करोगे अब इसमें कुछ और आ रहा है, है? चलो ठीक है चालू करो इस बैलून को नीचे की तरफ छापना है तो भैया बैलून ऊपर की तरफ तो रहेगा नहीं ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए ये दोनों तो बिल्कुल गलत है क्यों गलत हो गए क्योंकि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अब नीचे आएगा ठीक है नीचे आएगा यहाँ चीजें बिल्कुल परफेक्टली लग रही हैं। अब इसमें क्या गलती है तो फिर इसमें क्या गलती है भाई ये जो बना हुआ था ना W टाइप में कर वो M टाइप में कर नीचे बनता यहां बनता वो तो और इसने कहा दिया है ऊपर की तरफ तो इसका अर्थ है ये चीज इसने गलत दी है गलत ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है फर्स्ट वाला परफेक्टली राइट आंसर यहां से आगे स्टार्ट होता है आपका यहां से आगे स्टार्ट होता है वॉटर इमेज मिरर इमेज हो गया अब आते हैं वॉटर इमेज पर और वॉटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम दो सेकंड में देख लेते हैं फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन पर चलेंगे वॉटर इमेज क्या कहती है वॉटर इमेज क्या कहती है दर्पण प्रतिबिंब का जस्ट उल्टा उल्टा होता है मिरर इमेज का जस्ट उल्टा कैसे होता है वॉटर इमेज में हमेशा याद रखना इस बात को जो टॉप की चीजें हैं जो टॉप में चीजें दी हैं वो चेंज हो जाएंगी किस में बॉटम में बिल्कुल अपोजिट है टॉप बॉटम में चेंज होगा और बॉटम जो है वो किस में चेंज होगा बॉटम चेंज होगा भैया टॉप की तरफ बॉटम चेंज होगा किस पर टॉप की तरफ और एक बात का और खास ध्यान रखना जो लेफ्ट की चीजें हैं याद रखना जो लेफ्ट की चीजें हैं वो लेफ्ट में ही रहेंगी इसको मत बदल देना और जो राइट की चीजें हैं वो राइट में ही रहेंगी जो राइट वाली चीजें हैं वो राइट में ही रहेंगी इस बात का खास ध्यान रखना ठीक है ये दो चैप्टर वाटर इमेज और मिरर इमेज करने के बाद फिर आएगा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग क्योंकि वो इसी पर आधारित है इन दोनों चैप्टर्स पर वो इन्हीं दोनों चैप्टर्स पर आधारित है क्योंकि उसमें यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाले में क्योंकि इसके साथ ही मैंने उसको रखा है आपका वो चीज भी क्लियर होगी जैसे मान लो मैं यहां पर कुछ भी लिख दूं मैंने देखो वहां आपको राम का करके बताया था तो यहां भी हम राम ही लिख रहे हैं अब इसका जल प्रतिबिंब बताना है यानी कि वाटर इमेज अब वाटर इमेज होगा कैसे वाटर इमेज में टॉप वाली चीजें हमेशा बॉटम में हो जाएंगी यानी कि ये जो आर है ये हमको कुछ ऐसे नजर आएगा ए जो है ये उल्टा हो जाएगा ऐसे नजर आएगा एम जो है वो डब्लू बन जाएगा ऐसे नजर आएगा ठीक तो टॉप वाली चीजें बॉटम की तरफ और लेफ्ट लेफ्ट रहेगा राइट राइट रहेगा कोई भी नंबर है नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये वन लिखा और यहां टू आपको कुछ ऐसे लिखा मिलेगा और फाइव ऐसे लिखा मिलेगा सॉरी है ना और फाइव इस तरीके से जब आप इसको देखोगे तो ये वन बहुत से मैं ऐसे करके दे देगा एग्जाम आपको गलती करवाने के लिए तो जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना तो ये जो बनेगा ना ये जो बनेगा वन वो लेफ्ट की तरफ ही रहेगा लेफ्ट वाली चीजें हमेशा लेफ्ट में ही रहेंगी राइट वाली राइट में रहेंगी ये जो टू है ये हमको कुछ इस तरीके से ऐसे नजर आ जाएगा है ना ये जो टू है ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा और जो फाइव है ये भैया कुछ इस तरीके से ऐसे बन याद रखना ये इसका मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है मिरर इमेज में क्या होता है लेफ्ट का राइट right होता है राइट right का लेफ्ट होता है टॉप टॉप रहता है बॉटम बॉटम रहता है वाटर इमेज में क्या है लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा राइट right, राइट right ही रहेगा लेकिन टॉप बॉटम में बदल जाएगा यानी कि जो ऊपर वाली चीजें हैं वो नीचे और जो बॉटम यानी कि नीचे वाली चीजें हैं वो ऊपर कहने का अर्थ है जब कभी भी आप पानी के सामने खड़े होते हो तो आप खुद सोचो मान लो आप किसी तालाब के किनारे या किसी स्विमिंग पूल के किनारे जाकर ऐसे खड़े हो तो आप जब उस, अपनी परछाई को उसमें देखोगे तो आपको लगेगा कि पैर से पैर मिले हुए नजर आ रहे हैं तो सिर सिर नीचे गड्ढे में नजर आएगा पैर ऊपर नजर आएंगे ये इसका कॉन्सेप्ट है फटाफट से धुआं उठाते हुए चले जाओ स्पीड के साथ स्पीड के साथ सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने फैमिली को फैमिली को भैया आपको क्या करना क्या है नीचे की तरफ पलटना है नीचे की तरफ तो ये जो एफ है ना ये आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा बेटा और जो ए है वो इस तरीके से नज़र आएगा और जो एम है वो डब्ल्यू बन जाएगा जो आई है वो आई रहेगा एल जो है वो इस तरीके से हो जाएगा और वाई नीचे की तरफ हो जाएगा चीजों में इस तरीके से आपको पहचान करनी है अब यहां भी गलतियां ढूंढोगे आप यहां भी गलतियां कैसे ढूंढोगे भैया लेफ्ट राइट चेंज थोड़ी ना करना है लेफ्ट राइट चेंज नहीं करना मेरे भाई बिल्कुल गलत होगा और एम का एम नहीं रह सकता बिल्कुल गलत हो जाएगा और इन दोनों में पहचान करो इसमें एल की गड़बड़ की हुई है एल का लेफ्ट राइट चेंज किया हुआ है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बचेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पहचानो फोर पी पंद्रह बी सेवन ढूंढो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सिर्फ तो हमारे को अब की बार ये कोई ऐसा करे ना पढ़ लो बेटा पढ़ लो इनका जो है ना इनका दिमाग जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है ना ये दो चार बच्चे ऐसे आ जाते हैं परेशान है चलो देखो जरा भाई इसको पलट दो नीचे की तरफ पलटोगे यू आपको ऐसे नजर आएगा फोर को पहचानोगे ऐसे नजर आएगा पी को देखोगे ऐसे नजर आएगा वन को अभी बताया था ऐसे फाइव भी बताया था ऐसे बी का अब बी में बहुत गड़बड़ हो जाती है ध्यान रखना जो एग्जाम में आपको बी बनी हुई नजर आएगी ना हमेशा याद रखना है इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा होता है और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है बी का जब हम इसको जल में देखेंगे तो वही काम करना है ऊपर वाले हिस्से को बड़ा बनाना है और नीचे वाले को थोड़ा छोटा बनाना है ये ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा याद रखना इस बात को एग्जाम में ये चीज बहुत काम आएगी बी का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा है नीचे वाला थोड़ा बड़ा है तो नीचे वाले को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा और ऊपर वाले को थोड़ा छोटा बनाऊंगा ऐसे सेवन को देखोगे तो सेवन आपको ऐसे नजर आ जाएगा पहचानो कौन सा विकल्प परफेक्टली राइट है यू फोर ठीक है क्या फोर को देखो कितना गलत लिख कर दिया है उसने हमारा फोर तो ऐसे आएगा ना लेफ्ट राइट right थोड़ी ना चेंज करना है हमको बिल्कुल गलत हो जाएगा दूसरे वाले पर चलूंगा यू फोर और देखो पी को भाई कैसे डी में बदल दिया जबकि हमारा पी का बी बनेगा बिल्कुल गलत गलतियां ढूंढो यू फोर बी वन और 7 परफेक्टली राइट नजर आया परफेक्टली राइट अब D वाले में क्या गलती है भाई D वाले में U4, B और ये वाला 1 और ये वाला 5 और इस B में गलती दी है ध्यान से देखो इस वाले B में वे B का लेफ्ट राइट चेंज कर दिया ये गलत है ये गलत है ऊपर दिखाना है कौन था सेवन क्या कह रहा है चलो ठीक है बहुत अच्छे नेक्स्ट अगला प्रश्न अगले प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे स्पीड के साथ अगले प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे स्पीड के साथ कौन सा सबसे बेस्ट होने वाला है कौन सा सबसे बेस्ट होने वाला है रोकना इस पर खुशबू बनकर तेरी सांसों में समा जाएंगे सुकून बनकर तेरे दिल में उतर जाएंगे महसूस करने की कोशिश तो कीजिए एक बार दूर रहते हुए भी पास नजर आएंगे त्रिपाठी जी एक आध कविता ऐसी भी लिख दो कोई किताब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है सब आसकी से रिलेटेड ही लिखे करो जुनून है मुझे वर्दी का कि इस बार मुझे नौकरी लेनी ही लेनी है, है मुझे वर्दी पहननी ही पहननी है ऐसा नहीं लिख रहे कुछ भी ये आसिकों वाले मिजाज वाले लोग ज्यादा हैं क्लास में चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई इस बी को पलटोगे तो मैंने बताया ऊपर वाला हिस्सा इसमें बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा इस बात का ध्यान रखना थोड़ा क्योंकि इसमें नीचे वाला बड़ा होता है ऊपर वाला छोटा होता है के को पहचानोगे के आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा कभी कभी एग्जाम में पता है के कैसे बना कर देता है एग्जाम में के कुछ इस तरीके से बना कर देता है उसका भी थोड़ा ध्यान रखना जब एग्जाम में जब एग्जाम में आपको ये के कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आए ना तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर के को कैसे बनाना है जो ऊपर की तरफ थी चीजें वो इधर की तरफ होंगी और ये जो डंडा निकलेगा वो यहां से निकलेगा इस बात का खास ध्यान रखना यहां तो के ठीक ठाक दिया हुआ है लेकिन यहां ऐसी चीजें आपको एग्जाम में मिलने की संभावना होगी तो इस के को थोड़ा पहचानना अच्छे से तब करना चीजों को सॉल्व तो पहचानो गलतियां किसमें हैं और सही क्या है फर्स्ट वाले में बी हमको बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है लेकिन के को लेफ्ट राइट चेंज कर दिया बिल्कुल गलत कर देना तुरंत हटा देना ये वाला ठीक नज़र आ रहा है के ठीक नजर आ रहा है फाइव ठीक नजर आ रहा है जीरो आर पी और ये सिक्स का नाइन हो जाएगा और ये टू के पैर ऊपर की तरफ भैया टू बिल्कुल ठीक है टू बिल्कुल ठीक है लग रहा है बिल्कुल ठीक ठाक सा दूसरा वाला तीसरे वाले में क्या गलती है बी के B K, K, o, के को पहचानोगे तो इसमें B में ही गलती कर दी क्यों करती क्योंकि B का छोटा वाला सर्कल ऊपर है और बड़ा वाला नीचे जबकि हमारा सर्कल बड़ा वाला ऊपर आएगा छोटा वाला नीचे आएगा मैंने बताया ना इसमें B की गलती दी है इसमें क्या गलती है इसमें ठीक है ये वाला ठीक है फाइव भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा तो ये गलत हो जाएगा क्यों नहीं लग रहा ठीक हमारा जो फाइव बनकर आएगा वो ऐसे आएगा और इसमें लेफ्ट राइट चेंज कर दिया तो ये गलत है तो बी ऑप्शन परफेक्टली राइट है बी ऑप्शन परफेक्टली राइट है उम्र थका नहीं सकती ठोकरे गिना नहीं स... क्या कह रहा दिखाना भैया ठोकरे गिरा नहीं सकती और जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती ये बातें होती हैं अच्छी ये बातें होती हैं अच्छी अभी ये एक आस की वाला आया था पता नहीं कौन था वो मेरी समझ से बाहर था चलो ठीक है ये चीजें अच्छी हैं देखो भाई फटाफट से अब इसको आप जब मिरर में सॉरी वाटर में देखोगे तो ये कैसे नजर आएगा तो सी जो है वो तो सी की तरह ही रहेगा इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा इसने क्या कर दिया सी को लेफ्ट राइट चेंज कर दिया भाई बिल्कुल गलत और शुरुआत में ई e नहीं आ सकता बिल्कुल गलत ये दो ऑप्शन तो मैंने बिल्कुल ही साइड हटा दिए अब बचते हैं ये दो ऑप्शन इनको कंपेयर कर लो भैया सी एच आई अब डी का लेफ्ट राइट चेंज थोड़ी ना हो जाएगा बेटा डी का लेफ्ट राइट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा ये परमानेंट गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट right होने वाला है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भैया फटाफट से बताओ दो आर दिए हुए हैं दो आर आपको दिए गए हैं तो पहचानो ये दो आर एक तो एक तो दिया है आ, इधर की तरफ एक दिया इधर की तरफ जब इसको आप आ, वाटर में देखोगे तो ये चीज कुछ ऐसे नजर आएगी और ये चीज ऐसे नजर आएगी पहचान नजर आ ये दोनों आर आर राइट की तरफ बिल्कुल गलत ये दोनों लेफ्ट की तरफ बिल्कुल गलत ये दोनों ऊपर की तरफ सेम डायरेक्शन में तुरंत तुरंत आंसर देखेगा ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्पीड के साथ चलते रहो नीचे दिए गए प्रश्न का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है नीचे दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब कौन सा होगा पहचानो बहुत बारीकी से चीजों को पहचानना है याद रखना इस बात को बहुत बारीकी से ये कौन है सर मैं सी आई का पेपर देने आया हूँ कानपुर से दिल्ली मैं नोएडा आऊँगा आपसे मिलने मेरी कमेंट देख नहीं रहे हो आप ठीक है बेटा मैं यहीं मिलूँगा आपको ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 में सी गलत है भैया 19 में सी गलत इसको नज़र आया सी गलत नज़र आया 19 में तो मैंने तो सी को गलत किया ही है तो डी तो इसमें आंसर भैया क्या करते हो क्या करते हो इसको भैया नीचे की तरफ छापना है तो याद रखना ये जो ब्लैक डॉट है अंदर वो नीचे आएगा इसमें ऊपर दिया है बिल्कुल गलत इसमें नीचे इसमें दो दिए हैं ये बिल्कुल गलत अब फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करो बस चीजों का और उसमें कंपैरिजन करना है तो याद रखना इस बात को जो नीचे की चीजें जैसे कि ये वाला जो डॉट है ना ये वाला ये इसके बराबर में छोटा डॉट जो है वो राइट की तरफ ही आएगा याद रखो भाई जो ऊपर आपको दिया है ऊपर इसमें दिया है ये डॉट यहां पर है ना और इसके बराबर में एक राइट में दिया है इसके बगल में बिल्कुल छोटा सा जब आप इसको जल में देखोगे तो ये तो आएगा यहां पर और इसके छोटा वाला जो बराबर में है, ये आएगा इधर की तरफ है ना इधर की तरफ चलो अब देखो ऊपर से नीचे आ जाएगा तो ये राइट की तरफ रहेगा राइट की तरफ रहेगा इसमें क्या दिया है लेफ्ट की तरफ दिया है तो इसको आप क्या कर दोगे गलत कर दोगे है ना इसको क्या कर दोगे आप गलत कर दोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा तो ज्यादा बेस्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्टली राइट हो जाता है ए तो वाला परफेक्टली सी की तरफ भागे थे आप लोग छोटी सी गलती को पहचानो छोटी सी गलती को ये वाला डॉट है ना ये इस तरीके से बना हुआ है इसको देखो पहचानो मैंने सीन टू इसीलिए लगवाया था इस क्वेश्चन पर बाकी हाँ ये गलत हो गया बहुत से स्टूडेंटों का बहुत से स्टूडेंटों का गलत हो गया है ना यही तो पहचानना है बस बाकी तो बहुत आसान चीज़ें हैं बहुत आसान चीज़ें हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई समस्या नहीं आएगी सॉरी रुकना जरा अरे सही तो है सॉरी 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 क्या <laughs> मैंने गलत कर दिया भाई ये वाला राइट की तरफ आएगा इसमें लेफ्ट की तरफ आया हुआ ये गलत है ये गलत है आपका सही है बिल्कुल आपका सही है बिल्कुल गलत नहीं है ठीक है ठीक है सी वाला बिल्कुल राइट होगा क्यों क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला था ये ऊपर आएगा और राइट की तरफ आएगा और राइट की तरफ इसमें आया हुआ है इसमें लेफ्ट की तरफ था यह गलत है ये गलत है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है सी बिल्कुल राइट है खुश हो जाओ खुश हो जाओ तुम्हारा सही है नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने चेक चेक करो, चेक करो से। देखो फिर चीजों को आपको नीचे की तरफ पलटना है तो ये पेंटागन और ट्रायंगल, पेंटागन और ट्रायंगल दोनों नीचे की तरफ आएंगे और पेंटागन आएगा यहां पर है ना जो हमारा ये पेंटागन है ये इस तरीके से आने वाला है यहां पर ऊपर ट्रायंगल नहीं आएगा क्योंकि यहां पेंटागन आएगा पेंटागन आया हुआ है ये वाला पेंटागन ऊपर की तरफ नहीं रहेगा ये गलत और ये कैसा दिया है ये ये हमारा ब्लैक होना चाहिए था खत्म तुरंत ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी नीचे ट्रायंगल है तो ऊपर आएगा ऊपर पेंटागन है तो वो नीचे आएगा ये ऊपर वाला नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा परफेक्टली राइट मैंने क्या बताया नीचे वाली चीजें ऊपर जाएंगी ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाएंगी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ऊपर दिखाना थोड़ा सुपर। बस 19 का डी भी गलत है अच्छा 19 का डी इसको गलत लग रहा था बेटा ये है ना उन्नीसवा इसमें में क्या गलती लग रही है दिखाना जरा सी एच आई डी इसमें क्या गलती नजर आ रही है सी ठीक है हाँ सी में गलती है सी में गलती है। पर ये चल जाएगा क्योंकि देखो बाकी तो बिल्कुल परमानेंट गलत है आप ये कह रहे हो गुरु जी सी में इसने ऐसे चौंक बना रखी है तो वो नीचे आएगी पर ये थोड़ा सा चल जाएगा क्यों चल जाएगा क्योंकि बाकी देखो ये परमानेंट गलत हो गया क्यों तो आपको तो रियल वाला थोड़ा सा आंसर देना है तो सी को हो सकता है वो ऐसे बनाकर ना दे एग्जाम में वो सी को बस इतना ही दे तो सी का सी ही रहेगा सी का सी ही रहेगा यहाँ थोड़ा सा डिजाइन में बना के दे दिया है इसको तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा गुरु जी ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा है ना तो इससे थोड़ा सा बचना चलो ठीक है वैसे तो ये गलत है वरना जो सी को हम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा इसकी जो चौंतसी है वो ऐसे आएगी भैया है ना इसकी जो चौंतसी है वो नीचे की तरफ आएगी और बाकी एच आई डी और ई ऐसी फिर ई के लिए भी आप कहोगे कि ई का ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर आएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे इतना चल जाएगा इतने के अकॉर्डिंग ये चल जाएगा बाकी चीजें परमानेंट गलत थी ठीक है ना जो परमानेंट गलत है उसको आप हटा दोगे लिस्ट से इसमें पहचानो कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा कौन सा विकल्प यहां पर सबसे बेस्ट होने वाला है पहचानो और फटाफट से आंसर बता दो ऊपर देखा ना नीचे देखो थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे उपरो हम्म चलो देखो भाई ये वाला ट्राइंगल जो है वो आपको यहां पर नजर आएगा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ तो दिखेगा ही नहीं ऊपर की तरफ तो दिखेगा ही नहीं गलत दोनों ऑप्शन तुरंत गलत मैंने क्या बताया टॉप का बॉटम होगा पेंटागन नीचे की तरफ होगा पेंटागन का जो फेस है वो नीचे की तरफ होगा यहाँ ठीक है यहाँ पेंटागन ऊपर की तरफ दिया है बिल्कुल गलत ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा भैया अगला प्रश्न आपके सामने फटाफट से देखो और आंसर बताओ कौन सा परफेक्टली राइट है कौन सा परफेक्टली राइट आंसर होगा पहचानो स्पीड के साथ <coughs> ये वाला पेंटागन आपको नीचे की तरफ नजर आएगा पेंटागन नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आएगा ही नहीं कहानी खत्म ये नीचे की तरफ आ रहा है ये ऊपर की तरफ आएगा ही नहीं तुरंत गलत ऊपर की तरफ आएगा ही नहीं तुरंत गलत पेंटागन जो है क्योंकि जो भाई जो ऊपर की तरफ नजर आ रहा था वो अब हमको नीचे की तरफ दिखाई देगा जो ट्राइंगल था वो ऐसे नजर आएगा तो इसमें बिल्कुल और ऊपर वाला नीचे की तरफ दिखेगा ये वाला नीचे था तो ऊपर की तरफ दिखेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे परफेक्टली राइट हो जाएगा आपका आंसर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अगला प्रश्न फटाफट से बताओ स्पीड में तुरंत चेक करेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे गुरुजी थोड़ा फास्ट चलो ओके भैया ओके भैया ये वाले पेंटागन को पहचानोगे कहाँ जाएगा नीचे की तरफ नीचे की तरफ राइट में पेंटागन आएगा ट्राइंगल थोड़ी ना आएगा भैया ठीक है इधर नीचे की तरफ है इधर ऊपर की तरफ दिया ये परमानेंट गलत इधर दिया ही नहीं है ये परमानेंट गलत ऐसे गलतियां पहचानो सही दिखेगा फिर परफेक्टली राइट पेंटागन आ गया ये वाला ट्राइंगल ऊपर जाएगा ये पेंटागन ऊपर की तरफ हो जाएगा और ये वाला सर्कल ऊपर से नीचे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट नेक्स्ट बताओ फटाफट से इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा है ना जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है ऊपर से नीचे की तरफ छाप दो स्पीड के साथ ऊपर से नीचे की तरफ छाप दो सभी चीजों को नीचे की तरफ छापना है और आपको बताना है कौन सा विकल्प परफेक्टली राइट होगा सर कितने बजे तक होगी क्लास ये मत पूछो कितने बजे तक होगी चुप पढ़ते रहो जब तक सारे चैप्टर नहीं करा दूं तब तक नहीं जाने दूंगा किसी को भी ऊपर से नीचे की तरफ छापना है तो सर्कल नीचे था तो सर्कल अब ऊपर आएगा इस वाले कोने पर और ये जो लाइन बनी हुई थी ऐसे वो आएगी यहाँ पर ऐसे जो ये ट्राइंगल शेप बनी हुई थी वो बीच में से ऐसे बनी हुई थी तो वो बीच में से ऐसे बनेगी ही बनेगी बीच में जो ट्राइंगल था वो कुछ इस तरीके से ब्लैक हो ही जाएगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा तो भैया ये पहचानो किस ऑप्शन में दिख रहा यहां तो नहीं दिख रहा बिल्कुल गलत यहां भी नहीं दिख रहा बिल्कुल गलत यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है अब बात आती है इस वाले पोर्शन की बीच में ऐसे लाइन आएगी ये इधर से आ रही थी तो अब वो इधर से ऐसे आएगी ऐसे आएगी क्या गलत जो चीजें ऐसे थी वो ऐसे ही रहेंगी कुछ इस तरीके की ये इधर ये इधर की तरफ ब्लैक था तो ये अब ऊपर की तरफ ब्लैक नजर आएगा हमको ऊपर की तरफ तो पहचानो कौन सा विकल्प इसके जैसा राइट होगा ऊपर की तरफ ब्लैक आएगा ना कि नीचे की तरफ है ना ना कि नीचे की तरफ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें तीसरा विकल्प भी किसी इंसान ने दिया तो बी भी दिया किसी ने बी को कैसे कर दिया भाई ये तो परमानेंट गलत है जो ऊपर वाला ब्लैक है वो नीचे ही तो आएगा ये इधर कहां पहुंच गया राइट में राइट में क्या मतलब इसका टॉप वाला बॉटम में ही तो आएगा ये तो बिल्कुल गलत है ना ये दोनों बिल्कुल गलत ये ठीक लग रहे थे लेकिन इसमें जो जैसे कि मैं कहूं ये ब्लैक नीचे था तो ये अब ऊपर ही तो आएगा ऊपर आ रहा है इसमें नीचे दिया था ये बिल्कुल गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सत्ताईस फटाफट से बताओ कौन सा विकल्प यहां पर राइट है पहचानो जी डब्ल्यू के पी छाप दो नीचे की तरफ पूरा छाप दो इसको नीचे की तरफ इधर पी नहीं आ सकता बिल्कुल गलत जी का जी नहीं रह सकता बिल्कुल गलत जी का जी नहीं रह सकता बिल्कुल गलत तुरंत खत्म बचा क्या ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी क्योंकि जी डब्ल्यू का बन जाएगा एम के का के रहेगा और बी पी का बन जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा एक कह रहा पच्चीस नंबर गलत है बेटा पच्चीस नंबर में क्या गलती लगी आपको बताओ जरा ये वाला पेंटागन यहां पर आएगा बिल्कुल आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाला सर्कल नीचे जाएगा बिल्कुल जाएगा ये दोनों लाइन यहां पर आएंगी बिल्कुल आ रहा है ये ट्राइंगल नीचे की तरफ छप जाएगा ये वाला पेंटागन भैया ऊपर की तरफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बताओ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अच्छा क्वेश्चन है जल्दबाजी में गलत मत करना गलत मत करना पहचानो जब इस विकल्प को आप नीचे की तरफ बनाओगे तो ये वाली जो चीजें हैं ये वाला यहां पर है तो ये दोनों चीजें यहां पर आएंगी कुछ ऐसे ये वाला जो हिस्सा था ये वाला हिस्सा जो था वो भैया यहाँ से कुछ ऐसे आएगा और दूसरा वाला इसके कोने से आ रहा है तो ये इस कोने तक ऐसे जाएगा ऐसी तो है चीजें है ना अब पहचानो ये जो बीच में प्लस बना हुआ था तो ये तो बीच में प्लस आएगा इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं यहां जो लाइनें बनी हुई थी अब देखो यहाँ जो लाइनें थी वो कुछ ऐसे सीधी खड़ी हुई थी तो यहां पर भी ये लाइनें कुछ ऐसे इस तरीके से आ जाएंगी ठीक है और ये वाली ये वाली लाइनें कुछ इस तरीके से झुकी हुई थी तो ये थोड़ा सा इस तरीके से झुकी हुई आ जाएंगी है ना इस तरीके से पहचानो कौन सा विकल्प परफेक्टली राइट होगा इसमें क्या है इसमें प्लस को गलत दिया है ठीक इस वाले में पूरा लेफ्ट राइट चेंज कर दिया इस वाले में इस प्लस को गलत दिया है तो ये परमानेंट गलत बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीस फटाफट से पलट दो भैया इसको नीचे की तरफ पलट दो इसको नीचे की तरफ तुरंत छापेंगे सभी लोग भाई टॉप बॉटम चेंज होगा लेफ्ट राइट तो परमानेंट गलत कर देना तुरंत देखते ही देखना ही नहीं है उसको देखना ही नहीं है नीचे की तरफ छाप देना है नीचे की तरफ छाप देना है छाप दो फटाफट से तो भैया ये ये राइट में थोड़ी ना चला जाएगा क्यों जाएगा राइट में लेफ्ट वाली चीज तो लेफ्ट में ही रहेगी ना ये लेफ्ट वाली चीज तो लेफ्ट में ही रहेगी और एक दो तीन चार एक दो तीन चार ये ऊपर बने हुए हैं ये बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग कागज मोड़ना और काटना कागज मोड़ना और काटना पूरा का पूरा आधारित होता है किस पर मिरर इमेज और वॉटर इमेज क्यों भाई अगर कागज लेफ्ट या राइट right की तरफ ओपन करना है तो मिरर इमेज का, का काम करेगा और अगर टॉप बॉटम की तरफ ओपन करना है कागज को तो वो वाटर का इमेज का काम करेगा ये इसका कॉन्सेप्ट है लेफ्ट राइट right में ओपन करना तो किसका काम करेगा मिरर इमेज और टॉप बॉटम की तरफ उसको ओपन करोगे तो वाटर इमेज याद रखना इस बात को ठीक है सर एक बार 26 वाला क्वेश्चन चेक कर लो ठीक है भैया 26 वाले को भी देख लेते हैं भैया क्या दिक्कत दो बार बताया ना ये क्वेश्चन दो बार बताया ना है ना नहीं सुधरोगे नहीं सुधरोगे नहीं समझ में आएगी में बात भाई इस जी को जब आप देखोगे ये वाला जो जी है ये वाला जी जो है वो अंदर की तरफ है है ना और वो आपका कुछ ऐसे जाएगा और फिर ऐसे घूमकर ऐसे बन जाएगा जी ठीक W का क्या बन जाएगा M ना बन जाएगा डब्लू का और K K की तरह रह जाएगा क्योंकि K इसमें ऐसे ही दिया है P जो है वो B में बदल जाएगा ऊपर की चीजों को नीचे की तरफ ही तो बदलना था तो G W का क्या बन गया M हाँ उसमें थोड़ा सा नीचे तक ले जाना है मैंने थोड़ा वैसे बना दिया ये कुछ ऐसे बनेगा है ना ऐसे ठीक जो ये दिया हुआ था सॉरी है ना ये जो दिया हुआ है W वो M बनेगा वो ऐसे बनेगा पूरा है ना जैसे उसने बना कर दिया है ऐसे ही बनाना है हमको K K की तरह और P जो है वो B की तरह ऐसे हो जाएगा तो देखो इसमें दिक्कत कहाँ लग रही है आपको कहाँ दिक्कत लग रही है ठीक है चलो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग कागज मोड़ना और काटना कागज मोड़ना और काटना आपको बताना है जब इस कागज को सबसे पहले लेफ्ट से राइट right की तरफ मोड़ा गया है पहला काम फिर बॉटम से टॉप की तरफ मोड़ा गया है दूसरा काम फिर उसमें कटिंग की गई है जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा चालू करो देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है यहां जो ऊपर की चीजें हैं मैंने बताया ना जब आप इस कागज को नीचे की तरफ ओपन करोगे तो ये वाटर इमेज का काम करेगा ना तो ये जो चीजें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी और वाटर इमेज की तरह आएंगी जैसा भी जल प्रतिबिंब में बताया ट्रायंगल ऊपर की तरफ है तो ट्रायंगल नीचे की तरफ हो जाएगा और सर्कल यहां पर है तो यहां पर ही आ जाएगा अब लेफ्ट राइट की तरफ ओपन करना है ऊपर दिखाना कौन है चलो जब लेफ्ट राइट right की तरफ ओपन करना है तो कैसे करोगे ये लेफ्ट राइट right पर मिरर इमेज का काम करेगा जो राइट right की तरफ एरो था वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा जो राइट right की तरफ एरो था लेफ्ट की तरफ ये सर्कल यहां पर और ट्राइंगल यहाँ पर बस मैंने बताया ना पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग किस पर आधारित है वॉटर इमेज और मिरर इमेज पर जो कागज को आप ऊपर से नीचे की तरफ खोलोगे तो जल प्रतिबिंब और राइट से यानी कि दाएं से बाएं की तरफ ओपन करोगे तो वो मिरर इमेज का, का काम करेगा यानी कि दर्पण प्रतिबिंब ऐसी चीजें ढूंढ लो भैया ऐसी चीजें ढूंढ लो कौन से विकल्प में मुझे तो फर्स्ट वाला ही कुछ सही सा लग रहा है फर्स्ट वाला सेकंड वाले में क्या गलती है चारों एरो सेम डायरेक्शन में दे दिया गलत बीच में चार एरो आएंगे ये बिल्कुल गलत यहां क्या है यहां क्या गलती नजर आ रही है भैया ये ट्राइंगल नीचे की तरफ आएगा ऊपर की तरफ थोड़ी ना आएगा ये गलत ऐसे गलतियां ढूंढी सही आंसर दिख जाएगा नेक्स्ट पहचानो अगला क्वेश्चन सीन टू लगाओ अगला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं जितना हो पाएगा मुझसे ठीक है ये लो कौन सा विकल्प आपका यहां पर सबसे बेस्ट होने वाला है कौन सा विकल्प यहां पर सबसे बेस्ट होने वाला है पहचानेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे एक कागज़ है जिसको लेफ्ट से राइट की तरफ मोड़ा गया है ना लेफ्ट से राइट की तरफ फिर उसके आधे हिस्से को फिर लेफ्ट से राइट की तरफ मोड़ा गया बस तो चार बार है ना इस कॉलम में जो चीजें हैं वो इसमें भी आएंगी और फिर इस वाले में भी आएंगी चार बार आएंगी ये चीजें और इसमें देखो परमानेंट बिल्कुल गलत लास्ट वाले में बीच वाला पूरा हिस्सा गायब बिल्कुल गलत इन दोनों को कंपेयर कर लो कौन सा ज्यादा बेस्ट है भाई नीचे प्लस आ रहा है तो सभी में नीचे प्लस ही आएगा सभी में नीचे प्लस आएगा ना आएगा यहाँ है लेकिन यहाँ ये क्या दे दिया इसने देखना जरा ये बिल्कुल गलत कर दिया ना तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी बचा ऑप्शन नंबर बी बचा परफेक्टली राइट right. right होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट अब ये थोड़ा सा आपका तिरछे रूप में मोड़ा हुआ है है ना कागज को इस कोने को ऊपर वाले कोने को अंदर की तरफ मोड़ा गया फिर नीचे से इस वाले कोने को ऊपर की तरफ मोड़ा गया है ऐसे फोल्ड करना है इसको फिर उसमें कटिंग की गई अब जैसे जैसे इसको ओपन करना है तो कौन सा विकल्प परफेक्टली राइट होगा कौन सा विकल्प अरे ब्लड रिलेशन वाला कौन सा आ गया ये अरे ब्लड रिलेशन नॉन वर्बल में थोड़ी ना आता है वर्बल में वर्बल की मैराथन आपकी बाद में चलेंगी बाकी जो गागर में सागर की मैराथन है ना वो आपकी लगभग लगभग पांच तारीख के आसपास में कर चलेंगी तो आप निश्चिंत रहो बाकी वर्बल रीजनिंग की भी पूरी मैराथन आपको कराई जाएगी नॉन वर्बल का पिछली बार वेटेज ज्यादा था तो आप प्रैक्टिस कर लो इसलिए मैं इसको पहले ही लेकर आ गया हूं तो हो सकता है, उस आपके ऊपर ना पड़े तो इसलिए इस संडे में मैंने इसको रख दिया है फिर आपकी लगातार वर्बल मैराथन सारी चलेंगी जितनी भी आपकी हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी वगैरह सब सब रीजनिंग की वर्बल वो भी वहां पर चलेगी ठीक है कमी किसी चीज में आपके लिए रखी नहीं जाएगी तो भाई जब इसको इधर से इधर की तरफ मोड़ा गया था ऊपर से नीचे की तरफ खोलूंगा इसको कागज को तो ये हमको कुछ इस तरीके से नजर आएगा है ना और ये वाला सर्कल यहां पर आ जाएगा बिल्कुल ये वाला सर्कल यहां पर आएगा ठीक है किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ ऊपर वाली चीजों को इधर की तरफ खोल रहा हूं तो ये वाली चीज भी तो यहां पर आएगी है ना और ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है भैया जो ऊपर वाली चीजें थी यानी कि ये वाला जो था ये कुछ ऐसे और ये ऐसे और ऐसे आ जाएगा ऊपर वाला सर्कल इस कोने पर आ जाएगा अब इसको इधर की तरफ ओपन करोगे तो ये चीजें कुछ ऐसे आएंगी ये वाला सर्कल यहाँ पर जाएगा है ना और जब मैं इसको नीचे की तरफ ओपन कर रहा था सर्कल चार सर्कल बीचों बीच आएंगे और दो सर्कल ये ऐसे कोने पर और यहाँ दो सर्कल ऐसे कोने पर जाएंगे ये वाला जो आ, बना हुआ था ये इधर की तरफ ऐसे चला जाएगा इधर की तरफ ऐसे चला जाएगा तो पहचानो ऐसा विकल्प कौन सा है बीच में चार सर्कल आएंगे बीच में दो नहीं आएंगे बिल्कुल गलत ठीक कोने पर हर किसी कोने पर दो सर्कल आने हैं, हर किसी कोने पर दो सर्कल हर किसी कोने पर दो सर्कल दिए हैं अब इनको आपस में कंपेयर करना है कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है जो ये आपके बने हुए थे भैया चतुर्भुज ये बाहर की तरफ था इनका छोटा वाला हिस्सा यानी कि बड़ी लाइन अंदर की तरफ है और ये इसमें छोटी लाइन को अंदर की तरफ कर दिया ये गलत है यहां ये दोनों चीजें गलत है यहाँ भी इसमें छोटी लाइनों को अंदर की तरफ किया हुआ है छोटी लाइनों को अंदर की तरफ किया हुआ है यह बिल्कुल गलत क्योंकि हमारा जो अंदर की तरफ है वो बड़ी लाइन है छोटी लाइन बाहर की तरफ है बड़ी लाइन अंदर की तरफ छोटी लाइन बाहर की तरफ ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट रोमबस शेप का कागज दिया है अब की बार इसको आपको फोल्ड करना है ना ओपन करना है इसको फटाफट से देखो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा पहचानेंगे सभी लोग एक कागज है लेफ्ट से राइट की तरफ मोड़ा गया है इसको है ना फिर टॉप से बॉटम की तरफ तो काम तो वही करना है मैंने क्या बताया जब टॉप से बॉटम की तरफ मोड़ा गया है तो बॉटम से टॉप की तरफ ओपन करोगे अब ओपन करने पर तो फिर वो वाटर इमेज का काम करेगा यानी ये जो एरो था वो यहां पर भी नजर आएगा ये वाला बॉक्स यहां पर दिखाई देगा ट्राइंगल जो है ये उल्टा हो दिखाई देगा क्यों मैंने बताया ना नीचे से जब ऊपर की तरफ जाऊंगा तो वो वाटर इमेज का काम करेगा और इधर लेफ्ट से जब इसको राइट की तरफ लेकर जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा यहां ये जो एरो है कुछ ऐसे बनेगी यहां जो एरो है वो ऐसे बनेगा ये ट्राइंगल ट्राइंगल की तरह रहेगा ये वाला स्क्वायर यहां पर जाएगा ये वाला स्क्वायर यहां पर जाएगा इस तरीके की चीजें आपको नजर आएंगी पहचानो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है भाई इसमें चारों एरो बीचों बीच दे दिए भाई बिल्कुल गलत है इसमें तो यहाँ ठीक है यहाँ ठीक है यहाँ ठीक चलो मान दिया ठीक है हालांकि गलत सारे ही है हालांकि गलत ये सारे ही है समझ रहे हो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा पर कभी कभी आ जाता है ऐसा कभी कभी क्या आ जाता है ऐसा क्यों आ जाता है देखो हमारा एरो बिल्कुल कोने से ही तो आ रहा है बेटा हमारा जो ये एरो आ रहा था वो बिल्कुल कोने से तो ये सब आपस में मिले हुए ही तो नजर आएंगे एग्जैक्ट वाला तो ये बनेगा लेकिन अब एग्जैक्ट ऐसा दिया ही नहीं है तो फिर हम कहां से बनाए अब तो फिर ऑप्शन तो के अकॉर्डिंग चलना है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिले बहुत कम चांस ठीक है

अब जो थोड़ी बहुत कंडीशन मैच कर रही है सिवाय एरो को छोड़कर वरना एरो तो ऐसे आने थे यहां भी गलती है लेकिन अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो चूज तो इसी को करोगे फिर है ना इसी को चूज करना है फिर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट पहचानो अगला क्वेश्चन पहचानो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ओपन कर दो फटाफट से सारी चीज़ों को जो एक कागज़ है बॉटम से टॉप की तरफ मोड़ा गया है यानी नीचे से ऊपर की तरफ फिर राइट से लेफ्ट की तरफ जब इसको राइट की तरफ ओपन किया जाएगा तो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा ये वाली चीजें सभी पहुंच जाएंगी सर्कल फिर ये गुणा फिर ये वाला सर्कल और ये वाला स्क्वायर इस कोने पर भाई ऐसा मैच करो ये परमानेंट गलत बीच में कोई मतलब नहीं है ये परमानेंट गलत लेफ्ट और राइट में काम खत्म कर दिया बचता है हमारे पास ये ऑप्शन अब ऊपर से नीचे की तरफ ओपन करूंगा तो ये स्क्वायर यहां पर आएगा ये वाला स्क्वायर यहां पर आएगा तो भैया इसमें एक एक दिया है तो ये भी गलत बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर चार बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर चार नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने भैया ये रहा पहचानो कौन सा ऑप्शन सबसे राइट होगा एग्जाम में क्या होता है थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग चीजें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि नॉन वर्बल जो है वहां थोड़ा सा क्योंकि फिगर ऊपर नीचे हो जाती हैं वहां थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहां तो चारों फिगर आपको एक साथ नजर आ रही हैं लेकिन वहां क्या है कि आपको ऊपर नीचे करके देखना होता है ऊपर नीचे यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन फिगर नजर आएगी ऑनलाइन एग्जाम में फिर जैसे ही स्क्रॉल बार से या उसको कर्सर से आप ऊपर की तरफ करोगे फिर पहला ऑप्शन फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा ऐसे दिखते हैं ऑप्शन यहां तो चारों ए की सीध में आपको नजर आ रहे हैं चलो जी इसको इधर की तरफ ओपन करोगे तो ये वाला रोमबस इधर जाएगा ठीक ये वाला स्क्वायर इधर जाएगा ये वाला ट्राइंगल जो है वो इधर की तरफ ऐसा नजर आएगा ठीक ये वाला स्टार जो है वो स्टार को मैं ऐसे ही बना रहा हूँ नॉर्मली वो ऐसे आएगा ठीक है तो पहचानो भाई बीच में तो स्टार आएगा ही नहीं बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत ऊपर दोनों रोमबस रहेंगे स्क्वायर भी ऊपर नहीं आएगा बिल्कुल गलत दो ऑप्शन गलतियां बता रहा हूं गलतियां ढूंढोगे सही आंसर दिखेगा है ना क्या कह रहा है मंकी जैसे दिख रहे फोन को घूर घूर कर इतना छोटा लिखा कौन देखे है? भाई यही तो देखना है एग्जाम में भी ऐसे ही दिखेंगे ये यहाँ तो फिर भी अच्छा दिख रहा होगा एग्जाम में तो पता नहीं कैसा दिखेगा वहां तो स्क्रीन को बार बार ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा यहाँ तो चारों ही ऑप्शन एक साथ नजर आ रहे हैं वहां थोड़ा सा समय लग जाता है चीजों को देखने में ठीक है चलो भाई अब इसको ऊपर से नीचे की तरफ ओपन करोगे तो भैया ये वाला जो ट्राइएंगल है ये आपको ऐसे नजर आएगा ये बीच में चार स्क्वायर हो जाएंगे ये वाला ट्राइंगल जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और रोम्बस जो थे वो यहाँ पर आई जाएंगे जो रोम्बस बने हुए थे और स्टार जो है वो इस कोने पर आई जाएंगे मैंने स्टार को नॉर्मली ऐसे बना दिया अब गलती क्या है यहाँ देखो रोम्बस आना चाहिए था बिल्कुल गलत तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बचा ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट है नेक्स्ट पर आ जाओ अगला प्रश्न अगला प्रश्न फटाफट से देखो और कौन सा विकल्प यहां पर सबसे बेस्ट होने वाला है सबसे बेस्ट पहचानो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है फटाफट से हर किसी स्टूडेंट का सही जवाब आना चाहिए बिना किसी गड़बड़ के बिना किसी गड़बड़ के सबसे पहले मैं बात करूं भाई चारों कोने अंदर की तरफ मोड़े गए हैं ध्यान से देखो चारों कोने अंदर की तरफ मोड़े गए हैं चारों कोने अंदर की तरफ मोड़े गए हैं जब इसको ओपन करोगे तो जब इसको इधर की तरफ ओपन करोगे भाई मेरे तो ये कुछ चीजें ऐसे नजर आएंगी ट्राइंगल शेप में है ना ये चीजें जैसे ही इसको आप इधर की तरफ ओपन करते हो तो सबसे पहला काम ये चीज तो ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगा इसको इधर की तरफ ओपन करोगे तो ये हो जाएगा अब दूसरे वाले को पहचानोगे दूसरा वाला ये ऐसे एल शेप बना हुआ है तो ये भैया ऐसे जब इसको इधर की तरफ ओपन करूंगा तो ये भी कुछ मुझे ऐसे नजर आ जाएगा है ना ये यहाँ पर थोड़ा सा रोमबस शेप में कुछ ऐसा बनेगा फिर इस सर्कल को पहचानोगे ये सर्कल इस कोने पर चला जाएगा ये वाला सर्कल देखोगे इस कोने पर चला जाएगा ये वाला सर्कल यहाँ जाएगा ये वाला सर्कल यहाँ जाएगा बाकी ये जो चीजें थी ये स्क्वायर शेप दे देगा यहाँ पर आकर है ना ये स्क्वायर शेप दे देगा और ये ट्राइंगल शेप देगा यहां पर आकर क्योंकि ये चीजें ट्राइंगल शेप पर बनी हुई हैं तो ये ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा अब पहचानो कौन सा विकल्प इसके जैसा सही है कौन सा विकल्प इसके जैसा सही है क्योंकि यहां ट्राइ एंगल शेप दे रहा है और ये और इधर ये स्क्वायर शेप दे रहा है इधर ये स्क्वायर शेप दे रहा है तो भैया इधर तो ट्राइएंगल शेप आएगी नहीं पहली बात और इसमें चारों ही इसने क्या दे दिया स्क्वायर शेप में ये गलत ये चारो ट्राइंगल शेप में दे दिए ये बिल्कुल गलत ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट परफेक्टली राइट आंसर एकदम सुंदर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है. देखो कौन सा विकल्प सबसे सबसे बेस्ट होने वाला है सबसे बेस्ट वाला विकल्प कौन सा है फटाफट से चेक करो और आंसर बताओ भैया चेक करो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है ध्यान से चीजों को करना जल्दबाजी में गलत मत कर देना बिल्कुल भी ठीक है ना देखो जरा बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही आसान है और देखते ही आंसर आ गया होगा मुझे उम्मीद है इसको इधर की तरफ ओपन करोगे तो यहां जो ये शेप बनी हुई थी तो ये ऐसे कट लगाएगा और इधर वाला कट इधर जाएगा ये तीन सर्कल थे ये तीनों सर्कल ऐसे आ जाएंगे इधर वाला कट यहां नजर आएगा बाकी सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएंगी उधर वाला कट यहाँ पर आएगा चारों कोनों पर कट आएगा और इधर वाला कट जो है वो यहां पर जाएगा और ये जो सर्कल बने हुए थे एक दो तीन इधर एक दो तीन इधर कहानी समाप्त यहीं पर बस इसी चीज को देखते ही आपका आंसर आपको दिख गया होगा ट्राइंगल कट नहीं बनेगा ऊपर रेक्टेंगल कट बनेगा ये बन रहा ऊपर रेक्टेंगल कट ऑप्शन नंबर चार ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अड़तीस क्वेश्चन नंबर अड़तीस फटाफट से देखो कौन सा विकल्प यहां पर सबसे बेस्ट है पहचानो इतना आसान बेटा ये सब एस एस के द्वारा ही पूछे गए हैं सब एस एस के द्वारा पूछे गए हैं और आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के भी उठाए हैं मैंने यहां पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे ठीक है देखो जरा ऊपर से नीचे की तरफ ओपन करोगे ये यहां पर आएगा यहां आसान लग रहा है मानता हूं क्योंकि मैं करा रहा हूं ना साथ के साथ एग्जाम में ये चारों विकल्प एक साथ दिखाई नहीं देंगे वहां थोड़ा सा कठिन लगता है इसीलिए ऑनलाइन एग्जाम में हिडन फिगर सबसे ज्यादा परेशान करती है हिडन फिगर एग्जाम में क्यों पहले तो क्वेश्चन फिगर नजर आएगी फिर उसको ऊपर की तरफ करेंगे तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन वो सबसे ज्यादा परेशान करता है एग्जाम में हिडन फिगर वाला ठीक है चलो तो भैया ये तो बन गया कुछ इस तरीके से पहचानो अब इसको इधर की तरफ ओपन कर दोगे तो ये ट्राइंगल ऐसे आ जाएगा और इधर वाला ट्राइंगल भैया ऐसे आ जाएगा ठीक ये वाला यहां आ जाएगा और ऊपर वाला भैया यहां पर चला जाएगा तो पहचानो फर्स्ट वाले में क्या गलती है फर्स्ट वाले में तो ये ट्राइंगल गलत दिए हैं है ना इस वाले में क्या गलती है इस वाले में क्या गलती है दोनों ऐसे हैं दोनों नीचे की तरफ ये दोनों नीचे की तरफ नहीं आएंगे और ये ठीक है ये ठीक है इधर लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट ये बिल्कुल ठीक है यहां ये दोनों ट्राइंगल गलत दिए हैं तो ये ऑप्शन गलत सी वाला जो हो जाएगा हमारा राइट सी वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट होगा नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने चेक करो जल्दी से पहचानो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है सबसे बेस्ट एक कागज है राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया फिर टॉप से बॉटम की तरफ मोड़ा गया है अब इसमें आपको चीजें पहचाननी है इस ट्रायंगल को जैसे ही ऊपर की तरफ पहुंचाओगे ना इस वाले को तो ये आपको कुछ ऐसे नजर आएगा बेटा कुछ ऐसे ये वाले स्क्वायर को देखोगे तो ये वाला स्क्वायर ट्राइंगल के निचले वाले थोड़े से पार्ट पर था तो ये यहां पर कुछ ऐसे नजर आएगा सर्कल जो है और थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ऐसे तो ऐसे चीजों को पहचानो यहाँ ट्रायंगल एंगल ठीक है यहाँ ट्रायंगल एंगल ठीक है लेकिन ये बिल्कुल इसके सामने आने वाला था तो यहाँ पर ये चीज गलत दे दी है ना अब ये ठीक है ये ठीक है और ये ठीक है लेकिन इसमें क्या गलती है इसमें यहाँ ट्राई एंगल नहीं आएगा क्योंकि बीच में तो बीच में तो ये चार ऐसे स्क्वायर ही आएंगे बीच में चार स्क्वायर आएंगे ये ट्राइंगल भैया राइट की तरफ थे ये इधर लेफ्ट की तरफ और यहां ये इधर राइट की तरफ तो ये लेफ्ट की तरफ ये वाला ट्राइंगल गलत दिया है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट क्वेश्चन नंबर चालीस फटाफट से देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने एक कागज है जिसको टॉप से बॉटम की तरफ मोड़ा गया और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ मोड़ा गया है तब जाकर उसमें कटिंग की है जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये किस विकल्प की तरह हमको नजर आएगा किस विकल्प की तरह ये हमको दिखाई देगा इसके जैसी चीजें चारों तरफ छाप देनी है इस बात का ध्यान रखना अब एग्जाम में आपको फिगर तो बनानी नहीं है ध्यान से सुनना एग्जाम में आप ऐसे फिगर पर उस पर थोड़ी ना चला पाओगे पेन कंप्यूटर पर ऐसे थोड़ी ना कर पाओगे तो वहां कैसे करते हैं इन चीजों को बस याद रखना माइंड में भाई ये सर्कल हर कोने पर है, तो हर कोने पर सर्कल आएगा इधर नहीं दिया इधर नहीं दिया दो ऑप्शन परमानेंट गलत हो गए डिलीट तुरंत ये जो रेक्टेंगल शेप थी ये रेक्टेंगल शेप ऐसे आएगी भाई रेक्टेंगल शेप ऐसे आएगी हॉरिजॉन्टल वे में क्षैतिज रेखा पर और इसमें कैसा दिया है रेक्टेंगल इसमें कैसा दिया ये चीजें ऐसे पहचाननी होती हैं एग्जाम में ये गलत गलतियां ढूंढेंगे सही आंसर दिख जाएगा फिर अपने आप फर्स्ट वाले में क्या गलती मैंने बताया भाई जब यहां सर्कल है तो वो हर कोने पर सर्कल आएगा हर कोने पर आएगा इधर नहीं है इधर नहीं है तो ये परमानेंट गलत हो गए दोनों ऑप्शन इनको कोई सही नहीं कर सकता इसमें है इसमें है बीच में रेक्टेंगल शेप को हमने देखा तो इसको ऐसे ओपन करेंगे तो माइंड में ये चीज तो हमारे में रहेगी ना कि हम माइंड में इस चीज को देख रहे हैं तो भैया ये ऐसे आएगा रेक्टेंगल और इसने कैसे बना दिया इसको इसको वर्टिकल वे में बना दिया उर्धवाधर में ये गलत होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ये करना है वहां पर बी दे रहा है कोई इसका आंसर डी भी दे रहा है देखो पिट जाओगे दोनों से तो भैया तो ये सही तो होगा ये सही होगा हो भाई जब यहां इसके ऐसे जा रहा है ये तो इसमें ऐसे ही तो आएगा और फिर ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा ये तो ऐसे बनेगा हॉरिजॉन्टल वे में ऐसे थोड़ी ना बनेगा नेक्स्ट ये है वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में परेशान करने वाला चैप्टर सबसे ज्यादा खून पीने वाला चैप्टर यही है सबसे ज्यादा खून पीने वाला चैप्टर यही है हिडन फिगर छिपी आकृति ये सबसे मतलब खून पीने वाला ऐसा है कि ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है एग्जाम में आप मिरर uh, इमेज कर लोगे बड़ी आसानी से आप वाटर इमेज कर लोगे बड़ी आसानी से पेपर फोल्डिंग कटिंग कर लोगे बड़ी आसानी से सीरीज के क्वेश्चंस को भी कर लोगे आसानी से लेकिन जब ये आता है ना तो इसमें क्या चीज होती है इसमें फिगर को ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि इतनी हार्ड हार्ड फिगर देता है मैं दिखाऊंगा कितनी हार्ड हार्ड फिगर एग्जाम में पूछी गई है ठीक है अब उनको पहचानना बार बार ऊपर नीचे करना कंप्यूटर पे जो स्क्रीन को आप बार बार क्वेश्चन फिगर को देखोगे फिर आंसर फिगर को देखोगे तब ढूंढ कर निकालोगे तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है इसके लिए मैं खुद ही कह रहा हूं कोई फिगर ऐसी आ गई खतरनाक वाली दिखाऊंगा कैसी वाली ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है वरना बाकी सब चीजें आपकी आसान है ये कर तो लोगे लेकिन थोड़ा समय समय ज्यादा लगेगा बस और के मुकाबले और फिगर्स के मुकाबले क्योंकि क्वेश्चन फिगर ये है क्वेश्चन फिगर हमारी सॉरी क्वेश्चन फिगर हमारी ये है ये हमारी क्वेश्चन फिगर है पहली स्क्रीन पर तो यही नजर आएगी क्वेश्चन फिगर दूसरी पर फिर पहला ऑप्शन फिर दूसरा ऑप्शन फिर तीसरा ऑप्शन फिर चौथा ऑप्शन ऐसे नजर आएंगे फिर ठीक है तो अब आपको बोला क्या है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है घुमाने की अनुमति नहीं है तो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट ही ढूंढना है फिगर को रोटेट नहीं करना इसमें बिल्कुल भी किसी भी हालत में है ना फिगर को रोटेट नहीं करना जैसा दिया है एग्जैक्ट का एग्जैक्ट ही ढूंढना है तो डी ऑप्शन की तरफ बहुत से स्टूडेंट जा रहे हैं मुझे लग रहा है डी ऑप्शन वाले मेरे हाथों से पिटने वाले हैं बस ये डी वाले जितने भी है ना बहुत मार लगाऊंगा इतनी अच्छी मार लगाऊंगा याद करोगे उस मार को इसमें कहां से नजर आ गया मुझे ये तो बता दो इसमें कहां से नजर आ गया ऐसे सोच रहे होंगे गुरु ये बन गया देखो गुरु ये बन गया हमारा अरे बेटा ये ऐसा बन रहा है देख लो है और इसमें बिल्कुल सीधी लाइन है ये डी वाले सुधर जाओ सुधर जाओ डी वाले अजी सी में बन रहा है सी में सी में ढूंढो कहा बन रहा है भैया सी में तो बनी ना रहा रेक्टेंगल शेप तो इधर हिस्से पर आई नहीं रही कहीं पर भी अजी इसमें बन रहा है इसमें बन रहा है क्या ढूंढो परखो आंसर बताओ ये रेक्टेंगल शेप यहां दिख जाएगी नीचे आऊंगा इधर आऊंगा इधर आऊंगा इधर जाऊंगा बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गया किस में भैया परफेक्टली मैच कर गया किस पे बी ऑप्शन पर परफेक्टली जो मैच करा वो हमारा बी ऑप्शन पर करा या नहीं करा ये रेक्टेंगल शेप है ना इस तरीके से और यहां फिर ये ट्राइंगल शेप कुछ इस तरीके से बताओ किसी को भी कोई दिक्कत इसमें लगी हो कोई समस्या इसमें लग रही हो तो बताओ मुझे साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन चाहिए ऐसा ही बिल्कुल है ना तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमको चाहिए ये तिरछा एम टाइप में कर कुछ चीज ऐसी चाहिए जिसको हम ऑप्शन में ढूंढ पाए चेक करो फटाफट से बताओ देखो परखो आंसर बताओ ये तिरछा एम भाई इसमें तो इधर की तरफ दिया है तो इसको तो मैं सही करूंगा नहीं क्यों क्योंकि घुमाने की अनुमति नहीं है फिगर को रोटेशन करने की परमिशन कतई भी नहीं है गलत हो गया इसमें ढूंढूंगा इसमें एम शेप ढूंढूंगा तो यहां से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ये यह यहाँ तक ऐसे मिला हमको क्या ये परफेक्टली राइट right हो रहा है क्या ये परफेक्टली राइट right हो रहा है भाई बिल्कुल डिक्टो मिल गया डिक्टो इसमें क्या है इसमें तो एम शेप डायरेक्ट एम शेप में दी थी जबकि इसमें थोड़ा सा है ना बीच में हमको ये पॉइंट मिलाने नहीं थे इसको थोड़ा सा ऐसे हटाकर बनाना था हटाकर है ना और इसने बिल्कुल इसको मिला कर दिया हुआ है तो ये ये गलत है इस वाले में कहीं एम शेप नजर आ रही है इस वाले में तो एम शेप बनी नहीं रही इस वाले में तो एम शेप बनी रही इस वाले में तो कुछ इस तरीके से बन रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा तो बच्चा क्या ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ये थोड़ा सा सर दर्द भी करता है ये चैप्टर थोड़ा सा एक सर में दर्द हो रहा है करेगा करेगा भैया यही तो सबसे ज्यादा खतरनाक चैप्टर पूरी नॉन वर्बल का यही है बस जो थोड़ा सा परेशान करेगा क्योंकि टाइम टेकिंग होता है इसमें फिगर बहुत खतरनाक खतरनाक मिलती हैं दिखाऊंगा भी आएंगी सारी फिगर आपके सामने ढूंढो अब की बार आपको जो है ना वो क्वेश्चन फिगर में आंसर फिगर ढूंढनी है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है यानी कि कौन सा विकल्प जो है वो ऑप्शन में छिपा हुआ है कौन सा विकल्प ऑप्शन में छिपा हुआ है क्या आप इस फर्स्ट वाले को ढूंढ पा रहे हो फर्स्ट वाले को ढूंढो भैया मुझे चाहिए तीन लाइनों के साथ ये रेक्टेंगल तीन लाइनों के साथ ये रेक्टेंगल मिल गया परफेक्ट वे में ऊपर एक स्क्वायर चाहिए मिल गया स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है इधर ट्राइंगल शेप चाहिए बिल्कुल चाहिए बिल्कुल आ रही है इधर ट्राइंगल शेप ये आ गई थोड़ा सा इस तरीके से है ना और फिर इसमें नीचे की तरफ जाना है बिल्कुल जा पा रहा हूँ नीचे की तरफ इधर ये ट्राइंगल बन जाना चाहिए बिल्कुल बन रहा है इधर की तरफ आ जाऊँगा तो मुझे बता दो फर्स्ट वाले में कोई गड़बड़ आपको लगी फर्स्ट वाले में कोई गड़बड़ आपको लगी भाई फटाफट से बताना किसी को फर्स्ट वाले में कोई गड़बड़ लगी फर्स्ट वाला परफेक्टली राइट right मिल गया या नहीं मिला एकदम परफेक्टली राइट right मिल गया अब बात आती है सेकंड विकल्प की क्या जी सेकंड वाला भी तो मिल रहा फर्स्ट वाला तो चलो मिल गया सेकंड वाले में सेकंड वाले में गलती कहां पर है ध्यान से सुनना यहां एक लाइन और ये दूसरी लाइन और हमारे पास है बस एक लाइन एक ही तो हाँ हमारे पास दूसरी कहां से आ गई ये गलत है ये गलत है क्या ये वाला मिल पा रहा है हमको तीन लाइन बीच में ऊपर क्रॉस चाहिए और राइट की तरफ ये चीजें चाहिए राइट की तरफ है ना तो अगर मैं कहूं आपको यहां से राइट की तरफ हमको ये वाली लाइन ये वाली लाइन क्या कहीं नजर आ रही है इधर बताना जरा नजर आ रही है क्या ये वाली लाइन नहीं नजर आ रही ये गलत हो जाएगा तीन लाइनों के नीचे है। मुझे ट्रायंगल पर ये वाली लाइन चाहिए नहीं है ऊपर नहीं है ध्यान से देखो ऊपर नहीं है ये वाला परफेक्टली राइट है नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने ये है वो फिगर जो थोड़ी सी परेशान करती है एग्जाम में ये है वो फिगर जिनकी मैं बात कर रहा था ये खतरनाक वाली फिगर है यही है वो फिगर क्वेश्चन फिगर में आंसर फिगर ढूंढो कौन सी नजर आ रही है चार विकल्पों को ऊपर ढूंढने का प्रयास करो कौन सा आपको दिखेगा पहचानो स्पीड के साथ भैया स्पीड के साथ पहचानो कौन सा विकल्प आपको नजर आएगा फर्स्ट वाले को ढूंढो पहले तो फर्स्ट वाले को ढूंढो पहले तो भाई मुझे ये वाला सर्कल चाहिए ठीक है ये वाला सर्कल यहां मिल गया इतना आधा ठीक फिर ये लाइन भी चाहिए चलो लाइन भी मिल गई ये वाली लाइन भी मिल गई मान लिया ये लाइन मिल गई हमको यहां पर ठीक फिर उसके साथ यहां पर ये वाला कट चाहिए बिल्कुल आ गया बिल्कुल आ गया कोई नहीं रोक सकता परफेक्टली मैच कर गया ऊपर से ये लाइन चाहिए ये वाली लाइन ऊपर से यहां ऐसे आनी चाहिए ऊपर से ये लाइन यहां पर ऐसे आ रही है ओ भैया मेरे पर लेकिन इसमें ये वाली लाइन तो मिली ना ये वाली कहा है ये वाली तो है ही नहीं तो इस वजह से क्या हो गया गलत इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया है ना गलत हो गया ना अब दूसरे वाले पर चलो <coughs> मुझे क्या चाहिए सर्कल का ये वाला हिस्सा चाहिए ये वाला तो सर्कल का ये वाला हिस्सा यहां पर नजर आ रहा है आ रहा है ना फिर ये इस तरीके से रेक्टेंगल शेप कुछ ऐसे चाहिए मुझे ऐसे और ऊपर की तरफ भी यहां से यहां तक ऐसे जाऊंगा फिर ये वाली ए शेप चाहिए ए शेप यहाँ पर आ रही है परफेक्टली मैच कर रही है ए शेप इधर चाहिए ये वाला ट्राइंगल शेप ये वाली ट्राइ शेप बिल्कुल मैच कर रही है कोई गलत नहीं कर सकता ये वाली लाइन चाहिए कर्व के साथ थोड़ा सा तो ये वाली लाइन यहाँ पर मिल रही है कर्व के साथ थोड़ा सा बिल्कुल है ना और सब कुछ तो मिल गया परफेक्टली अब बचाई क्या हमारे पास कुछ नहीं बचा सब कुछ ओके okay की रिपोर्ट में है सब कुछ ओके okay की रिपोर्ट में और कुछ बचा हुआ है क्या नहीं बचा हुआ और कुछ हमको चाहिए नहीं था ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी यहां बी राइट right हो जाएगा बी में मिल गया वेरी गुड नेक्स्ट भाई ढूंढो इसको जरा ढूंढो इसको जरा ये कहां पर नजर आ रही है ढूंढो इसको जरा एक सेकंड रुकना ये कहां पर आपको नजर आ रही है फटाफट से बताओ कहां पर ये आपको दिख रही है स्पीड के साथ ढूंढकर बताओ इस चीज को स्पीड के साथ ढूंढकर बताओ इस चीज को ये कहाँ दिख रही है आपको इकतालीस ऑल रॉन्ग है एक बार देख लो इकतालीस पैतालीस चवालीस तैतालीस और बयालीस और इकतालीस बेटा ऑल रोंग कैसे नजर आया मुझे ये तो बता दे ऑल रोंग ये कौन है ये दिखाना इकतालीस वाला ऑल रोंग है क्यों बी में तुमको दिखाई ना दे रही है, है? कौन था ये प्रभु बेटा इसमें इसमें कोई आ, फारसी बना हुआ है कुछ फारसी में लिखा हुआ है कुछ अरे भाई जो चीज इधर थी वो इधर बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो मिल गई इसमें क्या दिक्कत है ये बीच में लाइन थी तो बीच वाली लाइन यहां मिल गई ये मिल गई बीच वाली लाइन मैंने बताया साइज का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इसको थोड़ा बड़ा हमारे टाइपिस्ट ने कर दिया है वो एग्जाम में तो बिल्कुल ठीक ठाक मिलती है चीजें ये ठीक है बिल्कुल ओके okay की रिपोर्ट है इस वाले को ढूंढना था भैया ये वाला जो डब्लू सा बना हुआ है इसको ढूंढना फर्स्ट वाले में क्या मिल रहा है फर्स्ट वाले में यहां से ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, ऐसे आया फिर ऊपर की तरफ चला गया ट्राई बन गया इधर की तरफ चला गया ऊपर चला गया ऊपर चला गया ऊपर चला गया भाई बिल्कुल मिल गया फर्स्ट वाले में इसमें मिल रहा है क्या ऊपर से नीचे की तरफ आओगे नहीं दिखाई दे रहा यहां तो नहीं है यहां दिख तो रहा है ये यह। यहां दिख तो रहा है ये डब्लू परफेक्ट वे में लेकिन ये वाली जो लाइन है ना ये गड़बड़ करके इधर भी चला गया इधर भी चला गया तिरछी दी है भाई ये लाइन ये तिरछी दी है तो इस वजह से ये गलत है डब्लू है ना ये वी जो शेप बनी हुई है वो यहां पर बनी हुई है नीचे देखूंगा तो नीचे भी इसके साथ ऐसे गया ऐसे गया तो यहां ये कुछ ऐसे बन रहा है है ना अब क्या ये सही होगा बताओ पहचानो क्या ये सही होगा हमको तो ऐसा चाहिए था तो ये तो गड़बड़ हो गई फिर है ना ये तो गड़बड़ हो गई फिर तो गलत है ये तो इस वाले में इस वाले में बिल्कुल नहीं है क्योंकि नीचे की तरफ दिया हुआ है हटाओ ऊपर दिखाना ऊपर दिखाओ हाँ ये क्या कह रहा है आई हेट यू ओए हो आई हेट यू वाले इंसान भी हैं क्लास में ओए होए गौरव ऑफिशियल पर ये हाई ये जो हेट कर रहा है ना वो किस वजह से कर रहा है पता है ये कर रहा है इस वजह से मैं इसका कमेंट नहीं पढ़ रहा तो बेटा पढ़ लो पढ़ाने के लिए ही तो आया हूँ कमेंट पढ़ने के लिए नहीं आया चीज़ों को सिखाने के लिए आया हूँ कौन सी चीज कहाँ पर मिलेगी कैसी मिलेगी है ना उस चीज को सीख लो बेटा वो ज़्यादा जरूरी है है ना कमेंट पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है जो इम्पोर्टेंट है उस चीज को सीख लो बस ठीक यहां बी ऑप्शन परफेक्टली राइट था नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने है पहचानो ये ट्राइल दो ट्रायंगल है भैया तो बड़े आसानी से ढूंढ सकते हो है ना ये चीज क्या इसमें नजर आ रही है नहीं दिख रही ये ट्राइंगल इसमें दिखाई दे रहे हैं क्या ये वाला ट्राइ तो चलो दिख गया मुझे कौन सा ये दिख गया है ना और दूसरा वाला अब दूसरा वाला कहां से ढूंढू भैया दूसरा वाला इधर वाला तो है ही नहीं तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया ठीक है तीसरे वाले को ढूंढो तीसरे वाले पर भैया ये वाला ट्राइ चाहिए ये वाला ट्राई और फिर दूसरा ये वाला चाहिए चलो जी इसमें आ जाओ ये वाला तो ये मिल गया है ना और दूसरा इधर की तरफ जो था वो यहाँ पर दिख गया ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा सी वाला परफेक्टली राइट एकदम नेक्स्ट अगला प्रश्न चेक करो फटाफट से यहां पर कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर करा देना बेटा नॉन वर्बल की मैराथन है मेरे भाई ये नॉन वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल का अर्थ होता है भाषा का प्रयोग नहीं है चित्र चित्र दिखाई देंगे चित्र चित्र दिख रहे हैं देख लो फिगर क्वेश्चन में फिगर ही फिगर नजर आएंगी ये फिगर को इधर ढूंढना है कौन से वाले में दिख रही है चलो ये आधा चंदा सा मुझे यहां दिख गया है ना सर्कल और इधर की तरफ ऐसी कुछ शेप चाहिए हमको ऐसे और फिर इधर ऐसे फिर इधर ऐसे फिर इधर ऐसे फिर इधर ऐसे, ऐसे। लगभग लगभग कुछ तो मैच कर गया फिर यहां आधा सर्कल नीचे की तरफ है ही नहीं नीचे की तरफ आधा सर्कल है ही नहीं नीचे की तरफ आधा सर्कल है लेकिन लेफ्ट की तरफ चीजें चाहिए थी जो इधर राइट में है राइट में थोड़ी ना चाहिए मुझे क्या कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है तो भैया ये भी गलत बचा क्या ऑप्शन में देखो अब साइज का थोड़ा सा अंतर आ रहा है यहां आप कहोगे गुरु जी ये तो बड़ा बन रहा है इधर तो छोटा सा बना दिया आपने तो साइज का डिफरेंस हो सकता है पर चीजें आपको उसी तरीके से मैच मिलेंगी ये चीज इस तरीके से ये शेप बिल्कुल ठीक है जैसी शेप इधर थी जो शेप इधर दी हुई है वो सेम सेम यहां पर है बिल्कुल सेम है ना तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट right होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सुंदर नेक्स्ट उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है क्वेश्चन फिगर को ढूंढ कर निकालो कौन से विकल्प में नजर आ रही है कौन से विकल्प में नजर आ रही है देखो जरा इस चैप्टर में बंदर बन गए बंदर ना अभी तो बाज और बनाऊंगा तो मैं रुको बाज बना दूंगा रुको ये सारे क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे हुए हैं बेटा सारे क्वेश्चन और सारे ही अपने आप में बेस्ट इंपोर्टेंट है और वर्तमान जो एस एस सी ने वर्तमान एग्जाम में पूछे हैं ना मैंने क्वेश्चन भी वही रखे हैं जो भी जल्दी के एग्जाम्स में पूछे हैं सी जी एल में कोई सी जी एल सी एच एस एल में कोई एम टी एस में है ना तो पहचानो भैया ये वाला पूरा रेक्टेंगल चाहिए हमको ठीक है इसमें तो ऐसा तो आईनेरा इसमें तो दिया है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वे में मुझे यहाँ वर्टिकल वे में नजर आ गया यहाँ मुझे यहां भी वर्टिकल वे में नजर आ गया ये वाला परमानेंट गलत दो ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिए बचे ये दो और मुझे चाहिए इस रेक्टेंगल के राइट में एक नीचे की तरफ ट्राई चाहिए मिल गया और एक ऊपर की तरफ चाहिए भैया ट्राई एंगल यहां मिल गया इसमें राइट में तो मिल ही ना रहा इसमें तो लेफ्ट में गलत खत्म कहानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा भैया बताओ इसका सही जवाब क्या होगा पहचानो भैया पहचानो फटाफट से कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा एक बार चेक कर लो तेतालीस को भैया तेतालीस वाला ठीक है मेरे भाई मेरे भाई ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें मैंने सही कराया है उसको सबसे पहले चाहिए क्या एक राइट की तरफ ट्रायंगल चाहिए जिसका टॉप वाला हिस्सा राइट की तरफ ये ये चीज ढूंढो राइट की तरफ ट्रायंगल, जिसका राइट की तरफ फेस आ रहा हो राइट की तरफ फेस आ रहा हो राइट की तरफ फेस आ रहा हो एक तो ये दिखा यहां पर राइट की तरफ फेस वाला है ना राइट की तरफ फेस होना चाहिए राइट की तरफ फेस एक ये रहा भैया यहां पर तो ऐसी तो चीजें ढूंढनी है राइट right की तरफ फेस आना चाहिए राइट right की तरफ इसमें लेफ्ट की तरफ आ रहा है गलत 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 ये बचा और ये बचा मुझे इसके सिर पे एक है ना क्या चाहिए 90 डिग्री का पार्ट चाहिए सर्कल का 90 डिग्री का पार्ट यानी कि चौथा हिस्सा मिल गया ऑप्शन नंबर सी इसके सिर पे कुछ भी नहीं है ये गलत ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत और यहाँ इधर की तरफ था ये ट्राइंगल तो भैया ये भी गलत क्योंकि फिगर को रोटेशन करने की परमिशन नहीं है ठीक है ऑप्शन नंबर तीन ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही ग्यारह बजे से कितने बजे तक चलेगी चार बजे तक ठीक है चार बजे तक चलेगी चार बजे तक अब चार बजे तक रुकना है मेरे साथ जो रुक गया वो लग गया ये समझ लेना ठीक है जो रुक गया वो लग गया अगला प्रश्न आपके सामने है अगला प्रश्न आपके सामने है फटाफट से देखो और आंसर बताओ कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है भाई अब की बार ढूंढनी है आंसर फिगर चार दी है इनको ढूंढो इसमें इसमें ढूंढो क्वेश्चन फिगर में कौन सी नजर आ रही है कौन सी नजर आ रही है फर्स्ट वाले को ढूंढूंगा फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले को पहले तो सर्कल का ये वाला हिस्सा ढूंढना है मुझे है ना सर्कल का ये वाला हिस्सा सर्कल का ये वाला हिस्सा मुझे मिल रहा है यहाँ पर सर्कल का ये वाला हिस्सा मिला मुझे यहाँ पर मिल गया ना बिल्कुल मिल गया अब बात आती है इस वाली लाइन की क्या इस वाली लाइन को ढूंढ पा रहे हो इसमें देखो ये चीज तो मुझे मिल गई लेकिन इसकी लाइन मुझे यहां पर कहीं पर भी नजर नहीं आई ये वाली लाइन मुझे नहीं मिली तो ये गलत फर्स्ट वाला रॉन्ग सेकेंड वाले को भैया ट्राइ शेप चाहिए ऊपर की तरफ ट्राइ शेप कहीं नजर आ रही है ऊपर की तरफ दिखाना जरा कहां पर नजर आ रही है ये आ रही है यहां पर नजर ट्राइंगल शेप यहां पर नजर आ रही है उसमें ये लाइन भी चाहिए उसके बाद नीचे चाहिए एक रेक्टेंगल जबकि नीचे क्या दिया है इसने स्क्वायर ठीक और यहां अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो क्या ये परफेक्टली राइट होगा फिर इसके अकॉर्डिंग मुझे तो चाहिए था रेक्टेंगल शेप उधर मिला स्क्वायर शेप भाई रेक्टेंगल इधर वाला ऐसे है और इसमें देखो कैसा दिया है वर्टिकल वे में गलत हो गया ना गलत हो गया बी वाला गलत हो गया सी वाले को ढूंढूंगा डुण अब सी वाला ट्राइंगल ऐसा चाहिए थोड़ा सा ट्राइंगल तो नहीं है तो इधर की तरफ का हिस्सा कुछ ऐसे दिख रहा है कहां दिख रहा है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कहां दिख रहा है मुझे तो कहीं नजर से ही नहीं आ रहा है आपको आ रहा है कहीं मुझे तो इसमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा हटाओ इसको भी फिर ठीक बचा आगे ये वाला इधर वाला सर्कल चाहिए इधर वाला सर्कल आधे हिस्से पर ये रहा जी इधर वाला सर्कल आधा सर्कल लेफ्ट की तरफ और इसमें बीच में एल शेप एल शेप ये रही बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गई एल शेप ठीक और ऊपर से ये लाइन इसके यहां कोने पर आकर मिल रही है तो और डी वाला ऑप्शन आपका राइट है परफेक्टली मैच कर गया सब कुछ डी वाला बिल्कुल सही है डी वाला बिल्कुल सही है नेक्स्ट अगला प्रश्न ये देखो ये खतरनाक वाली ये है वो फिगर जो एग्जाम में परेशान करती है ये है वो फिगर जो एग्जाम में परेशान करती है भैया मेरे पहचानो इन चीजों को फटाफट से यही है वो फिगर जो एग्जाम में परेशान करती हैं यही है वो फिगर जो एग्जाम में परेशान करती हैं क्योंकि भाई ये खुद अपने आप में एक बवंडर है और फिर ऑप्शन भी बवंडर दे दिए आपको करेंगी ना परेशान ऑनलाइन एग्जाम में बता रहा हूं मैं ऑफलाइन में तो सब कुछ सामने दिख रहा है ना यहाँ क्वेश्चन फिगर भी नजर आ रही है और ये भी नजर आ रही है तो यहाँ थोड़ा बहुत आसान लग सकता है जब करोगे ना वहां पर ऑनलाइन एग्जाम में कहोगे गुरुजी जी वहाँ थोड़ा सा समय यहाँ के मुकाबले ज्यादा लगेगा इस बात को मैं कह रहा हूं यहां पर ऑनलाइन एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने में अगर मान लो आपको यहां 20 सेकंड लगे तो एग्जाम में मैं खुद कह रहा हूं कम से कम 35 सेकंड लगेंगे ये बात निश्चित है क्यों क्योंकि वहां चीजें कुछ आपको ऐसी दी क्वेश्चन फिगर ये दिखेगी बस शुरुआत में स्क्रीन पर फिर इसको ऊपर की तरफ करोगे फिर आंसर फिगर दिखनी चालू होंगी तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्वेश्चन फिगर फिर आंसर फिगर फिर क्वेश्चन तो 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 चलो जी बहुत सुंदर बहुत शानदार आपका आंसर मुझे अच्छा लगा आप लोग आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो डी की तरफ गए हैं डी की तरफ बहुत सुंदर तो डी को चेक कर लू मैं सबसे पहले आपकी अनुमति पर आपकी अनुमति पे डी कोई चेक कर लू चलो तो डी कोई चेक कर लेते हैं भैया ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल भैया यहां पर दिखा बिल्कुल दिखा दिखा या नहीं बिल्कुल दिख रहा है ये वाली रेक्टेंगल शेप यहां पर दिख रही है बिल्कुल दिख रही है कोई नहीं रोक सकता चलो जी ये लाइन ऐसी यहां से जानी चाहिए बिल्कुल जा रही है और कहां तक जा रही है ट्राइ के पास तक ही जा रही है देखो यहां से और यहां तक ट्राइंगल के पास तक ही जा रही है ठीक ऊपर वाली ये लाइन चाहिए और ये सीधी लाइन चाहिए है ना पर सीधी लाइन तो इधर थी ना उधर थोड़ी ना थी हम इधर कहाँ चले गए इसको मैं थोड़ा सा इससे हटा रहा हूं ये चाहिए थी लाइन यहाँ पर ठीक चलो ये वाली लाइन भी चली गई और ये वाली लाइन भी ऊपर की तरफ भी मिल गई हमको यहां तक ठीक है इसका कट ऊपर छोटा सा कट ऊपर दिया है, है बिल्कुल यहां पर ये कट ऊपर की तरफ है बिल्कुल है लाइन के साथ ये ट्राइंगल कट ऊपर है बिल्कुल है इधर इधर है और भाई नीचे सब कुछ आपको परफेक्ट वे में मिल गया परफेक्ट वे में डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है डी ऑप्शन बाकी ऑप्शन में गलती भी ढूंढनी है क्या बताओ जल्दी से अगर गलती भी ढूंढनी है तो मैं गलती भी बता दूंगा किस में क्या क्या गलती है फर्स्ट वाले में क्या गलती नजर आ रही है फर्स्ट वाले में देखते हैं जरा फर्स्ट वाले में ये कर्व चाहिए था ऐसा और इसमें चाहिए थी से एंगल इसमें कर्व देखोगे तो ऐसा नजर आ रहा है अब मुझे इस ट्राइ एंगल शेप को दिखाना जरा कहीं नजर आ रही है ये ट्राइंगल ये ऊपर मिल रहा है बिल्कुल तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा नहीं होगा गलत अब ऊपर की तरफ वाला सर्कल चाहिए ऊपर की तरफ का हिस्सा कुछ ऐसे चाहिए ऊपर की तरफ का भैया है ना मिल गया फिर उसके ऊपर ये वाली ट्राइंगल शेप क्या आपको नजर आ रही है ये इधर नजर आ रही है भैया इधर चलो मान लिया चलो ये ठीक है इतना मान लिया हमने फिर लेकिन लाइन भाई ये इस लाइन के पास में है और ये लाइन से कितनी दूर है तो ये गलती है या नहीं है यही तो गलतियां पहचाननी है हमको और क्या करना है यही तो गलतियां पहचाननी है बेटा फिर ये वाला रोमबस शेप चाहिए रोमबस शेप यहां पर है बिल्कुल है परफेक्ट चलो मान लिया इस बात को ठीक है अब ये रोमबस की ये लाइन नीचे तक जा रही है इसमें दिखाना कहा जा रही है नहीं जा रही इसमें दिखाना कहा जा रही है नहीं जा रही तो ये चीजें गलत है गलतियां ऐसे ढूंढते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट चिल्ला रहे हैं सभी चलो ठीक है अगला क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने फटाफट से देखेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सबसे बेस्ट होने वाला है कौन सा विकल्प यहाँ पर चेक करो आंसर बताओ <laughs> देखो भाई फटाफट से देखो कौन सा विकल्प राइट चालू करो यहां कौन सा विकल्प राइट होने वाला है फर्स्ट वाले को ढूंढो इधर वाला आधा सर्कल चाहिए हमको राइट की तरफ वाला ये मिल गया ठीक है और फिर चाहिए ये वाली एल शेप वन सा बना हुआ है ये क्या दिख रहा है कहीं पर इसके अंदर तो नहीं दिख रहा है ना नहीं दिख रहा ना क्योंकि बस डायरेक्ट ही दिख रहा है ये इससे मिलता हुआ जो पॉसिबल नहीं होगा इस वजह से गलत है सेकंड वाले को पहचानो सेकंड वाला कहां पर है ये वाला ट्राइंगल शेप चाहिए तो ये वाला ट्राइंगल शेप यहां पर दिख गया परफेक्टली ऊपर ऊपर लाइन चाहिए और इधर ये कट वाला चाहिए बिल्कुल मिल गई ये सारी चीजें बिल्कुल मिल रही हैं और ये वाली लाइन भी चाहिए मिल गई तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया सर इसमें तो बी वाला बिल्कुल राइट है नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने पहचानो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है ढूंढ कर बताओ आसान है तो इसको तो ढूंढ लोगे क्या ये वाली ट्राइ शेप नजर आ रही है ये वाली इस कोने से इस कोने से तो आई नहीं रही लाइन इस कोने से ये वाली लाइन कहाँ आ रही है नहीं आ रही देखो ये वाला ट्राइंगल शेप चाहिए उस ट्राइंगल पर दो ट्राइंगल और बनने चाहिए भाई कहाँ बन रहा है बताओ यहाँ बन रहा है देखो यहां बन रहा है देखो फटाफट से ये दो एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ दिख गया बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल साफ साफ ये रोम्बस शेप भाई ये रोमबस शेप पूरे पर आ रही थी ये गलत वो क्रॉस वो क्रॉस दिख रहा है क्या कहीं पर पूरा क्रॉस उस लाइन पर इधर से लाइन ही नहीं आ रही स्क्वायर में वो गलत है तो केवल और केवल बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट अगला चैप्टर हमें स्टार्ट करते हैं फिगर कंप्लीशन फिगर कंप्लीशन होता है आकृति पूर्ण करना आकृति का एक हिस्सा आपको गायब दिया जाएगा आकृति का एक हिस्सा क्या किया जाएगा आपको गायब दिया जाएगा आकृति पूर्ण करना फिगर कंप्लीशन हर चैप्टर पूछा गया था प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस में फिगर आ, मैं कहूं अगर बात आपकी मिरर इमेज वाटर इमेज से नहीं था तो मिरर इमेज या वाटर इमेज यही इमेज हो गया फिगर कंप्लीशन हो गया हिडन फिगर हो गया पेपर फोल्डिंग कटिंग हो गया और एनालॉजी हो गया सीरीज हो गया क्लासिफिकेशन हो गया हर चैप्टर से क्वेश्चन था हर चैप्टर से फिगर कंप्लीशन क्या है आकृति पूरी करनी है एक चीज आपको गायब मिलेगी फिगर की और उसी को कंप्लीट करना है उसी को कंप्लीट करना है भाई एक दो तीन हिस्से दिए हैं चौथा हिस्सा पूरा करना है तो जैसा इनमें बना हुआ है ऐसा इसमें बना दिया जाएगा इसी के अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये हर किसी में एरो बना हुआ था जैसे हर किसी में ये एरो बना हुआ था तो यहां पर भी ये एरो कुछ इस तरीके से आएंगे आ गया हर कोने पर एक स्क्वायर था जिसमें लाइन थी इसमें ऐसे थी इसमें ऐसे थी इसमें ऐसे थी तो भैया अब इसमें कैसे आएंगी इसमें ऐसे आएंगी ये है ना इसमें कैसे आ जाएंगी ऐसे आ जाएंगी पहचानो कौन सा सब विकल्प सबसे बेस्ट है इधर कोने पर आना चाहिए था इधर कोने पर सर्कल यहाँ भी है यहां भी है अब ये जो एरो थे वो ऐसे हैं यहां हुए हुए है यहाँ बिखरे हुए दिए हुए हैं तो ये गलत ऑप्शन नंबर तीन हमारा बिल्कुल शानदार तरीके से राइट होगा एकदम बेस्ट एकदम बेस्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर पचपन क्वेश्चन नंबर पचपन फटाफट से चेक करो और भैया आंसर बताओ जल्दी से पहचानो और आंसर बताओ कौन सा सबसे बेस्ट होगा कौन सा सबसे बेस्ट होगा कंप्लीट करो कह रहा है सर ये एग्जाम में लिखा आएगा फिगर रोटेशन की परमिशन नहीं है हाँ बिल्कुल बेटा वो लिखा आता है बिल्कुल लिखा आता है चालू करो बिल्कुल लिखा मिलेगा ये फिगर कंप्लीट करनी है भैया तो तो कंप्लीट करोगे सबसे पहले ये पहचानोगे रेक्टेंगल पूरा आएगा, पूरा आएगा इसमें पूरा इसमें पूरा इसमें पूरा, इसमें, पूरा, इसमें कटा हुआ दिया है इसमें कटा हुआ दिया है बिल्कुल गलत होगा अब आती है जब मैं रेक्टेंगल को बना लूंगा इसमें जब मैं रेक्टेंगल को इसमें बना लूंगा तो नीचे से ये लाइन इसको ऐसे काटेगी बिल्कुल काट रही है देखो जरा अब वो ऊपर तक जाएगी इसमें ऊपर तक नहीं जा रही तो ये गलत हो गया गलतियां ऐसे तो ढूंढी जाएंगी अब इसमें रोमबस बना हुआ था तो इसमें भी ऐसे ही रोमबस बनेगा और वो रोमबस बनेगा कुछ इस तरीके से यहां पर भैया है ना और इसमें देखना इसमें देखना इसमें कितना गलत दिया ये इसके इस कोने पर मिलाकर दिया है जबकि कोने पर नहीं मिलेगी ये लाइन कहा मिलेगी इसके बीच वाले हिस्से पर बीच वाले हिस्से पर यहां मिल रही है ये परफेक्टली राइट होगा ऑप्शन नंबर चार ऑप्शन नंबर चार नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने है फटाफट से देखेंगे सभी लोग और सही जवाब बताएंगे एरो पहचानो रोमबस तो आएगा ही आएगा रोमबस तो आएगा ही आएगा इस समय तो कोई दोहरा नहीं है कोई संदेह नहीं है ये तो बनकर आएगा ही आएगा बेटा बस एरो को पहचानना है एरो कैसे आएगा एरो कैसे आएगा राइट की तरफ आ गया टॉप की तरफ आ गया लेफ्ट की तरफ आ गया तो बॉटम की तरफ आएगा खत्म खत्म कहानी गुरु जी एस एस के लिए भी होगा ना ये क्लास बिल्कुल ले सकते हो अगर आप कर रहे हो तो कर सकते हो कोई समस्या नहीं है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा क्योंकि नॉन वर्बल दोनों ही एग्जाम में पूछी हर किसी एग्जाम में ही पूछी जाती है नेक्स्ट अगला प्रश्न स्पीड के साथ करते चले जाओ स्पीड के साथ स्पीड के साथ क्योंकि नॉन वर्बल है बस फिगर को देखना है और तुरंत आंसर बताना है ब्लैक पोर्शन हर कोने पर है तो हर कोने पर आएगा इसमें कोने पर ब्लैक दिया ही नहीं गलत ऐसे गलत करना है यहां से लाइन ऐसे आने वाली है बिल्कुल आएगी ऐसे और जो ये स्क्वायर शेप था ये यहाँ पर ऐसे बनेगा बिल्कुल बनेगा तो पहचानो किसमें बना हुआ है है ना आ, यहां मैं थोड़ा गलत बना दिया ये लाइन ऐसे आएगी और ये ऐसे बनेगा ठीक चलो तो इसमें ठीक है अब इसमें क्या गलती है इसमें भैया लाइन तिरछी क्यों दे दी नीचे को दे दी 90 डिग्री पर बननी थी 90 डिग्री पर बनना था ना 90 डिग्री पर ये 90 डिग्री कहां दिख रहा है ये तो फालतू दिख रहा है 90 से ये तो फालतू दिख रहा है और ठीक है तो इसमें ये गलती है इसमें ये गलती है हटाओ इसमें ये गलती है देखो उधर पहुंचा दिया उधर पहुंचा दिया 90 डिग्री वाला चाहिए था परफेक्टली राइट ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट कंप्लीट द फिगर कंप्लीट द फिगर फिगर को रोटेशन नहीं करना है एज इट इज ही कंप्लीट करना है फिगर को लिखा मिलेगा ये सब कुछ ये लिखा मिलेगा अगर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है कभी कभी कह देता है घूर्णन की अनुमति है यानी कि फिगर को रोटेट कर सकते हो मान लो ना तो ये लिखा कि घूर्णन की, की अनुमति है ना ये लिखा कि घूर्णन की, की अनुमति नहीं है तो सबसे पहले तो आपको एज इट इज ढूंढना है अगर मिल जाए तो ठीक वरना फिर फिगर को घुमाकर देख सकते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं हमेशा ज्यादातर ऐसा ही बोलता है वो कि घुमाने की अनुमति नहीं है ज्यादातर लेकिन लिख कर दिया है कि घुमाने की अनुमति है तो फिर घुमा सकते हो फिगर को भाई ये जो ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है इस स्क्वायर के ऊपर तो वो यहां पर भी बनेगा निश्चित ही रूप में है ना फिर यहां ये ऐसे वी शेप बनी हुई थी तो यहां पर भी बनेगी और ये लाइन इससे मिल जाएगी ये लाइन इससे काम खत्म पैसे हजम पहचानो भैया कौन सा विकल्प राइट है ऊपर की तरफ आएगा इसमें और ये बिल्कुल नीचे पहुंचा दिया परमानेंट गलत इसमें इसमें दिया ही नहीं है ये परमानेंट गलत ऑप्शन नंबर सी सी राइट है बी कौन दे रहा है बी कौन दे रहा है ए भी दे रहा है कोई नीतीश ए दे रहा है सर कोई कुछ पूछ रहा है उसका आंसर दे दो क्या पूछ रहा है क्लास कितने बजे तक चलेगी ये पूछ रहे हो चार बजे तक चलेगी और बताओ नेक्स्ट अगला प्रश्न कंप्लीट द फिगर पहचानो देखो भाई सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले ये आपको कर्व में ऐसे चीज चाहिए चाहिए ना फिर ये रोमबस वाली लाइन इसके इस कोने तक मिलेगी पहचानो यहां भी मिल रही है 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 परफेक्ट है फिर दूसरा ये वाला आपको चाहिए कर्व के साथ यहां पर यहां पर मिल गया अब इसने इस लाइन को इससे मिला दिया जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों टच नहीं होंगे अलग अलग है यहां ये सीधी लाइन नहीं आएगी ये कर्व वाला हिस्सा आएगा ये आ रहा है कर्व वाला इसमें आ रहा है अब आ जाती है नीचे वाले हिस्से पर एल शेप एल शेप इधर की तरफ थी एल शेप इधर की तरफ है एल शेप इधर की तरफ है अब इसमें जो है ना कर्व वाला पोर्शन कोने पर है कर्व वाला पोर्शन कोने पर है कर्व वाला पोर्शन कोने पर है तो मैं कर्व वाले पोर्शन को कोने पर ही बनाऊंगा बेटा तो इसमें कर्व वाला पोर्शन कोने की तरफ नहीं दिया ये गलत ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है बिल्कुल शानदार जवाब बहुत सुंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साठ चेक करो फटाफट से कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा पहचानो स्पीड के साथ भाई दो स्क्वायर हैं तो दो स्क्वायर तो कंप्लीट होंगे ही होंगे और वो इस वाले कोने पर होंगे इस वाले कोने पर आकर नहीं हो रहे इस वाले पर नहीं हो रहे तुरंत देखते ही आंसर देखते ही आंसर मिलेगा इस वाले कोने पर दो स्क्वायर मिलेंगे मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर बाकी किसी में नहीं थे किसी में नहीं थे हटा दो तुरंत ही नेक्स्ट पर भागो स्पीड के साथ पहचानो भाई पेंटागन दोनों नीचे की तरफ है तो दोनों ऊपर की तरफ आएंगे इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है सब हर किसी में पेंटागन ऊपर की तरफ है और दूसरा ये जो यहां पर शेप बनी हुई थी ये कुछ ऐसे बनकर आएगी बिल्कुल बनेगी ये लाइन जो थी इधर से इस कोने तक जाएगी बिल्कुल जाएगी बस तो पहचानो यहाँ लाइन क्या है गलत दी है ये वाली लाइन हटा देना ये ट्राइंगल शेप इधर है इधर है इधर है अब भैया बाकी कौन सा गलत है अब लगभग लगभग सारे ही आपको सही से लग रहे हैं है ना अब लगभग लगभग सारे ही सही से लग रहे हैं अब इसमें गलती क्या है इसमें ये कोने तक मिलना था ये गलती है इस वाले को और लास्ट वाले को मैच करो इसमें क्या गलती है भैया इस वाले में ये इसके कोने पर मिलाया तो ये गलत होगा हटा देना तुरंत इस वाले में क्या है क्योंकि गैप है थोड़ा सा तो गैप वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा गैप वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा ये चीजें बारीक बारीक लग सारे एक सही रहे देखने में देख लो सभी एक जैसे लग रहे हैं छोटी छोटी बारी गलतियां हैं उनको पहचानो सही आंसर देखेगा नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने भैया ये रहा पहचानो आंसर बताओ जल्दी से यहां नंबर्स लिखकर आपको दिए हैं दो चार छह आठ दस बारह आएगा बस खत्म कहानी एरो तो आएगी आएगी भाई यहाँ दो चार छः आठ इधर दस और इधर बारह बारह दो चौदह दो सोलह तो ऊपर बारह थोड़ी ना आएगा यहाँ देखो बिल्कुल गलत दिया है यहाँ देखो दस बारह और इसमें ये चीज़ बिल्कुल गलत दी है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बी के साथ नेक्स्ट फटाफट से भागो स्पीड के साथ स्पीड के साथ भागो अगला प्रश्न आपके सामने ये कौन अभी दिखाना सर ट्राइंगल काउंट करने में दिक्कत होती है सर आप आज कराओगे जी बिल्कुल कराऊंगा नवीन सर का चंद्रगुप्त ओ भैया चंद्रगुप्त मौर्य कराऊंगा बेटा कराऊंगा ट्राइंगल और स्क्वायर रेक्टेंगल और लाइन सर्कल सब कराऊंगा सब चीज हैं मैंने बताया ना विद फिगर काउंटिंग ये प्लस तो आएगा ही आएगा चीजों में पहचान करो कैसे आने वाली हैं भैया मेरे ध्यान से सुनना ये दोनों देखो बीच में रोमबस आ रहे हैं ऊपर रोमबस है तो यहां भी रोमबस आएगा बस पहचानना है ब्लैक आएगा या व्हाइट ये व्हाइट था ये ब्लैक है ये ब्लैक है तो ये व्हाइट आएगा ये व्हाइट है ये ब्लैक है तो ये सर्कल जो है ये कैसा आएगा व्हाइट आएगा भैया स्क्वायर इधर दिया है तो इस खाने में क्या आएगा फिर इस खाने पर क्या आने वाला है फटाफट से बताओ ऊपर सर्कल सर्कल थे नीचे स्क्वायर स्क्वायर आ जाएंगे है ना अब इधर वाइट था तो ये वाला ब्लैक हो जाएगा फिर ब्लैक हो जाएगा इधर ट्रायंगल था तो इधर ट्राइंगल कैसा आएगा क्योंकि ये ब्लैक था ये व्हाइट हो गया ये व्हाइट है तो ये ब्लैक आएगा चीजें अपोजिट कंडीशन में आएंगी मैच कर लिया जाए कौन सा ऑप्शन राइट है सर्कल और ये दोनों ब्लैक नहीं आएंगे व्हाइट है ये दोनों ब्लैक है ऑप्शन नंबर बी इसमें पहचानो ये भैया गलत है यहां पर ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट इसको कंप्लीट करके आप मुझे दिखाओ फटाफट से कौन सा विकल्प सही है चेक करो <coughs> चेक करेंगे सभी लोग कौन सा विकल्प यहां पर सबसे बेस्ट होने वाला है कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है भैया जी मेरा नाम हरीश कुमार पटेल है मुझे एक लड़की ने अपने जाल में फंसा लिया है अब मैं क्या करूं जाल में फंसा ही पड़ा रहा चुप हिलने डुलने की कोशिश ही मत करे जैसा फंस रहा है ना ऐसा ही फंसे रहा है जाल में बिल्कुल अब हिलेगा डुलेगा तो तो भैया मार पड़ेगी हिलेगा डुलेगा तो मार पड़ेगी ध्यान रखना इस बात का बस जैसा है ऐसा ही चुप रहे बिल्कुल चुप जहां है <laughs> और चला जा जाल में फंसने को अब किसी चूहे का इंतजार कर जो उस जाल को काट सके ठीक है अब लाइफ में किसी ऐसे चूहे का इंतजार कर जो उस जाल को काट सके वरना तो जैसा जहां पर है ना बस अब ठीक ही है अरे रे शेर जाल में फंस गया अरे बताओ क्या हुआ इसके साथ भाई इस वाले को रोमबस को आप ऐसे कंप्लीट करोगे जैसे ऊपर कंप्लीट हो रहा है हो रहा है ना बिल्कुल और ये वाली लाइनें जो थी ये बिल्कुल आएंगी इसमें अब पहचानो चीजों में दिया गया है भाई सर्कल इधर था सर्कल सामने वाले फेस पर है सर्कल इधर है तो सर्कल सामने वाले फेस पर आ जाएगा हो गया क्वेश्चन सॉल्व ये ट्राइंगल शेप गलत दी है यहाँ ये कंडीशन बिल्कुल क्योंकि ये लास्ट तक मिला दिया जबकि ये पॉसिबल नहीं है यहां ठीक सा लग रहा है बिल्कुल ठीक है और इसमें क्या है इसमें यह ऊपर उल्टा सीधा दिया हुआ है ट्रायंगल क्या दिया है बिल्कुल गलत केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी। सीरा कोई दूसरी चूहिया का वेट कर किसी दूसरी चूहिया का वेट कर जो उस जाल को काट सके शिवम गुप्ता ओ भाई गजब अति सुंदर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा वो जाल ऐसा है उसमें से निकलना कठिन है <laughs> देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट से देखेंगे अब ये फिगर कंप्लीट करनी है देखो हर किसी पर एम शेप बनी हुई है यहां एम शेप बनी हुई है तो यहां भी आप एम शेप ऐसे ही बना दोगे बन गई है ना जैसे इधर बनी हुई थी ऐसे इधर बना दी इधर कर सर्कल है इधर सर्कल है इधर सर्कल बना देना काम खत्म पैसे हजम ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा सही है इस वाले हिस्से पर एम शेप चाहिए थी यहाँ बिल्कुल ठीक सी लग रही है इस वाले हिस्से पर एम शेप चाहिए बिल्कुल ठीक लग रही है अब ये ठीक ज्यादा है या ये ठीक ज्यादा इनमें से पहचान आप कर लो है ना ये ठीक ज्यादा है या ये ठीक ज्यादा है ये देखना है अब आपको बताओ जल्दी से फटाफट से बताओ ये ज्यादा बेस्ट है ये वाला या ये वाला ज्यादा बेस्ट है दोनों में अंतर क्या है बस दोनों में अंतर आपको पहचान है भाई दोनों की तरफ जो ये शेप बनी हुई है वो इक्वल पार्ट पर बनी हुई है इक्वल पर और मैं यहां देखूंगा तो यहां पर ये जो एम शेप बनी हुई है वो बिल्कुल इक्वल पार्ट पर बनी हुई है लेकिन अगर मैं यहां देख पा रहा हूं यहां देख पा रहा हूं क्या ये चीज ठीक है, है? बताओ फटाफट से ये जब आप देख रहे हो अगर मैं इनको मिलाना चाहूं, एक सीधी रेखा पर ये इससे मिल जाएगा दो ट्राइंगल क्या इसको मिलाकर आप ट्राइएंगल प्राप्त कर पा रहे हो नहीं प्राप्त कर पा रहे लेकिन मैं इसको मिलाने पर क्या कर पा रहा हूँ ट्राइंगल प्राप्त कर पा रहा हूं ऐसे चीजों में पहचानना है तो डी वाले गलत है यहाँ जो डी की तरफ जा रहे थे मैंने बताया ना देखो तो ये इससे मिल गया बिल्कुल सेम लाइन सेम डिफरेंस के साथ है सेम डिफरेंस के साथ है भैया एम बन रहा था कुछ इस तरीके से और यहां वाला ये परफेक्टली राइट right है परफेक्टली राइट right. ये गलत किस वजह से हुआ इस वजह से ही गलत हुआ ये ठीक है ये इसी वजह से गलत हुआ क्योंकि तो यहां ये गलत लिखा हुआ है नेक्स्ट अगला प्रश्न पहचानो भैया अगला प्रश्न क्या कह रहा है फटाफट से चीजों को चेक करो चीजों को चेक करो फटाफट से कौन सा सबसे बेस्ट होगा कौन सा सबसे बेस्ट होगा एक कह रहा क्वेश्चन नंबर साठ फिर से बता दो साठ वाला बिल्कुल आसान था बेहद ही आसान और उसमें भी देखो गलती कर रहा है है वाला 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 देखा तुमने वाला कितना आसान था इसको इसको समझ समझ में नहीं आया, ये वाला। इसको ये वाला समझ में नहीं आया, नहीं आया आया क्यों नहीं आया अरे भैया मेरे ये स्क्वायर इस वाले कॉलम पर पूरे होंगे लेफ्ट वाले पर यहां कहा है स्क्वायर यहां भी नहीं है यहाँ भी नहीं है तुच्चा सा सवाल था तुच्चा सा सवाल था लप्पू सा सवाल था बिल्कुल देखिए इसको भी पता नहीं ये लो इसका आंसर क्या होने वाला है इसका आंसर क्या होने वाला है सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगल कंप्लीट कर दोगे बिल्कुल जहां भी भाई ये रेक्टेंगल ही नहीं है तो कुछ और ही है गलत इसमें ठीक है फिर आप देखोगे यहां से एक लाइन जा रही है तो इसमें कुछ इस तरीके की चीजें बनकर ऐसे आएंगी भैया ऐसे आएंगी यहां से लाइन जा रही है तो ये इसके ऐसे जाएगी बिल्कुल चली गई पहचानना कौन सा ज्यादा राइट है ये वाला ये वाला या ये वाला ये वाला गलत होगा क्योंकि ये इसके कोने तक ले गया ये गलत होगा अब इसमें और इसमें कौन सा ज्यादा बेस्ट लग रहा है वो आपको बताना है गलती कहाँ पर है ये ये रेक्टेंगल में और इस लाइन में डिफरेंस है थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस छोटा सा डिफरेंस यहां है लेकिन यहां इसने इसको मिला दिया इससे भाई मैं क्या कहूंगा ये गलत है फिर तो फिर तो ये गलत हुआ ना तो ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ मेरे शेर नेक्स्ट भैया चेक करो जल्दी से स्पीड के साथ स्पीड के साथ कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है फिगर कंप्लीट कर दो फिगर कंप्लीट कर दो जो हिस्सा इधर था वो इधर छप गया अब जो हिस्सा इधर है वो इधर छप जाएगा वो इधर छप जाएगा इधर वाले को इधर छाप दो बस इधर वाले हिस्से को इधर छाप दो सर्कल ब्लैक आएगा ही नहीं क्योंकि व्हाइट आएगा क्योंकि ब्लैक वाला इधर आमने सामने था गलत ब्लैक आएगा ही नहीं इसमें से और इसमें से कौन सा ज्यादा बेस्ट है ये वाला इधर छपेगा ये वाला इधर छपेगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और इसमें पूरा ट्राइंगल हिस्सा ब्लैक दिया था ये गलत ये गलत ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अड़सठ क्वेश्चन नंबर अड़सठ दस ही सेकंड मिलेंगी हर क्वेश्चन के लिए दस सेकंड से ज्यादा दूंगा ही नहीं दस सेकंड से ज्यादा दूंगा ही नहीं चेक करो चेक करो कौन सा बिल्कुल बेस्ट है अपने आप में भाई ये रेक्टेंगल ब्लैक ये रेक्टेंगल यहां भी ब्लैक आएगा राइट की तरफ आएगा लेफ्ट की तरफ तो कतई भी नहीं आएगा राइट की तरफ आएगा अब नीचे आएगा या ऊपर आएगा ये पहचान लो आप है ना दो तो मैंने हटा दिए भाई इसमें तो ऊपर की तरफ था रेक्टेंगल तो इसमें नीचे की तरफ आएगा जो ब्लैक आएगा ना वो नीचे की तरफ ये वाला ठीक है ये वाला गलत है कहानी खत्म ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही जवाब ओहो नेक्स्ट चैप्टर आया है सबसे शानदार वाला चैप्टर सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया ये तो है ना है सीरीज चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से चलो जी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ ये लो सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से बताएंगे सभी लोग चलो बहुत सुंदर अच्छा लगा आपका आंसर आया भैया देखो जरा फटाफट से चीजों को कैसे कंपेयर करोगे भाई ये जो लाइन वाला जाल बना हुआ था ना जब ये कह रहा था एक लड़की ने जाल में फंसा लिया ये रहा वो जाल यही है इससे कैसे निकलना है देखो अब इससे भैया क्या करना है ये जो जाल बना हुआ है ये यहां से इधर गया इसका अर्थ इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम में गया यानी कि एक कॉलम छोड़कर गया आगे की तरफ है ना चलो हाँ वो दोस्तों थोड़ा सा एक पेट का एक क्वेश्चन था वो रीजनिंग का उसको दिखाने आया था एक भैया उसका आंसर क्या होगा तो मैंने बता दिया उसमें थोड़ा सा लेट हो गया चलो आ जाओ फटाफट से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वो जो जाल बना हुआ है वो एक कॉलम छोड़ के जा रहा है इस वाले पर फिर यहां से फिर एक कॉलम छोड़कर इस वाले पर गया अब यहां से एक कॉलम छोड़कर इस वाले पर गया अब यहां से एक, इस कॉलम को छोड़कर ये यहां पर जाएगा इस वाले हिस्से पर यहां आ रहा है यहां जाल नहीं आ रहा हटा दो यहां जाल नहीं आ रहा हटा दो इधर जाल नहीं आ रहा हटा दो हमारे पास बचा क्या ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट होगा ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट बिल्कुल शानदार जवाब नेक्स्ट भैया अगला क्वेश्चन देखो जरा अगला क्वेश्चन अभी तो वो क्वेश्चन आएंगे जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं वर्तमान समय में एसएससी के द्वारा वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो पूछे जा रहे हैं ये तो अभी पुराने वाले हैं नए वाले दिखाऊंगा जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं ठीक है निकल गए जाल से भैया ये वाला जो कर्व था वो इस वाले पोर्शन पर था फिर लेफ्ट वाली दीवार पर है फिर नीचे वाली पर है फिर राइट वाली पर है अब लेफ्ट वाली पर आएगा अब ये ऐसे लेफ्ट वाली पर आ जाएगा ठीक है लेफ्ट वाली पर ढूंढो यहाँ रहा है यहाँ रहा है अब यहाँ नीचे नहीं आएगा ऊपर वाले हिस्से पर ही आएगा ऊपर वाले हिस्से पर क्यों आएगा क्योंकि इसमें ऊपर वाले हिस्से पर ही है देखो यहाँ ये थोड़ा सा नीचे है और इधर लेफ्ट में था तो ये ये नीचे वाले हिस्से पर थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आने वाला है ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नीचे की तरफ तो ये आएगा ऊपर की तरफ कुछ ऐसे ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ वाला परमानेंट गलत नीचे की तरफ वाला परमानेंट गलत इन दोनों में से चेक करना है कौन सा सही होगा इन दोनों में से चेक करना है तो राइट की तरफ ये राइट लेफ्ट बॉटम पर राइट लेफ्ट लेफ्ट की तरफ आएगा ऑप्शन नंबर तीन को राइट कर दोगे क्योंकि इसमें राइट दिया है ये गलत होगा तीसरा वाला बिल्कुल राइट होगा नेक्स्ट अगला प्रश्न पहचानो भैया आसान सा है बिल्कुल आसान सा दो सर्कल चार और यहाँ कितने दो दो चार दो छह इसमें दो इसमें चार इसमें छह इसमें आठ अब आएंगे दस और दस आएंगे तो दस ऐसे ही आएंगे बिल्कुल है ना तीन तीन छह दस तीन तीन ओ भैया चार चार आठ तीन ग्यारह तीन चौदह ओ भैया ये तो गलत तीन तीन छ तीन तेरह नौ तीन चौके बारे गलत तीन तीन छः दो आठ और दो दस अब ये ठीक है या ये ठीक है ये आपको पहचानना है अब फर्स्ट और लास्ट वाले में से कौन सा बेस्ट है भाई मेरी बात सुनना पहले दो थे फिर लेफ्ट में बढ़ गए फिर टॉप पर बढ़ गए तो लेफ्ट में बढ़ाओगे या राइट में बढ़ाओगे बताना जरा सबसे पहले दो सर्कल थे अब बढ़ोतरी हुई इधर वाले में है ना फिर बढ़ोतरी हुई ऊपर वाले में फिर बढ़ोतरी हुई नीचे वाले में अब बढ़ोतरी होगी ऊपर वाले में यानी कि तीन सर्कल आएंगे ऊपर तीन सर्कल बढ़ोतरी का हिसाब देखो कैसे कैसे बढ़ रही हैं पहले दो सिंगल थे तो ये नीचे वाले बढ़ गए फिर दो और ऊपर वाले बढ़ गए फिर दो नीचे वाले बढ़ गए अब दो ऊपर वाले बढ़ेंगे यानी कि एक दो तीन इसमें और एक दो तीन नीचे वाले में इसमें नहीं है ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने बताओ कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है पहचानो इसमें क्या लॉजिक है भैया पहले देखो सर्कल नीचे था लेफ्ट आ, नीचे बॉटम पर फिर लेफ्ट पर गया फिर टॉप पर गया फिर राइट पर गया फिर आएगा ये भैया नीचे की तरफ यहां पर आएगा या नहीं आएगा बिल्कुल आएगा अब बात आती है और चीजों की पहले तो इतना देख लो इसमें ये गलत हो गया इसमें ये गलत हो गया भाई इसी से आ गया आंसर तो फिर तो आगे क्यों देखना कुछ क्यों देखना कुछ इसी से आंसर आ गया बाकी चीजों को भी अगर देखना चाहो कंपेयर करना चाहो कर सकते हो प्लस इधर आया ट्राइंगल इधर आएगा स्टार इधर आ गया तो बराबर इधर आएगा ये आ रहा इधर बाकी सब कुछ ओके है नेक्स्ट पहचानो क्वेश्चन नंबर तिहत्तर क्वेश्चन नंबर तिहत्तर फटाफट से देखो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होने वाला है इसमें क्या लॉजिक है भाई तीन सर्कल तीन स्क्वायर तीन ट्राइंगल तीन प्रतिशत अब यहाँ कुछ और आएगा अब वो कैसे आ रहा है ये देखो नीचे वाले ऊपर गए नीचे वाले ऊपर गए नीचे वाले ऊपर गए तो नीचे वाले ये प्लस ऊपर आएंगे यानी कि तीन प्लस ऊपर आएंगे ऐसे ही तो जा रहे हैं तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस भाई हर किसी में तीन ही प्लस दिए हैं और देखो नीचे वाले ट्राइंगल ऊपर नीचे वाला स्टार ऊपर और सॉरी परसेंटेज नीचे वाला प्लस ऊपर नीचे वाला स्क्वायर ऊपर दो बराबर के चिन्ह आ जाएंगे इसमें तीन दिए हैं बराबर दो आएंगे तीन नहीं आएंगे इसमें दो स्टार दिए हैं ये नहीं हो सकता पॉसिबल अब ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है ये आपको पहचानना है भैया प्रतिशत आएगा प्रतिशत नहीं आएगा क्यों सर्कल गायब हो गया ऊपर वाली फिगर गायब हो गई ट्राई यहां से स्क्वायर गायब हो गया यहां से ट्राइंगल गायब हो गया यहां से प्रतिशत को गायब कर दो गायब कर दो तो प्रतिशत तो आएगा नहीं परसेंटेज तो यहां पर आएगा नहीं तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी क्यों एक नई फिगर आएगी और वो नई फिगर क्या दी थी इन्होंने स्टार बना कर दिया था नई फिगर वो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर चौहत्तरवा परसेंट चेक करो आंसर बताओ चेक करो आंसर बताओ स्पीड में कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है बताओ भाई इसमें क्या लॉजिक है देखो जरा तीन स्क्वायर ऊपर थे फिर दो स्क्वायर ऊपर हैं फिर दो स्क्वायर है फिर एक है अब ध्यान से सुनना लॉजिक अंतर क्या रहा है तीन ऊपर की तरफ थे और इधर इसने क्या किया लेफ्ट वाले में एक स्टार इधर वाली फिगर को इधर ले आया अब लेफ्ट वाली को इधर पहुंचा दिया फिर लेफ्ट में दो आ गए अब इधर की तरफ दो आ जाएंगे यानी कि ये दो स्टार तो ऊपर रहेंगे ही रहेंगे ये दो स्टार तो ऊपर रहेंगे रहेंगे ये वाला स्क्वायर भी यहां पर रहेगा है ना और ये एक स्टार नीचे आएगा और फिर दो बॉक्स आएंगे नीचे दो बॉक्स आएंगे भैया नीचे लेफ्ट वाली में परिवर्तन है पहले तो लेफ्ट में स्टार आ गया फिर राइट right में स्क्वायर आ गया फिर लेफ्ट में दूसरा स्टार आ गया तो राइट right में दूसरा स्क्वायर आ जाएगा राइट right में दूसरा स्क्वायर आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है है ना तीन नहीं आएंगे केवल दो आएंगे तीन नहीं आएंगे दो आएंगे एक नहीं आएगा दो आएंगे ये भी गलत ये भी गलत हमारे पास बचा केवल और केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा चेक करो ये तो हो गया शायद यह दूसरा है ये, ये दूसरा है कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना, हाँ दूसरा है बेटा दूसरा है ये दूसरा है थोड़ा सा इसमें और चीजें एक्स्ट्रा दी हैं और चीजें एक्स्ट्रा दी हैं पहचानो ऐसा क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है टाइम टेकिंग नहीं होता टाइम टेकिंग वाला बताऊंगा कौन सा होता है टाइम टेकिंग वाला अभी आएगा अभी तो ये पुराने वाले ही चल रहे हैं अभी जो नए वर्तमान में चल रहे हैं ना नई स्थिति में चालू करो नई स्थिति में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीरीज से वो दिखाऊंगा कि वो कौन से हैं जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा ये तो मैंने टाइप रखी है आपके लिए अलग अलग इसमें क्या है देखो जरा नीचे वाला प्रतिशत ऊपर ट्राइंगल और ऊपर सर्कल और ऊपर ये यहां पर सेम चीज है ये आप भी ऐसे कर दो तो, नीचे वाला दो बॉक्स आएंगे दो बॉक्स फिर दो बॉक्स के ऊपर आएंगे सर्कल कितने तीन एक दो तीन स्टार कितने चार एक दो तीन चार फिर प्रतिशत ऊपर पांच आएंगे एक दो तीन चार और पांच पांच भैया प्रतिशत ऊपर आएंगे पांच प्रतिशत ऊपर पांच प्रतिशत चार दिए चार वाला गलत इधर स्टार दिए हैं ये वाला गलत इन दोनों में से पहचानो कौन सा सही है इन दोनों में से पहचानो चार स्टार आएंगे एक दो तीन चार इसने एक दो तीन चार पांच बनाए हुए हैं ये गलत ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी राइट है परफेक्टली राइट है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक करा मैच देखना है मैच देख ले चाहे क्लास देख ले नौकरी ले लो चाहे मैच देख लो अब इतना समय नहीं है आपके पास कि आप मैच देख पाओ क्रिक बज पे स्कोर कार्ड देख लेना बाद में लास्ट में जब आपको पता चल जाए कौन जीत गई कौन हार गई पता चल जाएगा आपके देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन आपके ऊपर जरूर फर्क पड़ जाएगा क्योंकि आप अपनी तैयारी को खराब कर दोगे उठने के दौरान है ना अभी दस पंद्रह दिन अगर पढ़ाई पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लिया जाए क्योंकि इतने ही दिन बच रहे हैं इससे ज्यादा है भी नहीं आपके पास अब ठीक पढ़ लो ये है वो क्वेश्चन जो वर्तमान समय में चल रहे हैं बेटा ये है वो क्वेश्चन जो वर्तमान समय में चल रहे हैं एसएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं बार 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 तो देखो जरा इसमें कौन सा विकल्प इसमें क्या होता है हम देख रहे हैं जैसे कि ये वाला आठ जो है ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा ये आठ इस कोने पर गया लेकिन हमने देखा ये सर्कल इस कोने पर नहीं गया इधर तो है हो गई ना हो गई गई ना ना गड़बड़ गड़बड़ चलो इसको हटा दो अब देखो जरा फिर ये वाला आठ जो है वो यहां पर जा रहा है ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है इसमें क्या है कि फर्स्ट फिगर का रिलेशन सेकंड के साथ है थर्ड वाले का फोर्थ वाले के साथ है लेकिन मुझे चाहिए फिफ्थ वाला अब फिफ्थ वाला कैसे निकालू अल्टरनेट वाली सीरीज होती है ये alternate वाली सीरीज ठीक तो हम क्या करेंगे? हम क्या क्या करेंगे करेंगे भैया मेरे थर्ड वाले, वाले के साथ रिलेशन बनाऊंगा तो जो रिलेशन इनका है वो यहां पर आगे फॉलो कर जाएगा ठीक पहचानो कैसे इस वाले ओ को इस वाले ओ को राइट में पहुंचाया तो आप इस वाले ट्राइंगल को बेटा कहां पहुंचा दोगे राइट में पहचानो राइट में नहीं है गलत राइट में है राइट में नहीं है गलत दो ऑप्शन मैंने हटा दिए तुरंत अब ये वाला सही या ये वाला सही दोनों को अब कंपेयर करना है अब आपको क्वेश्चन नहीं देखना एक चीज आपने हिंट मिल गई आपको दो ऑप्शन हट गए अब इन दोनों को कंपेयर करना है तो आठ और तीन को मैं देखूंगा नहीं क्योंकि वो फिक्स रखा हुआ है मुझे तो बस एक्स के बारे में पता चल जाए ना आंसर आ जाएगा कौन सा सही तो मैं एक्स को ही रीड करूंगा सबसे पहले एक्स कहां है लेफ्ट वाला तो इसमें लेफ्ट वाला जा कहा रहा है इस वाले कोने पर ऊपर तो लेफ्ट वाला एक्स जो है इस वाले कोने पर यहां ऊपर जाएगा ही जाएगा तो भैया ये बीच में नहीं आएगा एक्स राइट में जाएगा ये वाला राइट होगा क्योंकि समय बचाना है एग्जाम में समय बचाना है एग्जाम में सर एक बार चौहत्तर बता दो प्लीज पहली बार डाउट है सेवेंटी फोर भाई 74 में क्या था तीन थे ऊपर तो चेंजेस चेंजेस देखने हैं हमको चेंजेस क्या हुआ लेफ्ट वाले में लेफ्ट में चेंजेस है लेफ्ट में स्टार आ गया फिर इस फिगर से इस फिगर जाने पर राइट right में चेंजेस है राइट right में दिख रहा है ना चेंजेस देखो बस दोनों फिगर में कितना अंतर है इस फिगर से इस फिगर पर जाने पर क्या हो रहा है लेफ्ट में एक स्टार और आ गया लेफ्ट में चेंजेस है अब राइट right में चेंज करूंगा राइट right में चेंज क्या करूंगा इस स्टार को बॉक्स में कन्वर्ट कर दूंगा हो गया लेफ्ट राइट right का खेल था लेफ्ट में चेंजेस है पहले फिर राइट में चेंजेस है फिर लेफ्ट में चेंज हुआ फिर राइट में चेंज करना है यानी कि एक स्टार को स्क्वायर में बदल देना है ठीक है चलो खुश हो गए अब आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन ये रहा ये वर्तमान समय में चल रहे हैं एस एस सी के वर्तमान एग्जाम्स में जो एस एस सी ने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं वो यहां पर आ रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन ठीक है देखो जरा पहचानो कौन सा विकल्प यहां पर सबसे बेस्ट होगा सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा होगा फिर से वही चीज जैसे कि स्टार को ढूंढ पा रहा हूं स्टार बीच में आ गया भैया चार बीच में नहीं जा रहा देखो चार बीच में नहीं जा रहा ना तो गलत है तो फर्स्ट का फर्स्ट का जो रिलेशन सेकंड के साथ है वही रिलेशन थर्ड का फोर्थ के साथ है तो मुझे तो चाहिए पांचवे वाला तो मैं फिर से वही काम करूंगा दूसरे का रिलेशन चौथे के साथ दूसरे का तीसरे के साथ और चौथे का पांचवे के साथ बनाऊंगा है ना तो इस चीज को यहां से रफ हटा दूंगा इसको और ये रिलेशन हमको फॉलो करना है चार चार कहा जा रहा है इधर वाले कोने से बिल्कुल कोने पर गया तो इधर वाला वाई बिल्कुल कोने पर जाएगा बिल्कुल कोने पर जाएगा आंसर आ गया होगा फोर दिया है हटा दो वाई वाई पी दिया है हटा दो अब मैं क्वेश्चन पर नहीं जाऊंगा ऑप्शन को कंपेयर करूंगा जिससे आंसर आ जाए भैया पी वाई पी वाई एस फोर एस फोर बिल्कुल ठीक है अगर मैं इस स्टार की पहचान कर लूं स्टार कहां पर आएगा तो तुरंत आंसर दिख जाएगा ना तो स्टार लास्ट में है लास्ट में तो इसमें लास्ट वाली फिगर को कैसे रोटेट कर रहा है लास्ट वाली को जस्ट यहां पर रख रहा है तो लास्ट वाली को जस्ट यहां पर रख दूंगा यानी कि ये स्टार जो है वो यहां पर आएगा शुरुआत में आएगा स्टार इधर टी दिया है ये गलत हो जाएगा टी वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ये वाला परफेक्टली राइट होगा ऑप्शन नंबर भी ऐसे चीजों को देखना है कई क्वेश्चन रखे मैंने इसके जैसे आपके लिए क्योंकि पॉसिबिलिटी है संभावना है कि इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको एग्जाम में ये लो ये भी यही सेम पैटर्न सेम पैटर्न तुरंत पहचानो ऊपर वाला एक्स नीचे आ रहा है लेकिन ऊपर वाला दिल नीचे नहीं आ रहा नहीं आ रहा ना तुरंत हटा देना फिर ये लॉजिक फॉलो करना है इधर वाला इधर वाला लॉजिक फॉलो करना है जरूरी नहीं है अब की बार भी ऐसे ही मिले बस आप फोकस कर लेना हो सकता है कि पहले का दूसरे के साथ दूसरे का तीसरे के साथ तीसरे, तीसरे का चौथे के साथ पांचवे के साथ ऐसा वो डिपेंड करता है एग्जामिनर ने दिया क्या है जैसे मैंने अभी ऊपर कराए थे पुराने वाले क्वेश्चन वो दे सकता है यहां सेकेंड थर्ड पर जा रहा हूं और फोर्थ फिफ्थ पर जा रहा हूं जरूरी नहीं है वो फर्स्ट थर्ड पर भी जा सकता है सेकेंड फोर पर भी जा सकता है वो डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन आया कैसे आपको लिंक बनाना होगा देखना होगा चीजों को वहां पर ठीक है तो यहां पर रिलेशन बन रहा था सेकंड का थर्ड के साथ तो फोर्थ का फिफ्थ के साथ बना देना है दिल दिल ऊपर से उठकर नीचे आ गया भाई अब तो बहुत बुरी बात है ऊपर से उठकर नीचे आ गया दिल तो तीन नंबर को यहां लिया ऊपर से उठाकर हर किसी में तीन आ रहा है लेकिन यहां पी आ रहा है हटा दूंगा चलो जी फिर दूसरी चीज जैसे कि U यहां पर आ गया तो ये वाला दिल जो है वो यहां पर आ जाएगा बिल्कुल यहां पर तो यहां भी आ रहा है भी भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है है परफेक्ट लाइट डिफरेंस चेक कर लो डिफरेंस चेक कर लो कौन सा डिफरेंस सबसे बेस्ट है एक्स को चेक कर लो बस एक्स को चेक करते ही आंसर आ जाएगा देखो एक्स को चेक करते ही आंसर आ जाएगा तो एक्स को चेक कर लिया जाए मैं x को चेक कर लेता हूं भैया इस वाले में x है यहां यहां है नीचे वाले पर ये एरो कहां जा रहा है ये एरो जा रहा है 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 लास्ट 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 में तो एक्स जो है, वो लास्ट में आएगा लास्ट में लास्ट में तो x x जो वो आएगा क्या नहीं है इसमें लास्ट में x है क्या ओ भैया अब तो गड़बड़ हो रही है कुछ तो कौन से वाले में आ रहा है एक्स लास्ट में यहां आ रहा है बस इसमें देखो यू दिया है ये गलत है ना इसमें यू दिया है ये गलत हो जाएगा इसमें एक्स यहां यहां इस एरो दिया है ये गलत हो जाएगा तो आप जाओगे सी के साथ सी के साथ में एक्स नीचे दिया है साइड हो जाया करो ओ भैया ये लो साइड हो गया इंटू लगा दिया करो भाई थोड़ी देर के लिए ठीक है ये हो गया मैं साइड बिल्कुल पहचानो और फटाफट से आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सबसे बेस्ट है कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है पहचानो आया आंसर देखो जरा एक पत्ती दो पत्ती तीन पत्ती चार पत्ती भैया पांच पत्ती आएंगी तीन दो पांच तीन दो पांच ओ भैया इसमें तो बहुत सारी हैं हटा दो है ना इसमें राइट की तरफ से बढ़ रही थी तो ये राइट की तरफ वाली गाय भी कर दी इसने ये बिल्कुल गलत अब ये सही है या ये सही ये पहचानना है लाइन वाला पर पोर्शन ऊपर था फिर एक खाना आगे गया फिर एक खाना और आगे गया फिर एक खाना और आगे गया अब एक खाना और आगे आएगा यानी लास्ट वाले पर आएगा लास्ट वाले पर इसमें नहीं है तो ऑप्शन गलत सी वाला राइट सी वाला राइट है सी वाला राइट नेक्स्ट पहचानो इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है स्टार नीचे आ गया ऊपर से उतर कर नीचे वाला बॉक्स ऊपर चला गया ट्राई एगल नीचे आ गया स्टार ऊपर चला गया वाई नीचे आ गया ट्राई एंगल ऊपर चला गया ये ये गुणा वाला पोर्शन जो है वो नीचे आ जाएगा ऐसे सर्कल में जो गुणा है और नीचे वाला वाई पहुंच जाएगा ऊपर इतना मैच कर लो पहले तो इतना मैच कर लो वाई आएगा ऊपर भैया वाई आएगा ऊपर नीचे दोनों ठीक है अब राइट में जो फिगर आने वाली है वो कौन सी आएगी राइट में सी दे रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट धुनाई कर दूंगा धुनाई पकड़ के अच्छे तरीके से सी वाले पिटोगे तुम मुर्गा बन जाओ सारे के सारे अजी सी सही है सी सही है <laughs> भैया मेरी बात तो सुनो ऊपर वाला सर्कल यहां कहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा ना गायब हो गया ऊपर वाला स्क्वायर कहीं नजर आ रहा है गायब हो गया ऊपर वाला स्टार कहीं नजर आ रहा है गायब हो गया ऊपर वाला ट्राइंगल कहीं नजर आ रहा है गायब कर दो तो ट्रायंगल तो आएगा ही नहीं आएगा ही नहीं गायब हो जाएगा वो फंस गए ना देखो ऐसे ही तो फंसा दूंगा मैं नहीं एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा ऐसे ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान से करो चीजों को बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पिछहत्तर वाले क्वेश्चन के से सॉल्व करें ऐ सॉल्व बेटा अभी ना है सॉल्व बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर अभी तो करवा के निपटाऊ उनको फिर कह रहा जी कैसे करें अब तो ऐसे होंगे कि पैर ऊपर कर लेना सिर नीचे कर लेना हो जाएंगे सॉल्व फिर अब ऐसा करवाने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर तो यही ऑप्शन बचता है ये रहा वो क्वेश्चन बॉक्स लेफ्ट वाला बॉक्स बीच में गया लेकिन लेफ्ट वाला आठ बीच में नहीं जा रहा लेकिन यहां जेड बीच में अवश्य जा रहा है तो आ गया ना वही रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ है थर्ड का फोर्थ के साथ मुझे चाहिए फिफ्थ वाली फिगर तो मैं क्या करूंगा रिलेशन को चेंज करूंगा क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए मैं तो उसके अकॉर्डिंग चलूंगा ना मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो आप क्या करोगे इस सेकंड का थर्ड के साथ रिलेशन बनाओगे तो फोर्थ का फिफ्थ के साथ बनकर आंसर आ जाएगा ढूंढो क्या रिलेशन ऊपर वाला कोने वाला आठ बीच में तो ऊपर वाला बॉक्स कोने वाला बीच में बीचो बीच बॉक्स 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 सी आ रहा है गलत आगे चीजों को ढूंढो जेड 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 में चेंज हो गया यहां पर तो इस सी को यहां पर सी में चेंज कर दूंगा सी सी डी आर आई गलत गलत अब इन दोनों को कंपेयर कर लो जेड को चेक कर लो जेड से आंसर आ जाएगा क्योंकि जेड इसमें इस कोने पर है इसमें लेफ्ट वाले कोने पर है तो जेड है कहा बीच वाला बीच वाला कहा जा रहा है इसमें बीच वाला भैया ये बीच में जो फिगर है वो नीचे कोने पर आ रही है राइट में तो बीच वाली जो फिगर है वो नीचे कोने पर आएगी राइट में इसके अकॉर्डिंग तो चलूंगा इधर आठ है ये गलत ये ठीक है ये ठीक है ऐसे चीजों को देखना है इसमें अच्छा मुझे बताओ ये इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स सब कर दो ऐसे ना समझ में आया तो नो लिख देना बताना जरा ये टाइप का क्वेश्चन किस किस की समझ में आ गया और किसकी समझ में नहीं आया ईमानदारी से बताना ईमानदारी से अभी नो वाले भी मुझे नजर आ रहे हैं कुछ अब ये तो या तो तुक्का मार रहे होंगे वैसे ही नहीं आया दोबारा समझा रहा हूं चलो नहीं आया दोबारा समझा रहा हूं ये नाम बुलवाने के चक्कर में है पर मैं नाम बोलूंगा नहीं इनका है ना मैं बस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा बेटा यहां आपको हम ऐसा देखना है जैसे कि ये वाला बॉक्स जो है ये यहां से उठकर दूसरे नंबर पर जा रहा है लेकिन ये वाला आर्थ यहां से उठकर दूसरे नंबर पर नहीं जा रहा है तो नीचे आ रहा है और तो गड़बड़ हो गई ना फिर इस चीज को तो पहचानना है इस चीज को ही तो पहचानना है फिर हम यहां देखेंगे ये लेफ्ट वाला जेड जो है वो यहां पर बीच में जा रहा है तो इन दोनों में जो रिलेशन वो इन दोनों में बना मुझे तो चाहिए अगले वाला तो मैं क्या करूंगा इन दोनों का रिलेशन बनाऊंगा इन दोनों का आपस में तब ये निकल कर आएगा अन्यथा ये निकल कर नहीं आने वाला ठीक भैया अब देखो जरा इन दोनों का इन दोनों के साथ रिलेशन कैसे आठ ऊपर से कोने से उठकर बीच में आ गया तो ये वाला बॉक्स ऊपर से उठकर बीच में यहां पर आ जाएगा यहां पर बीच में बीच में बीच में सी आ रहा है गलत दूसरा देखा जेड का जेड यहां लेफ्ट से तुरंत इधर आ गया राइट से तुरंत लेफ्ट हो गया तो ये जो कोने वाला सी है वो तुरंत यहां पर आ जाएगा इसके जैसा ही बिल्कुल है ना जो राइट में चीज थी वो लेफ्ट में आ गई जो राइट में चीज थी वो लेफ्ट में आ गई सी आ जाएगा इधर डी दिया है ये गलत अब इन दोनों में हमने कंपेयर किया भैया सी आठ को देख लो या तो आठ इसमें इस, इस कोने पर है आठ इसमें यहां पर है तो लेफ्ट वाला अब देखना है हमें ये वाला डी ये वाला डी यहां से उठकर कर बीच गया ऊपर तो ये वाला आठ यहां से उठकर कर बीच जाएगा ऊपर आठ ऊपर जाएगा यहां जा रहा है इधर डी आ रहा है ये गलत ऑप्शन नंबर तीन ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही है आ गया ना अब समझ में अब भी नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा फिर एग्जाम में भी नहीं आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न जब समझ में आ गया तो इसका आंसर दे दो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे स्पीड के साथ स्पीड के साथ चलो भैया स्पीड के साथ चलो चेक करो चेक करो चेक करो एस एस ऊपर से उठकर नीचर लेकिन बी ऊपर से उठकर नीचे नहीं है तो फिर से वही काम सेकंड वाले का इसके साथ और इस वाले का इसके साथ रिलेशन बना दो तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे बी यहाँ से उठकर बीचो बीच नीचे आया तो ये वाला टी बिल्कुल बीचों नीच, बीच नीचे आएगा ए रहा है गलत टी आर आए ओ रहा है गलत बॉक्स आ रहा है गलत कहानी खत्म ऑप्शन नंबर तीन राइट ऑप्शन नंबर तीन राइट बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल साथ साथ ऊपर दिखाना कौन है हा ब्लॉक करो उसको पढ़ना लिखना तो तुमको है नहीं बिल्कुल भी है ना कार्तिक बेटा अब छुट्टी है तेरी आराम से बैठ तसल्ली से नेक्स्ट चैप्टर एनालॉजी एनालॉजी डिपेंड करता है कैसे जैसे कि आपने नंबर एनालॉजी पढ़ा होगा है ना मान लो कहीं लिखा हुआ है कि सात अनुपात उड़चास समानुपात पंद्रह अनुपात क्या ये आपने मैथ वर्बल रीजनिंग में पढ़े होंगे इस तरीके के है ना भैया ये सात का वर्ग जो लॉजिक यहाँ पर है वो लॉजिक यहाँ पर भी फॉलो करना है यहाँ पर भी सेम वही है यहाँ बस फिगर होंगी नंबर की जगह पर या लेटर की जगह पर या शब्दों की जगह पर क्या होगा फिगर होंगी पहली फिगर का रिलेशन दूसरी के साथ तो तीसरी फिगर का चौथी के साथ बना देना है स्पीड के साथ चलेंगे स्पीड के साथ एनालॉजी क्या कहता है लिखा हुआ है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली से है अर्थात अर्थात इन दोनों में जो रिलेशन है वो यहां पर इसके साथ बना देना है आपको इसके साथ बना देना है चेक करो जरा चेक करो फटाफट से कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होने वाला है भैया इसने किया क्या है इसको राइट में 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेशन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहां क्या चीजें मिलेंगी सबसे ज्यादा रोटेशन मिलेगी मिरर इमेज मिलेगी वाटर इमेज मिलेगी यही चीजें सबसे ज्यादा मिलती है रोटेशन सबसे ज्यादा मिलता है रोटेशन ऐसे घुमाया इस फिगर को भी हम ऐसे घुमाएंगे तो नीचे वाला सर्कल जो है वो इधर की तरफ आएगा लेफ्ट में लेफ्ट में नहीं आ रहा सर्कल लेफ्ट में नहीं आ रहा सर्कल, आ रहा सर्कल ये दो बचे ये दो बचे अब जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा इधर की तरफ तो ये जो रेक्टेंगल है ये पहुंच जाएगा ऊपर की तरफ यहां पर और जो ट्राइ है वो हो जाएगा कुछ ऐसे तो इसमें ये ठीक है इसमें ऊपर ट्राइंगल दिया है ये गलत है आप जाओगे ऑप्शन नंबर चार के साथ ऑप्शन नंबर चार के साथ डी वाला बिल्कुल राइट नाइनटी डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन था नेक्स्ट सीन टू लगाओ भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से ये अच्छा खासा क्वेश्चन है इसमें चीजें ज्यादा दी हैं तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग बनाने की कोशिश की है लॉजिक तो वही है इसका रिलेशन इसके साथ बनाना है इसका रिलेशन इसके साथ बना देना पहचानो बीचो बीच जे को ढूंढूंगा को कैसे रोटेट किया गया है भैया एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री जे को रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री तो मैं भी इस जे का एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री बना दूंगा इस जे का एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा दो तो ये जे दिखेगा आपको कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा है ना जैसे इसको रोटेट किया गया ऐसे ऐसे ही इसको रोटेट कर दूंगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री पर यहां जे यहां जे यहां जे ये यह वाला जे बिल्कुल गलत है ये वाला बिल्कुल गलत है अब आती है बात अब आती है बात इस वाले पोर्शन की तो इसको कैसे घुमाया गया इसको क्लॉकवाइज में घुमाया गया इस वाली फिगर को क्लॉकवाइज में तो हम भी इस वाली फिगर को क्लॉकवाइज में घुमाएंगे इस वाली को क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये चीज कुछ इस तरीके से आएगी ये चीज कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगी भैया ढूंढो इसमें गलत दी है ये गलत ये और ये दोनों को कंपेयर कर लो ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स कैसे आएगा इस वाले को कंपेयर कर रहा हूं इसको क्लॉकवाइज में रोटेट किया गया तो हम भी इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कर देंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा ऐसे इधर की तरफ है ना इधर की तरफ ये आएगा है ना इधर की तरफ कुछ ऐसे बस इसमें ये गलत दिया है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे तो डी वाला परफेक्टली राइट हो जाएगा विकल्प नंबर डी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आसान है आप लोग करके बताएंगे कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा पहचानो और आंसर बताओ फटाफट से चलो देखो डंडा लेफ्ट में था राइट में फिर लेफ्ट में है तो अब आएगा राइट में पहला काम यू नीचे की तरफ यू ऊपर की तरफ यू नीचे की तरफ यू आएगा ऊपर की तरफ एरो डंडे पर था एरो पर है एरो डंडे पर था एरो पर आएगा है ना और पहले नीचे था एरो फिर ऊपर फिर ऊपर है अब कैसे आएगा भाई बताओ फटाफट से इधर नीचे था इधर ऊपर है फिर ऊपर ही है तो अब नीचे हो जाना चाहिए फिर तो है ना हमको तो ऐसे पहचानना है ना पहले नीचे था फिर ऊपर फिर ऊपर है तो अब नीचे की तरफ ऐसे हो जाना चाहिए तो पहचानना कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है कौन सा ऑप्शन इसका तो यू गलत दिया है इसका यू गलत दिया है और एरो ऊपर की तरफ दिया है तो ये वाला गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी तो इसका बचा कौन सा विकल्प आपका परफेक्टली राइट ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर तीन इस पर तीन लिखा हुआ है ठीक है तीसरा वाला नेक्स्ट विकल्पों में थोड़ा गड़बड़ मत करना ये पहला ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन हालांकि एग्जाम में तो आपको बिल्कुल एबीसीडी सही लिखे मिलेंगे यहाँ थोड़ा सा आ, मिट रहे हैं ये अक्षर कभी आप इनको मिक्स कर दो अब की बार क्या है अब की बार कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो प्रश्न आकृति युग्म के मध्य है ये दिल्ली पुलिस में पिछली बार पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन इन दोनों में जो रिलेशन है ना इन दोनों में इसके जैसा ही रिलेशन आपको यहां ढूंढना है इनके जैसा ही इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहां ढूंढना है तो इनमें पहचानो क्या रिलेशन है सर्कल एक था सर्कल दो हो गए स्क्वायर अंदर चला गया तो लेफ्ट वाली फिगर दो बन जाएंगी और ये अंदर चला जाएगा रोमबस अंदर जाना था ट्रायंगल नहीं जाना ट्रायंगल को दो बनाना है गलत हो गया स्क्वायर दो बनाना है ट्रायंगल अंदर चला जाएगा कहानी खत्म ऑप्शन नंबर बी राइट ये वाले रोमबस दो बनाने थे नहीं बन रहे गलत ऐसे पहचान में नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर सतासी एट्टी सेवन चेक करो और ये जो कह रहे हैं भूख लग रही है खाना खाना है खाना खा लो कोई दिक्कत नहीं मम्मी से भाई से बहन से जो भी हो घर में बोलो खाना लाओ तुम्हारे पास रख देंगे और पढ़ते रहो खाना खाते रहो पढ़ते रहो नॉन वर्बल है पेन चलाने की जरूरत नहीं है फिगर को देखो काम खत्म किसने बोला कि आप खाना मत खाओ खाते भी रहो पढ़ते भी रहो अरे फोन में लेटे लेटे भी देख सकते हो ऐसे है सोते हुए भी देख सको नॉन वर्बल का यही तो फ़ायदा है सबसे बड़ा नॉन वर्बल में पेन चलाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कौन में ऐसे सामने स्क्रीन पर लग रहे एलईडी पर अगर मान लो किसी ने अपने घर पर स्क्रीन लगा रहा कि भैया मजे से लेटते हुए देखते रहो ऐसे मस्त सो मत जाना पर सोने में दूंगा नहीं ठीक है यहां जो रिलेशन है वही रिलेशन यहां पर होगा <coughs> क्या रिलेशन है पहचानो इस बॉक्स को इस बॉक्स को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया गया देखो एंटी क्लॉक में तो आप भी इस बॉक्स को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दोगे तो भैया ये आ जाएगा बॉक्स इधर की तरफ और हिस्सा ब्लैक लेफ्ट की तरफ होगा लेफ्ट की तरफ ब्लैक लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ है बिल्कुल गलत ठीक एरो देखनी नहीं है एरो ठीक ठाक है है स्क्वायर देखना या रोम्बस देखना है भैया हमारा क्या था स्क्वायर था है ना ये देखो ये हे, हे, हेक्सागन का हेक्सागन बना हुआ है तो स्क्वायर का स्क्वायर आएगा रोम्बस नहीं आएगा ये गलत अब बचे ये दोनों इन दोनों को कंपेयर कर लो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आंसर बता सकता हूं ट्राइ एंगल को कैसे रोटेट किया गया है ट्राइ एंगल को रोटेट किया गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सी डब्ल्यू क्लॉक वाइज डायरेक्शन में नाइन्टी डिग्री तो इस ट्राइंगल को क्लॉक वाइज में नाइन्टी डिग्री पर रोटेट कर दूंगा नाइन्टी डिग्री पर रोटेट करूंगा तो जैसे ही नाइन्टी डिग्री पर रोटेट करूंगा कुछ ऐसे नजर आएगा कुछ ऐसे नजर आएगा क्लॉकवाइज में नाइन्टी डिग्री रोटेट करने पर है ना तो ये वाला ज्यादा बेस्ट है ये वाला गलत ऑप्शन नंबर तीन ऑप्शन नंबर तीन चलो बहुत सुंदर नेक्स्ट ये और अच्छा क्वेश्चन ये पिछली बार पूछा गया था पिछली बार ही पूछे गए हैं ये क्वेश्चन एनालॉजी के तो सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस में ही पूछे गए थे पिछली बार बाकी एग्जाम्स में एनालॉजी कम पूछा जाता है रिलेशन आपको फाइंड करना है क्या रिलेशन है इस फिगर का इसके साथ और इसका इसके साथ बना देना है टोटल कितने क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन है भैया आपके लगभग लगभग कितने बताऊं ना ऐसे ना बता रहा तुम डर जाओगे फिर <laughs> तुम डर जाओगे ऐसे नहीं बता रहा मैं चलो इसमें लॉजिक क्या है भाई देखो ध्यान से देखना बहुत अच्छा लॉजिक है जो आपका ऊपर का कलर कॉम्बिनेशन है वो इधर क्रॉस में फॉलो हो रहा है ध्यान से देखो हो रहा है या नहीं कुछ ऐसा देखना है नीचे वाले का कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऊपर की तरफ फॉलो हो रहा है कैसे फॉलो हो रहा है पहला लेफ्ट वाला व्हाइट है लेफ्ट वाला व्हाइट फिर राइट में ब्लैक ब्लैक फिर व्हाइट फिर व्हाइट फिर, फिर ब्लैक फिर ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्रॉस पैटर्न पर फॉलो हो रहा है तो हम भी क्रॉस पैटर्न पर कलर का कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे कैसे फॉलो करेंगे भैया ये सर्कल तो ऐसे आएगा ही आएगा ऐसे बना दो चार खाने हैं ना एक दो तीन चार नीचे रेक्टेंगल आएगा ही आएगा चार खाने बना दो एक दो तीन चार जो नीचे का कलर कॉम्बिनेशन था वो ऊपर जाएगा ऊपर कैसे जाएगा तीनों हिस्से ब्लैक तो तीनों हिस्से ब्लैक कर दो तीनों हिस्से ब्लैक कर दो ऊपर के लेफ्ट वाला ब्लैक है इधर लेफ्ट वाला ब्लैक कर दूंगा ये चीजें ऐसे जा रही हैं ये चीजें ऐसे जा रही है यहां बिल्कुल गलत यहां बिल्कुल गलत यहां ठीक यहां बिल्कुल गलत कहानी खत्म ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन नंबर बी राइट है कलर का जो कॉम्बिनेशन था जो इस फिगर में जो इस फिगर में कलर दिया है सेम पैटर्न पर इसमें फॉलो हो रहा है कलर है ना और जो इस फिगर में कलर दिए यानी कि ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन था वो इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है क्रॉस में कभी कभी क्या है ऊपर का नीचे के साथ क्रॉस कर रहा है ऐसे भी हो जाता है ठीक है ना कभी कभी आ, मिलेगा क्वेश्चन आगे मिलेगा तो देख लेते हैं नेक्स्ट भैया छाता आ गई छाता देखो क्या रिलेशन है फर्स्ट फिगर का सेकंड के साथ जो रिलेशन थर्ड का फोर्थ के साथ वही बनाना है सीरीज मत समझना इसको ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है लिखा हुआ है ऊपर बाकायदा उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति के साथ दिया गया है दूसरी आकृति का पहली आकृति के साथ दिया गया है वो आपको देखना है देखो छाता को घुमाया ऐसे ध्यान से सुनना पहले इसको घुमाया है एंटी क्लॉक में 45, 45 डिग्री एंटी क्लॉक तो इस छाता को 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाऊंगा एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ये छाता नीचे था लेकिन अब चला गया इधर अब ये इधर है तो ये छाता आएगा इधर पहला काम तो ये होगा ठीक अभी इसके डंडे को नहीं अब जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये डंडा तो ऐसे आना चाहिए था लेकिन इसका क्या बना दिया मिरर इमेज घुमाने के बाद फिर मिरर इमेज बना रहा है बेटा देखो ध्यान से घुमाने के बाद क्या बना रहा है फिर मिरर इमेज बना रहा है उसके बाद मिरर इमेज फिर आप भी मिरर इमेज बनाओगे घुमाने के बाद दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मैंने इसको घुमाया और इसको ऐसे छाप दिया मैं भी क्या करूंगा इसको ऐसे तो घुमाया अब इसको ऐसे छाप दूंगा तो जो इधर की तरफ जाना चाहिए था वो इधर की तरफ आएगा डंडा अब जो कलर का कॉम्बिनेशन था वो कलर का कॉम्बिनेशन किस तरीके से था छाता का जो कलर का कॉम्बिनेशन था वो कैसे है ध्यान से देखो ये ऐसे जो वाइट ब्लैक था वो व्हाइट हो गया जो व्हाइट था वो ब्लैक हो गया जो व्हाइट था वो ब्लैक हो, हो गया ऐसे कर देना है अब भी ऐसे कर दो जो इधर व्हाइट है ब्लैक uh, है वो व्हाइट हो जाएगा और दूसरा व्हाइट था ये ब्लैक हो जाएगा ये ब्लैक ये वाइट ये ब्लैक बल्ले बल्ले कर दो कर दो कौन सा ऑप्शन राइट है भैया फर्स्ट वाला ठीक है क्या नहीं ये गलत ये तो वैसे ही गलत ये वैसे ही गलत बचा क्या थर्ड वाला तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल राइट है परफेक्टली राइट बहुत सुंदर नेक्स्ट पहचानो इसमें क्या रिलेशन है स्पीड के साथ चलेंगे स्पीड के साथ चलेंगे थोड़ा सा स्पीड के साथ है ना यहां क्या है इसने दो तो स्क्वायर सेम दिए हैं और तीन पेंटागन दिए हैं ऐसा ही लॉजिक ढूंढना है ऐसा ही लॉजिक ढूंढना है भैया यहां दो ये कहां से आ गया फिर फालतू में हटाओ इसको छह कहां से आ गए हटाओ इसको दो आ रहे हैं और तीन सर्कल आ रहे हैं मुझे तो ये सही सा लग रहा फिर ये दो आ रहे हैं और ये भी दो आ रहे हैं मुझे ये भी सही सा लग रहा अब दोनों में से कौन सा सही है ये आपको पहचानना है अब दोनों में से कौन सा ज्यादा बेस्ट होगा ये पहचानो भैया दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा पहचानो फटाफट फटा से आंसर बता दो आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है लॉजिक के साथ लॉजिक के साथ क्या लॉजिक है साइज का थोड़ा बहुत अंतर है साइज का थोड़ा बहुत अंतर है अगर मैं कहूं इधर वाला छोटा था इधर वाला ये बड़ा है लेकिन इसमें तो दोनों ट्राइंगल सेम ये दो तो परमानेंट गलत हो गए इनको तो छोड़ ही दो ये हटा दो ये दोनों मुझे सही लग रहे थे ये दोनों मुझे सही लग रहे थे इन दोनों में पहचानना है अगर मैं पेंटागन की बात करूं हाँ इधर वाला छोटा और ये दोनों लगभग लगभग बराबर ये ठीक है अब इसमें क्या अंतर है इसमें देखो थोड़ा सा अंतर है भाई ये है तो सारे पेंटागन ही पंचभुज अब यहां देखो ये सर्कल तो बिल्कुल गोल थे और ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा अंडाकार बनाया हुआ है ये कैसे बनाया हुआ है थोड़ा सा अंडाकार बनाया हुआ है, है ना इसको देखो पहचानो इसको ये कैसा दिया है तो इसी वजह से ये गलत है बाकी और किसी वजह से गलत नहीं है हालांकि इसमें छोटा होना चाहिए था ट्राइंगल लेकिन चल जाएगा बाकी ये छोटे हैं और ये दोनों इससे थोड़े बड़े हैं तो ये छोटा है ये दोनों इससे बड़े हैं तो इसके अकॉर्डिंग जाऊंगा ऑप्शन नंबर चार के साथ ऑप्शन नंबर चार के साथ ट्राइएंगल में तीन है और स्क्वेयर में चार है मतलब हा ऐसे भी कह सकते हो भाई ऐसे भी कह सकते हो कि इस स्क्वायर में चार लाइन है यहाँ पांच लाइन वाला बना कर दे दिया तो इधर तीन लाइन है इसमें चार लाइन वाला ही आएगा ये भी ये भी कह सकते हो यहाँ दो चार है तो यहाँ पेंटागन आना चाहिए था वो पेंटागन इधर नहीं है ये ज्यादा बेस्ट हो गया तो लॉजिक लो भैया आपका मुझसे भी ज्यादा अच्छा लॉजिक है परफेक्टली राइट परफेक्टली राइट नेक्स्ट नंबर इक्यानवे फटाफट से बताओ स्पीड के साथ फटाफट से बताएंगे सभी लोग स्पीड के साथ नाइनटी वन का आंसर क्या होगा यहां क्या लॉजिक है पहचानो इस पे नंबर डाल लेना वन नंबर की फिगर टू नंबर की फिगर थ्री नंबर की तो तीसरे नंबर की बिल्कुल बीचों बीच गई ऐसे कर लेना वन टू थ्री अलग अलग है ये तो कुछ और ही दिया हुआ है इसमें तो ठीक है और अगर मैं ऐसे लिखूं वन टू थ्री इसमें लिखूं वन टू थ्री इसमें लिखूं वन टू थ्री तो हमारी जो तीसरे नंबर की फिगर है ना वो बिल्कुल बीचों बीच, बीच जा रही है तीसरे नंबर की बीचों बीच है बिल्कुल ठीक है तीसरे नंबर की बीचों बीच नहीं है ये गलत हो जाएगा ये वैसे ही गलत था ठीक है क्योंकि इसमें राइट में दिया था तीसरे नंबर की बीचों बीच इसमें भी है और इसमें भी है अब दूसरे नंबर वाली बाहर जा रही है दूसरे नंबर वाली भाई हेक्सागन बाहर जाना था गलत दूसरे नंबर वाला बाहर जा रहा है बिल्कुल जा रहा है ऑप्शन नंबर चार के साथ जाओगे ऑप्शन नंबर चार के साथ जाओगे ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो ये क्या कह रहा है फटाफट से देखो ये क्या कह रहा है फिर से यहाँ कलर कॉम्बिनेशन है देखो कलर कॉम्बिनेशन कैसा है जो ब्लैक था वो व्हाइट हो गया है ना और और कलर कॉम्बिनेशन कैसा है क्रॉस पैटर्न पर इसका कलर इधर गया इसका इधर चला गया देखो क्रॉस पैटर्न पर जा रहा है ना क्रॉस पैटर्न पर कैसे जा रहा है भाई इसका इस इसका रंग इसमें भर गया जाकर और इसका इसमें चला गया और इधर वाले का रंग इसमें आ गया और इधर वाले का इसमें क्यों नीचे ट्राइंगल शेप में ब्लैक था तो यहां भी ऐसे ही ब्लैक आया देखो आया ना आया क्रॉस पैटर्न में जा रहा है कलर कॉम्बिनेशन क्रॉस में तो इसका रंग इसमें भर दूंगा इसका इसमें भर दूंगा तो ये वाला स्टार का नीचे आएगा ब्लैक स्टार का नीचे आएगा ब्लैक यहां स्टार ही गलत दिया है ये तो परमानेंट गलत इधर आ, इधर आ रहा है इधर आ रहा है इधर आ रहा है इधर आ रहा है ये ठीक है अब जो इसमें लेफ्ट में हिस्सा ब्लैक था पूरा अब वो सर्कल का आधा हिस्सा ब्लैक होगा पूरा आधा होगा इसमें आधे से ज्यादा कर दिया ये गलत यहां ठीक और यहां गलत है यह भी गलत ऑप्शन नंबर चार के साथ ऑप्शन नंबर चार के साथ जाओगे परफेक्टली राइट होगा ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट अगला विकल्प आपके सामने चेक करो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा इसमें भी सेम ऐसी पैटर्न है देखो भाई फटाफट से इसमें क्या लॉजिक है ध्यान से देखो इसमें क्या लॉजिक है इसमें लॉजिक है जैसे कि लेफ्ट वाला ब्लैक था लेफ्ट वाला राइट हो गया फिर ये यहाँ वाइट है ये ब्लैक हो गया ये दोनों ब्लैक थे ये दोनों वाइट हो गए अब की बार आमने सामने ही है बिल्कुल आमने सामने ही है बिल्कुल चीजों को देखो यहां पहचानोगे लेफ्ट वाला ब्लैक वाइट है ब्लैक हो गया तो आप भी ऐसे ही कर दो जो वाइट उसको ब्लैक कर दो जो ब्लैक है उसको व्हाइट कर दो तो ऊपर के बीच में दोनों के दोनों व्हाइट थे अब दोनों के दोनों ब्लैक आएंगे दोनों के दोनों ब्लैक आएंगे इसमें आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं ठीक है नीचे वाले हिस्से पर आ जाओ ये व्हाइट था लेफ्ट वाला तो अब लेफ्ट वाला सॉरी लेफ्ट वाला ब्लैक था तो लेफ्ट वाला व्हाइट आएगा इसमें ब्लैक दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो के साथ जाओगे दूसरा वाला विकल्प राइट है है ना दूसरा वाला विकल्प यहां पर राइट होगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर फटाफट से बताओ 94 क्या कह रहा है उसके बाद चलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर पर कलर का कॉम्बिनेशन चेक करो कलर का कॉम्बिनेशन वही है जो ब्लैक है वो व्हाइट हो गया जो व्हाइट है वो ब्लैक हो गया तो आप भी इसमें भी सेम वही पैटर्न फॉलो करना जो ब्लैक वो वाइट और जो व्हाइट वो ब्लैक राइट की तरफ ब्लैक था तो राइट की तरफ व्हाइट आएगा गलत राइट की तरफ व्हाइट आएगा गलत राइट की तरफ वाइट राइट की तरफ वाइट ठीक है दूसरे पर आ जाओ नीचे देखो दोनों दोनों बीचों बीच व्हाइट दिए हैं जबकि हमारा क्या है ये ब्लैक था तो ये व्हाइट होगा और इधर वाला ब्लैक होगा बीच में दोनों व्हाइट नहीं आ सकते ऑप्शन नंबर चार राइट ऑप्शन नंबर चार परफेक्टली राइट आंसर है बिल्कुल शानदार जवाब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का अर्थ है वर्गीकरण वर्गीकरण यानी कि चार विकल्पों में से तीन विकल्प समान रूप से समान होंगे किसी लॉजिक के कारण और एक अलग होगा फाइंड द ऑड वन आउट फाइंड द ऑड वन आउट असंगत असंगत आकृति का चयन करो असंगत आकृति का चयन करना है फाइंड द ऑड वन आउट इसमें भी लॉजिक मैक्सिमम वही मिलने वाले हैं लाइनों की संख्या पर मिल सकता है या वाटर इमेज मिरर इमेज मिल सकता है रोटेशन मिल सकता है यही चीजें मिलेंगी जैसे कि इसमें साफ साफ नजर आ रहा है मिरर इमेज इसको इधर छाप दिया इसको इधर छाप दिया इसको इधर छाप दिया ये सेम दे दिए दोनों ऑप्शन नंबर चार अलग यहां मिरर इमेज यहां मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब और यहां दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज ये क्या होगा इसमें दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इसको इधर छापना था ये नहीं छप रहा ऐसे ये गलत है पहले बताओ कि कब तक चलेगी क्लास तब करेंगे क्लास को हा देखो धमकियां देते हैं ये बच्चे हमको ऐसे ऐसे कहे करते हो हैं ऐसे काहे करते हो आंसर बताओ वो मैंने शुरुआत में बता दिया था कि भैया मैं क्लास चलाऊंगा आपकी अः चार बजे तक मैंने बोल दिया था चार बजे तक चलेगी क्लास और जल्दी से जिसने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो दस हजार लाइक हो जाने चाहिए पूरे पांच सौ छह सौ बच्चे ऐसे बैठे हैं अभी जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से इसमें लॉजिक ढूंढो भैया ट्राइंगल डायरेक्शन में ट्राइंगल डायरेक्शन में ट्राइंगल डायरेक्शन में यहां अलग है यहां अलग है ये आंसर होगा है ना भाई दोनों एक ही तो तरफ थे एरो भी एरोगल भी एरो भी 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 एरो इसमें क्या ट्राइ इधर है एरो इधर है ऑप्शन नंबर डी ये बहुत आसान होता है हालांकि अब कम पूछा जाता है एग्जाम में लेकिन पूछ सकता है कुछ भी चैप्टर तो सारे ही कराने हैं मुझे ठीक है देखो जरा भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कौन सा अलग होने वाला है पहचानो क्या लॉजिक है देखने में सब एक जैसे से ही लग रहे हैं सब एक जैसे से ही लग रहे हैं देखने में बस थोड़ा सा ही मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं रोमबस रोमबस क्रॉस पैटर्न में रोमबस क्रॉस पैटर्न में रोमबस क्रॉस में रोमबस क्रॉस में होने चाहिए थे हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी फटाफट से बताएंगे सभी लोग जल्दी से बताओ सभी लोग क्या आंसर होगा नेक्स्ट ये क्या कह रहा है असंगत आकृति का चयन करना है फटाफट से ढूंढकर बताओ भैया कौन सा सबसे बेस्ट होगा कौन सा सबसे बेस्ट देखो ये जो चिन्ह बने हुए हैं ये ऐसे वी शेप में है ये जो चिन्ह बने हुए हैं वी शेप में है ये जो चिन्ह बने हुए हैं वी शेप में भैया यहां तो दो ही दिए खत्म 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 स्पीड के साथ चलो फटाफट 99 नाइन पर आ जाओ जल्दी से बताओ आंसर कौन सा विकल्प होगा चेक करो आंसर बताओ फटाफट से मोबाइल गर्म हो गया थोड़ी देर पानी में डाल दो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर पानी में डुबकी लगवा दो उसको वो सही हो जाएगा एकदम देखो भाई इसमें कौन सा आपका आंसर होने वाला है पहचानो साफ दिख रहा होगा आपको मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर आने वाला है स्पीड के साथ पहचानो भैया एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है एक पेंटागन है एक हेक्सागन है ऐसा ही ढूंढना है चतुर्भुज चतुर्भुज दो दो आ गए दो आ गए आंसर त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज ष्टभुज खत्म तीन भुजा चार भुजा पांच भुजा छह भुजा तीन चार पांच छह तीन चार पांच छ इसमें क्या कर दिया दो चार वाले दे दिए यही तो अलग ढूंढना है फाइंड चार में से तीन एक जैसे एक अलग होगा चार में से तीन एक जैसे एक अलग होगा वो या आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सौ अच्छा क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन एकदम पहचानो क्या लॉजिक है क्या लॉजिक है फटाफट से बताओ चार घंटे हो गए अभी कहाँ हो गए चार घंटे पिटोगे अभी कहाँ हो गए चार घंटे देखो क्या लॉजिक है एक दो तीन चार पांच छ तीन तीन छह छह बिलैक है एक दो तीन चार पांच छह छह बिलैक है एक दो तीन चार पांच छह बिलैक है एक दो तीन चार पांच छ सात बिलैक है आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना खत्म कहानी नेक्स्ट बस लॉजिक पहचानना है बेटा आपको साफ दिख रहा है साफ दिख रहा है आंसर अगर आपको दिखाई दे जाए तो चारों को एक साथ देखो चारों फिगर को और तुरंत दिख जाएगा आंसर कैसे कैसे पहचान पा रहे हो भैया हेक्सागन के अंदर एरो एरो हेक्सागन के अंदर एरो एरो पेंटागन के भीतर ट्राइंगल ट्राइंगल यहां का ट्राइ गलत दिया है देखो सब में 90 डिग्री वाला है राइट एंगल ट्राइ एंगल सब में 90 डिग्री वाला है सब में 90 डिग्री वाला है इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी राइट ये इसमें कर दो बोतल में चलो नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट से अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने इसमें क्या लॉजिक है पहचानो स्पीड के साथ स्पीड के साथ मजा आने वाला है देखो जरा पहचानो स्पीड के साथ कौन सा आंसर सर भूख लग रही है नहीं लगनी भूख पढ़ने वाले इंसान को भूख नहीं लगती ना प्यास लगती रोज रोज थोड़ी ना हो रही है क्लास इतनी बड़ी है और मैंने खाने के लिए मना नहीं किया खाते रहो पढ़ते रहो खाते रहो इधर ही तो देखना है बस पेन थोड़ी ना चलाना ना, ना कॉपी रखनी अपने पास ना पेन रखना फोन रखना है फोन रखना है फोन में देख रहे हो कंप्यूटर पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो लैपटॉप रखना है स्क्रीन पे देख रहे हो स्क्रीन पर देख आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है <laughs> पहचानो आंसर क्या है भैया यहाँ पर आंसर क्या है लॉजिक पहचानो भैया पूरा ही मैं दो ब्लैक है एक ब्लैक है दो ब्लैक है दो ब्लैक है दो ब्लैक है एक ब्लैक है एक ब्लैक है दो ब्लैक है दो ब्लैक दो ब्लैक एक ब्लैक दो ब्लैक भैया दो ब्लैक दो ब्लैक पूरा खाली पूरा खाली कर दिया इसमें एक तो ब्लैक आ जाना चाहिए था एक तो ब्लैक आ जाना चाहिए था नहीं आया ऑप्शन नंबर चार ऑप्शन नंबर चार नेक्स्ट नेक्स्ट पहचानो पहचानो इसका सही जवाब ये थोड़ा सा कट गया ये कैसे कट गया ये हमारे टाइपिस्ट ने काट दिया शायद लो भैया बताना कौन सा विकल्प आपका राइट होगा कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट लॉजिक है पहचानो वन हंड्रेड थ्री पहचानो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ आ रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह आ रहे हैं भैया आप बताना मुझे जरा आपका आंसर क्या है अब आंसर बताना क्या है पहचानो मैंने तो लिख दिया नंबर संख्याओं को लिख दिया इनकी अब आपको पहचानना है कौन सा ऑप्शन राइट right है अभी भी बी ऑप्शन दे रहे हैं इतना कुछ करने के बाद भी बी ऑप्शन क्यों दे सकते हो आप लोग है? ऐसा काहे है करते हो भैया इसमें कितने सर्कल हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस लिख दिए ठीक चार तीन सात दो नौ तीन तीन छ और एक सात तीन तीन छ दो आठ आठ तीन ग्यारह भैया ये भी ऑर्डर नंबर ये भी ऑर्डर नंबर और ये भी ऑर्डर नंबर यहाँ ई नंबर दिया है ई इसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट वाला हुआ ना बेटा आंसर और तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा इसमें बस ये क्या है इवन नंबर है है ये सम सम संख्या संख्या और बाकी सब विषम है सात नौ ग्यारह विषम होते हैं सात नौ ग्यारह विषम प्राइम नंबर नहीं है नौ प्राइम नहीं होता विषम है ऑडी इवन का लॉजिक है ऑड इवन का नेक्स्ट भैया पहचानो जरा ये क्या व्याधा है इसको देखना जरा पहचानो ये क्या कह रहा है इसकी कारिस्तानी देखो इसकी कारिस्तानी देखो क्या है क्या किसी को कोई लॉजिक नजर आ रहा है इसमें पहचानना भैया ब्लैक पार्ट को अगर मैं देखूं तो ब्लैक पार्ट बाहर का है ना ब्लैक पार्ट कौन सा है एक स्क्वायर है एक रोमबस है एक स्क्वायर है रोमबस है तो स्क्वायर वाले हिस्से पर दो ब्लैक है रोमबस पर एक ब्लैक है स्क्वायर वाले हिस्से पर दो ब्लैक है रोमबस पर एक ब्लैक है ठीक स्क्वायर वाले हिस्से पर दो ब्लैक है रोमबस पर एक ब्लैक है ये लॉजिक है यहां या भाई सारे के सारे ब्लैक जो तो हैं वो रोमबस पर ही दे दिए स्क्वायर पे तो एक भी ब्लैक ना दिया बताओ एक सौ दो में एक बार काउंट करो एक सौ दो में वन हंड्रेड टू इधर है ये है सौ है तो एक सौ एक सौ दो हाँ क्या कह रहे हो व्हाइट वाले काउंट करूं दो तीन पांच तीन आठ एक नौ दो तीन पांच तीन आठ दो दस दो दो चार तीन सात दो नौ दो दो चार चार आठ दो दस हाँ क्या दिक्कत आई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ इसमें नौ वाइट है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इसमें दस वाइट है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ इसमें नौ वाइट है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इसमें दस वाइट है तो कैसे बताओगे पता नहीं तेरा कैसे बताओगे नहीं बता सकते ठीक जो मैंने बताया फिक्स है वो एकदम इसमें पूरा का पूरा व्हाइट था कॉलम नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा पहचानो भाई इसका सही जवाब क्या होगा देखो भाई इसमें क्या लॉजिक है पहचानो लॉजिक क्या है दिखाई दे रहा है क्या सभी को क्या दिख रहा है सबको एक एक ही दिशा में अगर रोटेट करोगे ना जैसे भाई इसका ये फूल नीचे की तरफ है सिंगल तो ये ऐसे देख रहा है तो इसका राइट ये है लेफ्ट ये है तो इसका अर्थ है यहां राइट वाला हिस्सा ब्लैक है राइट वाला हिस्सा ध्यान से सुनना अब ये देख रहा है इधर की तरफ ये देख रहा है इधर की तरफ तो इसका राइट वाला हिस्सा ब्लैक है परफेक्टली राइट ये देख रहा है इधर को और वैसे भी ये गलत हो गया देखो खत्म कहानी कुछ देखना ही नहीं है फूल 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 अरे इसका फूल देखना है इसका फूल देखना हो गया आंसर हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी इसी के अकॉर्डिंग हो गया इसी के अकॉर्डिंग हो गया ये तो और कुछ नहीं देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 चेक करो फटाफट से 106 इसमें क्या लॉजिक है क्या लॉजिक है पहचानो स्पीड के साथ भैया अच्छा क्वेश्चन है शानदार वाला दो कर्व हैं दो कर्व हैं दो कर्व हैं दो कर्व हैं लाइन एक दो तीन चार चार लाइन है एक दो तीन लाइन है एक दो तीन लाइन है एक दो तीन लाइन है कहानी खत्म ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट बहुत आसान चीजें हैं बहुत आसान चीजें हैं अगर देखोगे ईमानदारी के साथ नेक्स्ट भैया पहचान नजर आइए क्या कह रहा है पहचानो देखो भैया एक ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक ऊपर एक नीचे एक नीचे एक नीचे गड़बड़ 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 ऑप्शन नंबर चार गड़बड़ 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 वही गड़बड़ ढूंढनी है ठीक है ना नेक्स्ट पहचानो इसमें क्या लॉजिक है इसमें क्या लॉजिक है पहचानो 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 देखो इसने क्या किया हुआ है इसने क्या किया हुआ है? इस फिगर को जब मैं वाटर इमेज बनाऊंगा ना ये वाटर इमेज दिख रही है नहीं दिख रही बताओ इसको ऐसे छाप दिया इसको ऐसे छाप दिया वाटर इमेज जल प्रतिबिंब इसको ऐसे छाप दिया नीचे वाटर इमेज जल प्रतिबिंब तीनों में जल प्रतिबिंब है जब इसको नीचे की तरफ छापूंगा तो ये ब्लैक आना था इधर तो ये इसकी वाटर इमेज नहीं है ये वाटर इमेज, ये वाटर वाटर इमेज, इमेज नहीं है। नहीं है। है तो यही आंसर होगा यही आंसर होगा नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा भैया चेक करो फटाफट से कौन सा विकल्प यहां पर राइट होगा 109 फटाफट से बता दो आपको भूख नहीं लग रही क्या नहीं भैया मुझे भूख नहीं लग रही है ना अभी मुझे आपकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी लग रही है तो उसके सामने भूख नहीं लग रही चेक करो जल्दी से आप तो चलो खा भी लोगे बैठे बैठे मैं यहां कैसे खाऊं पढ़ाते पढ़ाते फिर भी फिर भी आप लोग जो है ना साथ नहीं देते हैं दूर दूर भागते हो देखो भाई जरा क्या लॉजिक है क्या लॉजिक है फटाफट से पहचानो पहचानो क्या लॉजिक नजर आ रहा है स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर है स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है अब दो में एक जैसा दो में एक जैसा पेंटागन के अंदर रोम्बस और रोमबस के अंदर पेंटागन और स्क्वायर के अंदर पेंटागन और इधर भैया हेक्सागन के अंदर अब आपका आंसर दिख रोकना ना 106 में 106 में सी भी हो सकता है भाई होने को कुछ भी हो सकता है ऐसे मत किया करो क्या जी सी भी हो सकता है क्यों हो सकता है सी वजह क्या है मुझे ये तो बता दो मैंने क्लियरली हर किसी के लिए आपके लिए पूरा लॉजिक लिख रहा हूं और फिर भी अपनी तरफ से आप पता नहीं क्या क्या लगा देते हो कि जी ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है अपनी तरफ से तो कुछ भी करते रहो बेस्ट लॉजिक जो बता रहा हूं ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें चार लाइन है इसमें तीन लाइन है इसमें तीन लाइन है इसमें तीन लाइन है चार वाला अलग होगा खत्म कहानी ये चीज है स्पष्ट बताता हुआ चल रहा हूं इसमें पहचानो भैया देखो बाहर चार लाइन अंदर तीन लाइन बाहर पांच अंदर चार कोई दिक्कत नहीं है बाहर की तरफ तीन है अंदर की तरफ चार है बाहर की तरफ चार है अंदर की तरफ पांच है देखना जरा बाहर की तरफ तीन है अंदर की तरफ चार है बाहर की तरफ चार है अंदर की तरफ पांच है बाहर की तरफ छह है अंदर की तरफ चार है गड़बड़ हो गई देखो बाहर की तरफ चार है अंदर की तरफ तीन बाकी सब एक एक के डिफरेंस में चल रही थी वन वन के डिफरेंस पर है सारी चीजें लेकिन यहां वन के डिफरेंस में क्या नहीं यहां तो यहां तो टू का डिफरेंस हो गया फोर और सिक्स पर फोर और सिक्स पर टू का डिफरेंस नेक्स्ट अगला प्रश्न असंगत आकृति का चयन करो असंगत आकृति का चयन करो फटाफट से बताएंगे सभी लोग कौन सा विकल्प यहां पर सबसे बेस्ट होगा सबसे बेस्ट भैया दो लाइन की तरफ चार दो की तरफ चार दो की तरफ चार दो की तरफ चार, चार। पहचानो एक, एक की तरफ तीन दो पांच 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 बिल्कुल अच्छी बात है तो अब क्या लॉजिक भाई पांच पांच लाइन इधर है चार 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 ध्यान से सुनना इधर चार इधर चार इधर पांच इधर चार ठीक है तीन तरफ चार एक तरफ पांच चार 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 पांच पांच चार पांच चार बाकी सब में तो चार चार लाइन थी बाहर की तरफ देखोगे एक दो तीन तीन बार चार एक दो तीन बार चार एक दो तीन बार चार एक दो दो बार है इसमें दो दो तरफ पांच पांच आ रही हैं ऑप्शन नंबर डी राइट होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होता है मिससेलेनियस मिससेलेनियस क्या चीज है मिश्रित क्वेश्चन है ना मिक्सर है मिक्सर मिक्सर का अर्थ क्या हो गया अब ये चैप्टर ऐसे हैं कि ये कभी कभी तो पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी नहीं पूछे जाते अब मैं इनके आपको चार चार पांच पांच क्वेश्चन आपको करा देता हूं तो फिर उसके बाद चलेंगे फिगर काउंटिंग लास्ट चैप्टर बचेगा इसके बाद ये ज्यादा नहीं है दस पंद्रह मिनट का काम इसमें है और फिर फिगर काउंटिंग का काम बचेगा पैतालीस मिनट का ठीक कुल एक घंटा और दे दो फिर बाकी आपकी मौज मौज है ठीक चलो डॉट सिचुएशन समान बिंदु स्थिति वाली आकृति का चयन करना है इसमें कैसे रीड करते हैं क्वेश्चन को जैसे कि ये फर्स्ट वाली डॉट है ये फर्स्ट वाली डॉट किस किस्म आ रही है सर्कल में और ट्राइएंगल में सर्कल प्लस ट्राइएंगल सेकंड डॉट जो है वो किस में आ रही है सेकंड डॉट जो ये वाली है ये ट्राइंगल में और स्क्वायर में ट्राइएंगल प्लस का स्क्वायर। ये सेम सिचुएशन क्रिएट करनी है ऑप्शन में सेम सिचुएशन क्रिएट करनी है सर्कल और ट्राइएंगल में डॉट रख दो सर्कल और ट्राइएंगल में इस वाले पोर्शन पर रख सकता हूं बिल्कुल और साथ ही साथ ट्राइएंगल और स्क्वायर में यहाँ रख सकता हूँ बिल्कुल परफेक्टली राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेकंड वाले में क्या पॉसिबल है सर्कल और ट्राइएंगल में अब अगर मैं सर्कल और ट्राइ में रखता हूँ मेरे भाई वो अपने आप ही ऑटोमेटिक किस में चली गई स्क्वायर में गलत हो जाएगा सर्कल ट्राइ में रखूंगा अपने आप ऑटोमेटिक चली जाएगी किस में स्क्वायर में गलत हो जाएगा सर्कल ट्रायंगल में रखूंगा डॉट को तो ऑटोमेटिक चली गई स्क्वायर में जो गलत हो जाएगी कंडीशन ऐसी चीजों को पहचानना है नेक्स्ट समान बिंदु स्थिति वाली आकृति का चयन करो पहली डॉट है पहली डॉट कौन कौन सी फिगर में ट्रायंगल में स्क्वायर में प्लस सर्कल में दूसरी वाली डॉट किस में है दूसरी वाली डॉट है स्क्वायर प्लस का ट्राइएंगल स्क्वायर प्लस का ट्राइएंगल इन चीजों को पहचानना है पहचानो पहली डॉट आनी चाहिए तीनों फिगर में तीनों फिगर में आ सकती है क्या तीनों फिगर में नहीं आ सकती क्योंकि ट्राइएंगल और स्क्वायर दोनों क्या है बेटा बिल्कुल अलग अलग है कैसे फिक्स करोगे नहीं कर सकता यहां आ जाएगी तीनों में देखो यहां आ जाएगी तीनों में सर्कल में भी ट्राइंगल में भी स्क्वायर में भी और दूसरी चाहिए मुझको ओनली ट्राइ और स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर में रखूंगा तो वो सर्कल में चली जाएगी गलत हो जाएगा है ना दूसरी को मैं ट्राइ और स्क्वायर में नहीं रख सकता तीनों में आ सकती है कोई तीनों में आ ही नहीं सकती क्यों नहीं आ सकती तीनों मिल ही नहीं रही काट ही नहीं रही एक दूसरे को कहीं पे गलत है ना गलत हो जाएगा तीनों में यहां पर आ जाएगी तीनों में पॉसिबल है यहां पर दूसरी चाहिए स्क्वायर में और ट्राइ में स्क्वायर में और ट्राइ में यहां पॉसिबल है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न तीन डॉट है अब की बार तीन डॉट किस तरीके से पहली डॉट को ढूंढना है किस में सर्कल और स्क्वायर में सर्कल सर्कल में पहली डॉट सर्कल प्लस का स्क्वायर दूसरी डॉट तीन फिगर में है सर्कल में ट्राइंगल में स्क्वायर में ट्राइंगल में भी स्क्वायर में भी और सर्कल में भी तीसरी डॉट है आपकी ओनली ट्राइंगल और सर्कल ट्राइंगल और ओनली सर्कल ये आपके लिए आप करके बताओगे चेक करो फर्स्ट डॉट को ढूंढूंगा सर्कल और स्क्वायर में सर्कल और स्क्वायर में रखूंगा ना वो ट्राइंगल में चली गई और ट्राइएंगल में लानी नहीं है गलत सर्कल स्क्वायर में रखूंगा सर्कल और स्क्वायर में रखूंगा यहां जाएगी पॉसिबल है दूसरी चाहिए तीनों में तीनों में यहां आ जाएगी पॉसिबल है तीसरी चाहिए ट्राइंगल और सर्कल में ट्राइंगल और सर्कल में रखूंगा ना ट्राइ और सर्कल में रखूंगा तो वो अपने आप स्क्वायर में चली जाएगी गलत हो जाएगा तीनों में आ जाएगी यहां पर तीनों में एक वाली दूसरे नंबर की फर्स्ट वाली सर्कल और स्क्वायर में सर्कल और स्क्वायर में रखूंगा सर्कल और स्क्वायर में रखूंगा ट्राइंगल के भीतर बढ़ जाएगी गलत हो जाएगा तीनों में ढूंढूंगा तो तीनों में यहां आ जाएगी और एक चाहिए सर्कल और स्क्वायर में सर्कल स्क्वायर में यहां जाएगी एक चाहिए ट्राइंगल और स्क्वायर में तो वो यहां जाएगी परफेक्टली मैच कर गया डी वाला ऑप्शन परफेक्टली मैच कर रहा है चलो नेक्स्ट भाई ये क्या है जब प्रश्न आकृति दो स्थान 180 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगी तो वह किस प्रकार से दिखाई देगी पहचानो जल्दी से कौन सा विकल्प राइट होगा जब प्रश्न करती दो स्थान दक्षिणावर्त दो स्थान दक्षिणावर्त का अर्थ होता है दो स्थान दक्षिणावर्त घुमाना है तो पहले 90 डिग्री घुमाते हैं और वहां 180 डिग्री उसने बोल दिया यानी कि फिगर को क्लॉकवाइज में 180 डिग्री रोटेट करना है 180 डिग्री पहली बार में घुमाओगे ऐसे घूमेगी दूसरी बार में घुमाओगे ऐसे घूमेगी ये चीजें पहचाननी है बेटा आपको है ना ये चीजें पहचाननी है टोटल 180 घुमाना है कभी 180 180 सौ दोबारा घुमा दो तो वो तो एक 360 हो जाएगा जैसी है ऐसी की धरी रह जाएगी वो वो मत कर देना कह रहा है जब प्रश्न आकृति दो स्थान दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी तो वह किस प्रकार से दो स्थान करता है एक सौ डिग्री रोटेट करना है फिगर को एक डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाला पोर्सन इधर वाले पर आ जाएगा इधर वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा एक सौ अस्सी इधर तीन लाइन है वो इधर चली जाएंगी तीन लाइन तीन लाइन इधर आनी चाहिए तीन लाइन इसमें है इसमें नहीं है ये गलत इसमें नहीं है ये गलत ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री पर पूरा रोटेट करना है 180 डिग्री पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है जब प्रश्न आकृति दो स्थान 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगी तो कैसी दिखाई देगी घुमा दो 180 डिग्री घुमा दो 180 डिग्री तो इसी से आंसर निकाल पाओगे इसके अलावा नहीं निकाल पाओगे किसी से पहली बार में घुमाऊंगा इधर आएगा दूसरी बार में घुमाऊंगा इधर वाले पोर्सन पर इधर वाले पोर्सन पर दो लाइन आएंगी नहीं आ रही है इसमें गलत इसमें आ रही है इसमें नहीं आ रही गलत इसमें नहीं आ रही गलत बचा क्या सी ऑप्शन बचा क्या सी ऑप्शन ऐसे चीजों को ढूंढना है ऐसे चीजों को ढूंढना है आपके लिए ये क्वेश्चन दो मैंने करा दिए तीसरे को आप मुझे करके दिखा दो तो निम्नलिखित प्रश्न आकृति में एक प्रश्न आकृति तथा चार उत्तर आकृति दी गई है जब प्रश्न आकृति दो स्थान 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी तो वह किस प्रकार नहीं ये गलत है दो नहीं तीन स्थान लिखना है यहां पर तीन बार घूम रहा भैया रुक जाओ दो नहीं इसको सही करो करेक्शन है थोड़ा सा तीन स्थान तीन स्थान अर्थात 270 डिग्री नब्बे 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 नौतिया क्योंकि एरो लग रहा है तीन बार एक दो तीन तीन बार घुमाना है तीन बार तीन बार घुमाना है 90 90 डिग्री तो वो 270 ही बनेगा नौ या सत्ताइस होते हैं नौ या सत्ताईस होते हैं तो तीन स्थान घुमाना है तीन स्थान इसको घुमा दो भैया स्थान घुमा दो तीन स्थान दो तो सौ सत्तर पर रोटेट करोगे तो उसका अर्थ क्या हुआ भैया पहचानो तीन स्थान रोटेट करना है ये यहां से उठकर यहां आएगा फिर यहां उठकर जाएगा फिर यहां यानी यह ये दुण यह वाली फिगर यहां चली जाएगी ये वाली फिगर यहां पर चली ये वाली यहां पर चली जाएगी ठीक ऐसे इसको एक दो तीन ये इधर वाले पर आ जाएगी यानी कि कुछ ऐसे आएगी इस वाली को देखोगे एक दो तीन इस वाले पर चली जाएगी ऐसे आ जाएगी एक दो तीन है ना एक दो तीन ये आ जाएगी यहाँ इस वाले पर यह आपका ऑप्शन मैच कर लो कौन सा सही है ये आपका ऑप्शन भैया ये गलत हो गया और ये दोनों एक तरफ आने चाहिए ये गलत हो जाएगा दोनों एक तरफ आने चाहिए ये गलत ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दोगे बी को टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा बताओ क्या बी परफेक्टली राइट होगा ये मैंने गलत कर दिया रुको 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 ओ भैया बी कहां से ये तो गलत हो गया बी कहाँ से हो गया गलत है गलत है गलत है ये तो ऐसे आएगा ना हमारा तो ये तो ऐसे आएगा ना ये किस मारा ऐसे है सब कुछ गलत हो गया दिखा है सॉरी मैंने डायरेक्टली ऐसे रख दिया 90 डिग्री पर तीन बार रोटेट करना है है ना तीन बार तो कैसे लेकर चलोगे इन दोनों को लेकर चलो इन दोनों से आंसर आ जाएगा ठीक है ना ये पहले आएंगे इधर पोर्शन पर 90 डिग्री फिर आएंगे इधर वाले पर फिर आएंगे इधर वाले पर यानी कि ये चीजें दोनों ऐसे आएंगी है ना जो ऐसे दी थी ना अब जैसे इसमें ऐसे दी है और इसमें ऐसे दी है तो ये ऐसे आ जाएगी इसमें कुछ इस तरीके से आएंगी या नहीं आएंगी बस ये पहचान लो सर्कल इनके अंदर रहेंगे सर्कल इनके अंदर तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है भैया इसमें एक इधर की तरफ है एक इधर की तरफ गलत इसमें एक ऊपर की तरफ है ये गलत इसमें एक इधर की, इस की तरफ है एक इधर की तरफ ये गलत बाहर की तरफ अंदर की तरफ आएंगे ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी अंदर की तरफ रहने वाले हैं ये जो चीजें हैं ना ऐसे घुमाएंगे तो सर्कल अंदर फिर सर्कल अंदर और जब इधर की तरफ आऊंगा तो सर्कल अंदर की तरफ ही रहेंगे दोनों में सर्कल जो रहेंगे वो अंदर की तरफ रहेंगे अंदर की तरफ आएंगे फिर अंदर की तरफ फिर इधर से अंदर की तरफ तीन बार रोटेट करना है डी वाला सबसे बेस्ट है सर्कल दोनों के अंदर है फिर इधर वाले हिस्से पर दोनों अंदर की तरफ आ जाएंगे फिर नीचे वाले हिस्से पर दोनों अंदर की तरफ आ जाएंगे अब लेफ्ट वाले पर दोनों अंदर की तरफ आएंगे सर्कल ये बेस्ट है ये बेस्ट है चलो जी नेक्स्ट ये क्या कह रहा है नियम क्वेश्चन में दिया है नियम क्या दिया है बंद आकृतियां अधिकाधिक खुल रही है और खुली आकृतियां अधिकाधिक बंद हो रही हैं बहुत कम ये चीजें पढ़ाई जाती हैं पहले आपने शायद मुश्किल ही पढ़ी होंगी बहुत से स्टूडेंटों ने पहली बार ही पढ़ रहे होंगे इन चीजों को लेकिन आ, जरूरी है ठीक है ना पढ़ना जरूरी है कहीं ऐसा ना हो कि जो चीजें आपने ना पढ़ी हैं, फिर वो एग्जाम में आ जाए तो फिर परेशान हो जाओगे ठीक बंद आकृति अधिकाधिक खुल रही हैं जो भैया क्लोज फिगर हैं वो ओपन होती जा रही हैं और जो ओपन फिगर हैं वो क्लोज होती जा रही होंगी ठीक है बंद आकृतियां खुल रही हैं खुली आकृति बंद हो रही है तो बंद आकृति खुल गई खुल गई खुल गई ठीक है और ये सर्कल ट्राइंगल हो गया ये वैसे गलत हो गया बंद आकृति ओपन हो गई ओपन हो गई ओपन तीनों में सेम दिया नहीं होगा बंद आकृति एक हिस्सा ओपन एक हिस्सा ओपन, ओपन फिर एक हिस्सा खुली आकृति बंद होती जा रही है एक दो तीन चार परफेक्टली राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बंद आकृति खुलती जा रही है और खुली हुई आकृति बंद होती जा रही हैं। है सी में परफेक्टली मैच कर गया सी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ अट्ठारह ढूंढो इसमें आंसर क्या है आप लोग ही बताओगे मैं नहीं बताने वाला आप लोग ही बताओगे मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी बंद आकृति खुलती जा रही है देखो ये ये यहां पर खुल गई लेकिन यहां दोनों सेम रहने दी ये गलत होगा सर्कल थोड़ा सा ओपन हुआ फिर थोड़ा सा और ओपन हुआ थोड़ा सा और ओपन हुआ ठीक है लेकिन यहाँ स्क्वायर बंद जो था वो ओपन होना चाहिए था स्क्वायर तो ओपन नहीं दिया गलत है ये बंद आकृति ओपन होती जा रही है बंद आकृति भैया ट्राइ को देखूंगा थोड़ा सा खुल गया फिर थोड़ा सा और खुल गया फिर थोड़ा सा और खुल गया ये बंद आकृति थी स्क्वायर वाली ये थोड़ी सी ओपन हो गई फिर थोड़ी सी और ओपन हो गई फिर थोड़ी सी और ओपन हो गई ठीक है ये खुलिया आकर बंद होती जा रही है ये सिंगल डंडा था फिर ये दो डंडे हो गए फिर ये तीन हो गए फिर ये थोड़ा सा और बढ़ गया आगे की तरफ जाकर है ना ये थोड़ा सा और बढ़ गया तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है ऑप्शन नंबर सी डी नहीं होगा डी नहीं है देखो डी कैसे है भाई ये तो सेम ही दिया है रेक्टेंगल ये तो सेम ही दिया है खुलना तो चाहिए था ये नहीं होगा बेटा नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी राइट है सी पर बिल्कुल बेस्ट कंडीशन है नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये क्या कह रहा है आकृतियों का तार्किक क्रम तार्किक क्रम होता है उनको सिक्वेंस में अरेंज करना है चीजों को सिक्वेंस में जिसमें कम चीज वो पहले जिसमें ज्यादा चीजें वो लास्ट में कम कम का अर्थ क्या है इसके सिर पे तो बाल भी है ये गंजा है इसके सिर पे बिल्कुल सपट मामला है इसके सिर पे थोड़ा बहुत कुछ है तो सबसे पहले तो ये आएगा भैया सबसे पहले आएगा सी नंबर का सी के बाद इसके सिर पर भैया झोपड़ी सी आ गई बी नंबर अब झोपड़ी ब्लैक हो गई डी नंबर और ऊपर इसके भैया बाल से भी आ गए ए नंबर सी बी डी ए सी बी डी ए सी बी डी ऑप्शन नंबर ए, ए। क्रम में लगाना है सीक्वेंस में पहले कम चीज फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा ऐसे सीक्वेंस में अगला प्रश्न इसका आंसर आप बता दो इसमें क्या है वो सिंगल है देखो तो डी सबसे पहले आएगा उससे थोड़ा सा माल इसमें ज्यादा है भैया समझ रहे हो उसमें तो नीचे बॉक्स केबल और इसमें बॉक्स के साथ साथ ऊपर भी बॉक्स आ गया नीचे लाइन भी आ गई एक्स्ट्रा चीजें जिसमें है इससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें है क्योंकि अंदर एक और बॉक्स आ गया तो फिर ए आएगा और इससे भी ज्यादा इसमें है क्योंकि अंदर स्क्वायर भी आ गया ऊपर इसके छत पे ट्रायंगल भी आ गया डी बी ए सी डी बी ए सी डी बी ए सी ऑप्शन नंबर ए डी बी ए सी नेक्स्ट चेक करो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दिए गए दिए गए उत्तराकृतियों में से वह उत्तराकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति के पीस काटे जा सकते हैं भैया कौन से वाले को बना सकते हो इन टुकड़ों से मिलाकर पहला नंबर रोमबस दूसरा राइट एंगल ट्राइ एंगल तीसरा ये वाला चौथा ये वाला पांचवा ये वाला ढूंढ सकते हो क्या कहीं पर रोमबस ये मिल गया पहले नंबर का और ये वाला ट्राइ एंगल तीन नंबर का यहाँ मिल गया चौथे नंबर की फिगर ये मिल गई नाइन्टी डिग्री वाला ये मिल गया दो नंबर और ये पांचवा नंबर का ये मिल गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है इन पे नंबर लिख लेना कैसे नंबर लिखोगे देखो जरा पहले नंबर का रोमबस ढूंढूंगा दूसरे नंबर का राइट एंगल ढूंढूंगा तीसरे नंबर का सिक्सटी डिग्री वाला चौथे नंबर का ये वाला और पांच नंबर का ये वाला ढूंढूंगा कहां पर मिलेगा फर्स्ट रोमबस ये मिल गया देखो थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है ये रोमबस हो जाएगा ठीक दूसरे नंबर का नाइनटी डिग्री वाला नाइन्टी डिग्री वाला यहां पर यह रहा नाइनटी डिग्री तो है देखो दूसरे नंबर का नीचे मिल गया तीसरे नंबर का ये मिल गया ट्रायंगल, चौथे नंबर की फिगर ये मिल गई पांचवें नंबर की फिगर ये मिल गई ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा फिगर फॉर्मेशन कहते हैं ठीक है फिगर फॉर्मेशन नेक्स्ट इन टुकड़ों से कौन सी आकृति को बनाया जा सकता है प्रश्न आकृति में जो टुकड़े दिए हैं पे भी नंबर लिख लो ऐसे ही पे नंबर लिख लो ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव कौन से में बन जाएंगी ये सारी की सारी वन ऊपर वाला ये मिल गया थ्री नीचे वाला ये मिल गया राइट right में दो नंबर वाला ये मिल गया और लेफ्ट में लेफ्ट में भैया पांच नंबर ये रहा और चार नंबर ये रहा परफेक्टली राइट right है यहां भी ऑप्शन नंबर ए यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर एक बताओ फटाफट से चेक करो जल्दी से कौन सा विकल्प राइट होगा देखो भाई अब क्या क्या कह रहा है इन सब से मिलाकर कौन सी फिगर बन सकती है सबसे मिलाकर पहचानना जरा पहचानना कौन सी वाली बन सकती है ये वाला ट्राइंगल ढूंढो पहले तो मिल रहा है कहीं पर ये रहा मिल गया ठीक इसके बराबर वाला ये भी चाहिए ये मिल गया भैया बराबर वाला कोई नहीं रोक सकता ठीक अब ये दोनों चाहिए तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं देखो परफेक्टली मिल रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से ये उल्टा ट्राइंगल यहां पर आ गया बिल्कुल आ गया और सर्कल इस ट्राइंगल के अंदर सर्कल यहां पर आ गया ओ भाई ऑप्शन नंबर ए ही बना ऑप्शन नंबर ए ही बना बहुत सुंदर नेक्स्ट आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करना इस हिस्से पर इस हिस्से पर कौन सी फिगर आएगी इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी फिगर आएगी यह है फिगर मैट्रिक्स फिगर मैट्रिक्स बताओ जल्दी से चेक करो स्पीड के साथ ये कौन है ऊपर दिखाना ऊपर ऊपर चलो अमित कुमार बेटा एक मैंने मूवी देखी थी पता नहीं कौन सी साउथ की मूवी थी, थी थोड़ा सा ए, गांव छोड़कर जाते रहते हैं लोग कुछ तो जो गांव के बाहर दुकान होती है वो कहता है कि आज मिलाकर कुल 350 हो गए जाने वालों की संख्या जाने वाले को कोई रोक पाया है क्या जो जा रहा है जाने दो है तो तुम भी वही काम कर रहे हो तुम पढ़ाई पर तो ध्यान दे नहीं रहे तुम ये देख रहे हो गुरु जब से मैसेज देख रहा हूं मैं इसके अजी दो बालक चले गए जी पच्चीस सौ चले गए जी अट्ठाईस सौ चले गए जी तीन हजार चले गए ये उनकी गिनती करने पर लग रहा है ये क्वेश्चन भी नहीं कर रहा एक क्वेश्चन भी नहीं कर रहा वाह क्या बात है, है? चलो प्रश्न आकृति को पूरा करना है चलो जी कर दो पूरा कैसे कैसे करोगे प्लस 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 तीनों सेम बीच में लाइन बीच में लाइन बीच में लाइन फिगर के अंदर फिगर फिगर के अंदर फिगर फिगर के अंदर यहां फिगर ही आएगी पर दोनों सेम नहीं आएंगी क्योंकि यहां स्क्वायर के अंदर क्या था सर्कल था तो दोनों सेम तो आएंगे नहीं सिंगल आएगा नहीं और यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसको अलग हटाकर बनाना था इस पर ही नहीं बनाना बेस्ट है, सी वाला बिल्कुल है। Next, कितना अच्छा क्वेश्चन है नीचे वाला हिस्सा यहां दिया नीचे वाला हिस्सा यहां दिया नीचे वाला हिस्सा यहां दिया अब क्या किया उसने नीचे वाला ये रखा नीचे वाला ये रखा नीचे वाले को यहां रख देना नीचे वाले को यहां पर रख देना दो को यहां पर रख दूंगा ऊपर वाले हिस्से को पलट कर रख दिया ऊपर वाले हिस्से को पलट कर रख दिया ऊपर वाले हिस्से को पलट कर रख दो अब ऊपर वाले हिस्से को पलट कर रखोगे अब ये जो लाइन ऐसे जा रही थी वो अब ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी कुछ ऐसे आएगी ना सॉरी ऐसे ऐसे जो ऊपर वाले हिस्से को देखो ऊपर वाला हिस्सा जो था ना ये ऊपर वाला हिस्सा इसको पलट कर रख दिया यहाँ पर उल्टा करके इस ऊपर वाले हिस्से को पलट कर नीचे रख दिया ऐसे रख दिया पलट कर इसके सिर पर अब ऊपर वाले हिस्से को तो ये लाइन जो ऐसे जा रही थी तो वो अब ऐसे आएगी ये आ गई ऐसे ये वाली लाइन ऐसे थी तो वो ऐसे आ जाएगी और नंबर कितना है एक नंबर बस खत्म कहानी खत्म कहानी फर्स्ट वाला गलत सेकंड वाला गलत थर्ड वाला परफेक्टली राइट ये भी गलत थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा बिल्कुल शानदार नेक्स्ट समान गुणधर्म वाली आकृतियों का चयन करो समान गुणधर्म का अर्थ है एक जैसी एक जैसी आकृतियों को उठा उठा कर रखना है और ग्रुपिंग फिगर बोल देते हैं हम ग्रुपिंग ऑफ फिगर समान गुणधर्म वाली आकृतियों का चयन करो देखो भाई ये आधा व्रत है आधा व्रत है आधा व्रत तो और कहीं है नहीं लेकिन ये ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है ये तो दो छ आठ का पेयर बन जाएगा दो छ आठ का है ना चार भुजा चार भुजा चार भुजा चार सात नौ का बना दूंगा चार सात नौ का पेयर बन जाएगा चार सात नौ का तो ऐसा ही ढूंढना है दो छ आठ होना चाहिए दो छ आठ होना चाहिए दो छ आठ चार सात नौ ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शानदार नेक्स्ट समान गुणधर्म वाली आकृति ढूंढनी है भैया ढूंढना जरा कौन सा सबसे बेस्ट होगा सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है फटाफट से बताओ चेक करो जल्दी से यहाँ देखो इसमें कितनी लाइन है देखो एक और एक दो एक और एक दो एक और एक दो तो मैं कह सकता हूं कि वन टू थ्री का पेयर बन जाएगा मैं कह सकता हूं कि वन टू थ्री का पेयर बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये दो दो लाइन वाले थे इसमें कितनी लाइन एक दो तीन तीन लाइन एक दो तीन तीन लाइन वाला एक दो तीन तो दो पांच छह का बनेगा तो एक दो तीन एक दो तीन वाला बनेगा और चार पांच छह वाला बनेगा और सात आठ नौ वाले में सब में चार चार लाइन है ऑप्शन नंबर ए राइट है नेक्स्ट थ्री डी आकृति का टू डी प्रारूप क्या होगा इस थ्री डी आकृति का टू डी प्रारूप क्या होगा थ्री डी में आपको फिगर दी गई है जब आप इसको टू डी में देखोगे यानी कि टॉप व्यू ऊपर से जब इसको देखोगे तो कैसी नजर आएगी किस विकल्प की तरह ये आपको दिखाई देगी किस विकल्प की तरह नजर आएगी 3D आ करती है जब इसको आप ऊपर से देखोगे ऊपर से टॉप से तो आपको एक कैसी नजर आएगी पहचानो एक लाइन में देखो एक दो तीन चार चार है और इस लाइन में एक दो तीन है ये चीज पहचाननी है बस है और एक चौथा ये रहा चार चार इधर चार इधर वे में और चार इधर वे में ये आपका ऑप्शन होगा एक दो तीन चार एक दो तीन चार है ना भाई जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो आप देख रहे हो एक तो फ्लोर ये रहा इसके बराबर में एक और है अब इस पर दो मंजिला इमारत तो, तो दिखेगी तो ऊपर की एक ही अरे साइड वाला दिखेगा बस तो ये चार एक ही उसमें दिखाई देंगे एक दो तीन चार ऐसे अब इसके वो बीच वाले हिस्से पर यहां एक चीज है और फिर नीचे आ गए दो और बने हुए हैं तो ये एक दो तीन चार एक दो तीन चार कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न 125 फिर से बताओ क्या है 125 में क्या है 125 में कौन सा है भाई 125 सौ पच्चीस ये yeah. है अरे भैया मेरे ये ऊपर वाली फिगर को काट के इसके ऊपर रख दिया ऊपर वाली फिगर को काट के इसके ऊपर रख दिया ऊपर वाली फिगर को काट के इसके ऊपर रख, रख दो उल्टा करके अरे ये जो बॉक्स था भाई मेरे दर्पण आप कह सकते हो जल प्रतिबिंब इस फिगर का जल प्रतिबिंब बनाओगे तो ये कुछ ऐसे नजर ना आएगा मुझे ये तो बता दो सॉरी इधर बना देता हूं ये जो फिगर है ये जो फिगर है जब आप इसको जल में देखोगे तो भैया ये कुछ ऐसे नजर ना आएगी ऐसे नजर ना आएगी ऐसे है ना जब इसको नीचे की तरफ छापोगे तो मैंने ऐसे ही तो बनाया इसको खत्म वाटर इमेज बनाई हुई है इसका टू डी प्रारूप क्या होगा तो पहचानो एक दो तीन चार चार हैं एक साइड में ऊपर की तरफ एक दो तीन चार बीचों बीच कितने हैं एक दो और हैं एक दो तीन और हैं एक तरफ तो दो आ जाएंगे और एक तरफ तीन आ जाएंगे एक दो और एक और आएगा नीचे तीन और इधर कोने पर ये कौन सा वाला है फिर ये इसके बराबर में यानी कि इस चार के बराबर में यहां पर आ जाएगा कुछ इस तरीके के पहचानो पहचानो कौन सा सबसे बेस्ट होगा और इधर तीन थे तो यहाँ तीसरा इधर भी आएगा तीसरा इधर भी आएगा क्या फर्स्ट वाला राइट है फर्स्ट वाला एक दो तीन चार इसके ऊपर थोड़ी ना आएगा गलत हो जाएगा इसके ऊपर थोड़ी ना आएगा ये गलत हो जाएगा अगला वाला पहचानो अगला वाला पहचानो कौन सा है चार एक तरफ आने चाहिए एक दो तीन चार ठीक है फिर तीन आने चाहिए एक दो तीन फिर दो आने चाहिए एक दो और फिर ये दो छोड़ छोड़कर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ऊपर दिखाना ऊपर डिंपल डिमपीपाल सॉरी ये समझ में नहीं आ रहा टू डी और थ्री डी मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से देखो इसमें क्या है ये ये एक मंजिल है ये मानकर चलो ये फ्लैट बने हुए हैं बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग को जब हम ऊपर से देखेंगे तो उसको कैसे हम मैप में कैसे डिजाइन कर सकते हैं उस थ्री आकृति का टू मैप बनाना है तो उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं भाई ये इसके ही तो ऊपर है तो आप देखोगे एक दो तीन चार बॉक्स है एक तरफ एक दो तीन चार ऐसी तो डिजाइन करूंगा इसको ये तो इस पर ही आ गया ना इसके ऊपर ही तो बना हुआ है तो ऊपर से तो ऐसे ही दिखेगा फिर आगे की तरफ उतर कर आऊंगा तो तीन है एक दो तीन है तीन बना देना ये आगे एक दो तीन आगे और नीचे चलकर आऊंगा तो इसके नीचे बस यहाँ पर ये है एक ये है एक ये है दो है एक ये है और एक ये है एक ये वाला बॉक्स एक ये वाला इसके आगे एक बॉक्स और है इसके आगे एक बॉक्स और है अरे इस कोने पर है इस कोने पर है तो ये यहां पर आ जाएगा बस ऐसा उठा देना है ऑप्शन नंबर बी राइट है बिल्कुल ये है किस उत्तर आकृति के टुकड़ों से प्रसन्न आकृति प्राप्त होगी किस उत्तर आकृति के टुकड़ों से प्रश्न आकृति प्राप्त होगी फटाफट से बताओ चेक करो यहां सॉरी यहां आपको पहचानना है देखो सबसे पहले आप देखोगे एक और दो छोटे बॉक्स हैं और ये दोनों एक जैसे हैं ये दोनों एक जैसे हैं दो छोटे बॉक्स और दो एक जैसे बॉक्स चाहिए है ना पहचानो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा कौन सा विकल्प दो तो छोटे चाहिए ये मिल गए दो छोटे क्यूब है ना और दो एक जैसे चाहिए ये मिल गए दोनों एक जैसे और एक ऐसा खड़ा वाला चाहिए ऑप्शन नंबर ए राइट है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट नेक्स्ट इसमें क्या है पहचानो जरा एक तो छोटा बॉक्स है और एक नीचे ये है छोटा बॉक्स ऐसे पहचानो और फिर एक ये पूरा बड़ा वाला इसके जैसा दूसरा पूरा बड़ा वाला ये रहा और ये रहा बड़ा वाला इधर ये एल शेप वाला चाहिए क्यूब एल शेप वाला क्यूब ये रहा बिल्कुल मिल गया और एक छोटा ये रहा एक छोटा ये रहा दो छोटे ये रहे डी वाला ऑप्शन राइट डी वाला दिखेगा बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है इनमें चलो जी आखिरी चैप्टर है ये है आपका लास्ट लास्ट चैप्टर क्या है फिगर काउंटिंग फिगर काउंटिंग है काउंटिंग फिगर आकृतियों की गणना अब इसमें कौन कौन सी टाइप बनती है एक बनता है आपका सबसे पहला लाइन वाला लाइन वाला बताऊंगा उसके बाद ट्राइ उसके बाद स्क्वायर और फिर रेक्टेंगल काम खत्म सर लड़कियों के कमेंट्स देखते हो हाँ हाँ बिल्कुल लेडीज फर्स्ट नहीं सुना तुमने ऐसा कान के नीचे रैपटे लगाऊंगा बढ़िया वाले मनीष सुधर जाएगा आप मेरे भैया की तरह दिखते हो ये किसके भैया की तरह दिखल लगा भैया मैं मुझे ये तो बता दो श्री कृष्णा भैया आप मेरे भैया जी की तरह दिखते हो क्या मैं तुमको भैया जी बोल सकता हूँ हिमांशु चौधरी भैया ठीक है भैया मैं खुद ही तुमको भैया बोल रहा हूँ चलो जी अब हमारा चैप्टर है भैया फिगर काउंटिंग वाला तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें लाइन वाला उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ लाइन कैसे काउंट करनी होती है तीन तरीके की लाइन होती है हॉरिजॉन्टल एच लिखूंगा उसके लिए एच लिखूंगा कैसे हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखाएं जिनको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा क्षैतिज रेखा होती कैसी है ऐसे पड़ी हुई लाइन पड़ी लाइन ठीक दूसरी होती है वर्टिकल वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर होती हैं खड़ी लाइन इस तरीके की एक तीसरी होती है स्लेंट, स्लेंट लाइन स्लेंट लाइन होती है तिरछी रेखा कह है देते हैं हम इनको तिरछी रेखाएं, है ना तिरछी रेखाएं और ऐसे भी हो सकती हैं तिरछी ऐसे भी हो सकती हैं तिरछी वो तो तिरछी तो कैसे भी हो सकती हैं तो आपको सबका फर्स्ट अक्षर एच वी एस एच वी एस काउंट करना है क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ये इसका कॉन्सेप्ट है छोटा सा तो सबसे पहला हम क्या ढूंढेंगे भैया यहां एच वी एस की वैल्यू ढूंढेंगे एच कितना आया वी कितना आया एस कितना आया एच होता है हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि पहली लाइन ये रही हॉरिजॉन्टल दूसरी ये रही दो ही तो है छह तीज रेखाएं केवल और केवल दो ये कौन भी दिखाना जरा 125 में ए आएगा बहुत जल्दी याद आ गई ना पिटने का काम तो पूरा पूरा करते हो मजबूती के साथ करते हो पिटने का काम हाथ जोड़ रहा हूं भैया पढ़ ले सी आएगा तुम्हें लग रहा है ये आएगा कर देना ना एग्जाम में ऐसे ही आ जाओगे फिर पिट पिटाके मतलब तो 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 गलत करके ठीक है पिट पिटाके का अर्थ है यानी कि गलत करके आ जाओगे उसको इसको लगा लेना बता रहा हूं वरना धुनाई हो जाएगी धुनाई समझ तो में ना आ रहा है इसमें भाई इसका ये कर्व ऊपर की तरफ है तो इसमें कर्व नीचे की तरफ ना आ गया वाटर इमेज ना नजर आ रही इसमें वाटर इमेज में पागल इंसान बता रहा हूं सब कुछ बता रहा हूं करके भी दिखा रहा हूं वाटर इमेज बनाई हुई है अपनी तो चलानी तुमको अपनी और अपनी चलाओगे तो फिर मार खाओगे मार खाओगे ठीक है अपनी चलाओगे तो मार खाओगे फिर चलो एच की वैल्यू दो है वर्टिकल लाइन कितनी है वर्टिकल लाइन कितनी है इसमें उर्ध्वाधर खड़ी रेखा एक दो तीन तीन लाइन है तीन यहां लिख दूंगा एस सिलेंट लाइन यानी कि त्रियक रेखाएं, त्रियक रेखा कौन सी भैया पहले नंबर की ये रही दूसरे नंबर की ये पूरी जब तक खत्म ना हो जाए लाइन तब तक चलना है तीसरे नंबर की ये रही जब तक खत्म ना हो जाए चौथे नंबर की ये रही चार ऐसी आ गई ठीक है यहां लिख दूंगा चार प्लस और भी लिखूंगा अभी दूसरे दूसरी जो आएंगी तिरछी थोड़ी सी पहले नंबर की ये रही दूसरे नंबर की ये रही तीसरे नंबर की ये रही चौथे नंबर की ये रही चार ये आ गई तो टोटल मिलाकर कितनी होगी बेटा चार चार आठ तीन ग्यारह और दो तेहरे लाइन तेहरे लाइन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट फटाफट से गिन के बताओ स्पीड के साथ गिनकर बताएंगे सभी लोग एच वी एस एच वी एस गिनो एच वी एस गिनकर बताएंगे सभी लोग पहला एच दूसरा एच तीसरा एच चौथा एच पांचवा एच छठी एच लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितनी है बेटा वर्टिकल कितनी है पहली दूसरी तीसरी चौथी वर्टिकल के सामने चार लिख देना स्लेंट लाइन कितनी है तिरियक रेखाएं तिरिय रेखा ढूंढो तिरिय रेखा पहले ऐसी वाली ढूंढ लो एक दो तीन चार चार ये ऐसी आ गई इधर की तरफ जो झुकी हुई थी चार ठीक है फिर दूसरी वाली ढूंढ लो एक दो तीन चार चार इधर वाली हैं प्लस के चार 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 आठ चार, चार के बारह बारह और छह अट्ठारह टोटल मिलाकर कितनी हो गई 18. ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार नेक्स्ट स्पीड के साथ ये एग्जाम में पूछा गया है फटाफट से गिनकर बताओ इसमें कितनी लाइन है गिनो ये कौन सी जानकारी मांग रहा है अभी देखना जरा एच सी एम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डोमिसाइल में मम्मी के नाम गलत था क्या एग्जाम में सर्टिफिकेट लगेगा बनवा कर तैयार रहना बेटा कुछ भी हो सकता है थोड़ा सा नीचे करना बस एक सौ पच्चीस का डी आएगा एक सौ पच्चीस का डी आएगा भैया तुम कर लो भाई अपनी मर्जी से दो जो आप करना चाहो ठीक है ना जो आप करना चाहो आप कर लो मेरी मत सुनो तुम मेरी मत सुनो अपनी करो तुम अपनी करोगे करो तो ऐसी ही मार खाओगे ठीक है अपनी करोगे तो ऐसे ही मार खाओगे फिर चलो एच वी एस एच वी एस एच वी और एस सबसे पहले एच गिनो पहले नंबर की दूसरी है कहीं दूसरे नंबर की दो वर्टिकल है वर्टिकल उर्ध्वाधर उर्ध्वाधर भैया उर्ध्वाधर लाइन मुझे बस एक ही नजर आ रही है बस इसमें और तो कोई नजर नहीं आ रही कोई नहीं है एक लिख दूंगा स्लेंट लाइन गिननी है अब अब गिनिए सिलेंट लाइन गिनो भैया फटाफट से पहली ठीक दूसरी ठीक तीसरी ठीक चौथी बहुत अच्छे पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह आई बारह लिख देना बारह दो चौदह और एक पंद्रह ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट <coughs> अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक दो तीन तीन ऐसी आ गई तीन लिख देना अगली ढूंढो v की वैल्यू वर्टिकल एक दो तीन तीन ये आ गई स्लेंट गिनो तिर रेखाएं तिरियक रेखाएं एक दो तीन चार पांच और छ इसको आप करके बताओ इसको आप करके बताओ फिर टॉपिक चेंज करूंगा फटाफट से बताओ जल्दी एच वी एस एक दो तीन चार पांच और छ छः तो ये आ गई एच की वैल्यू सीधी देखो सीधी देखो एक दो तीन चार चार ये लिख देना अब तिरछी ढूंढो तिरछी ढूंढो पहले नंबर की दूसरे नंबर की तीसरे नंबर की चौथे नंबर की पांचवें नंबर की छठे नंबर की छई छह और चार सोलह छह बारह और चार सोलह सोलह इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां से आगे चलते हैं आपके ट्रायंगल, एंगल यहां से आगे चलता है भैया मेरे ट्रायंगल, एंगल की संख्या तीनों एक साथ रख दिए तीनों एक साथ रख दिए पहली टाइप का क्वेश्चन करना क्या होता है नंबर लिखने होते हैं वन टू जोड़ दो वन प्लस का टू जोड़ोगे थ्री हो जाएगा वन टू थ्री कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर होगा वन टू थ्री तीन दो पाँच और एक छः हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव पाँच चार नौ तीन बारह दो चौदह और एक पंद्रह हो जाएगा पंद्रह तीन छः पंद्रह तीन, तीन छ पंद्रह ऑप्शन नंबर बी तीन छ पंद्रह ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा नेक्स्ट इसका आंसर आप बता दो एक मैंने बताया अगले वाले का आप बता दो फटाफट से स्पीड के साथ स्पीड के साथ बता दो एक दो तीन तो इस लाइन पर आ जाएंगे एक दो तीन इस लाइन पर आ जाएंगे तीन और तीन छ तीन और तीन छ एक दो तीन तीन दो पांच और एक इस पर छह तो और अठारह वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा छ और अट्ठारह वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट होगा एकदम सुंदर नेक्स्ट इसका आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से इसका आंसर बताएंगे कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा पेन चलाना भी नहीं है माइंड में सॉल्व होगा ये तीन वाली फिगर होती है फिक्स है याद रखना ये दो फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीन इसमें होते हैं और ये आठ वाली फिगर क्योंकि ये एग्जाम में पूछी ही जाएंगी एक दो तीन चार चार दूनी आठ ये दो फिगर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन रोकना भाई मैं 125 वाले जितने भी है ना ये 125 वाले अगर सामने बैठे होते ना बजा देता तुम मैं समझ रहे हो 125 125 125 सौ पच्चीस चिल्ला रहे हो अभी बताऊंगा अब 125 को ही बताऊंगा मैं पहले सबसे पहले अब तुम आज मेरे हाथों से पिटोगे अब अब तुम इतनी ज्यादा मार खाने वाले हो मेरे हाथों से बता रहा हूं मैं तुम्हें अब क्योंकि तो पढ़ना है नहीं अपने अपने गीत गाने रहने तो बस कभी कभी ऐसा लगता है अपोनिची भगवान है <laughs> चलो भाई ये जो सर्कल था ना काट दिया इसने नीचे वाला नीचे ही रखा हुआ है इसमें कोई बदलाव नहीं है बेटा मेरे नीचे वाला नीचे ही रखा हुआ है इसमें कोई बदलाव नहीं है नीचे वाले को नीचे वाला ऐसे ही रखा रखे देना इसमें कोई बदलाव मत करना ध्यान से सुनना अब अब अच्छे से कान खोल लेना ढंग से नीचे वाली फिगर में कोई बदलाव नहीं है जैसी की है ऐसी की ऐसी मैंने उसको रख दिया तो ऐसा कैसा ही आएगा बिल्कुल सेम डिक्टो तो ये जो ये कह रहे हैं ना चौथा वाला होगा ये परमानेंट गलत हो गया नहीं हो गया ये कह रहे हैं चौथा वाला होगा एक अब ऊपर वाले हिस्से को भाई पलट दिया नीचे ऊपर वाले हिस्से को पलट दिया नीचे ऊपर वाले हिस्से को पलट दो ना नीचे पलटने का अर्थ है वॉटर इमेज अगर मान लो अगर मान लो ये चीज आपको दी गई है जब आप इसको पानी में देखोगे तो बेटा ये ऐसे दिखेगा दिख गया दूसरा वाला ये था दूसरा वाला ये था जब इसको पानी में देखोगे तो बेटा ये ऐसे दिखेगा मैंने क्या बताया टॉप बॉटम अब तीसरा वाला हमारा क्या है तीसरा वाला है ऐसे ऐसे ही तो है जब मैं इसको पानी में देखूंगा तो ये मुझे कैसे दिखाई देगा ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी दिखेगी या नहीं दिखेगी नो बता दो बस मुझे दिखेगी या नहीं दिखेगी बस अब पागल इंसानो मुझे इतना बता दो ये जो डी वाले थे ना ये उनको ही कह रहा हूं मैं बस जब इसको ऐसे नीचे छापोगे ऐसी तो दिखेगी भाई ये वाली चौच इस वाली चौंच से मिली नजर आएगी इसकी ये वाली चौच इस वाली चौथ से नजर आएगी अर्थ इसका सिर जो है वो नीचे पैर ये जो सिर था वो पैर बन गया ये जो सिर था वो पैर बन गया बन गया नहीं बन गया आई समझ में अभी भी नहीं आई हद होती है समझाने के बाद भी समझाने के बाद भी खूब परेशान कर रहे हो आप लोग ऐसे चलो सी वाला परफेक्टली राइट है मेरे भाई बिल्कुल ठीक ठाक है एकदम मजबूत स्थिति में है ठीक है कुछ खा पी लिया करो बादाम बादाम खाओ थोड़े बहुत ये जो 125 वाले थे ये बादाम बादाम खाओ भैया थोड़े बहुत ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था इसका आंसर बताओगे सभी लोग कौन सा विकल्प राइट होने वाला है कौन सा विकल्प राइट होने वाला है देखो भाई <coughs> ये तीन वाली फिगर है हम इसको कह रहे थे याद रखना तीन इसमें हो जाएंगे तीन इसमें छोटे वाले में और तीन इसमें बड़े वाले में है ना और तीन सबसे बड़े वाले में सबसे बड़े वाले पर भी तीन बनेंगे इस वाले टॉप है ना ये दो बार आएगा कभी सोचो गुरुजी इस वाले में गिने लाइन पर गिन रहा हूं लाइन पर ध्यान से सुनना तीन इस वाले में यहां तक हो जाएंगे और तीन इस वाले पर हो जाएंगे है ना तीन इस वाले पर और एक सबसे बड़े वाले पर तीन हो जाएंगे सबसे बड़े वाले पर तीन तीन चौके बारह तीन चौके बारह खत्म कहानी तीन चौके बारह ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट ये देखो भैया अगला क्वेश्चन फिर वही तीन तीन वाली ये सारी चीजें पूछी गई हैं एग्जाम में तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें छह इधर हो गए छह इधर हो गए थी निसमें। थी निसमें। छे, छे, तीन इसमें छ छह बारह तीन पंद्रह सोलह सत्रह ओवर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये आ गया वो ये आठ वाला जिसकी मैं बात कर रहा था ये आ गई वो फिगर आठ वाली अगर आठ वाली को दोनों को एक साथ मिलाकर रखते हैं तो कितने बनते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से सुनना आठ वाली फिगर ये है आठ वाली ये है मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि इसमें आठ ट्राइंगल होते हैं वन टू थ्री फोर और फोर का टू टाइम्स करेंगे आठ क्यों एक इधर बड़ा वाला एक नीचे की तरफ बड़ा वाला ऐसे इस पोर्शन पर एक इधर का बड़ा वाला एक इधर का चार और चार आठ हो जाते हैं और जब कभी भी इस आठ वाले दो फिगर को एक साथ मिलाकर रखते हैं तो भैया ये दो बड़े वाले बनकर आते हैं एक ऊपर वाला और एक नीचे बड़ा वाला तो जॉइंट पर हमेशा दो आएंगे जॉइंट पर हमेशा दो आएंगे ये इसका कॉन्सेप्ट है तो आठ इसमें आठ इसमें आठ इसमें ज्वाइंट पर हमेशा कितने आएंगे दो ज्वाइंट पर कितने दो आठ चौबीस चौबीस और दो छब्बीस और दो अट्ठाइस तीन वाली फिगर नीचे है। अट्ठाइस और तीन इकतीस अट्ठाइस और तीन इकतीस भागो नेक्स्ट पर स्पीड के साथ फिर से आठ आठ वाली फिगर फिर से आठ आठ वाली फिगर इतने पर ढूंढो बस केवल इतने पर ये रही आपके सामने आठ वाली फिगर बस उसको थोड़ा सा तिरछे रूप में रख दिया है कंफ्यूजन मत करना आठ वाली ये आठ वाली ये दो जोड़ पॉइंट पर दो जोड़ पॉइंट पर ऐसे ढूंढने आठ और आठ सोलह और दो अट्ठारह अट्ठारह के बाद तीन वाली ये हो जाएगी तीन वाली इससे ऊपर की तरफ हो जाएगी तीन और तीन छह कितने हो गए अठारह और छह चौबीस मैक्सिमम स्टूडेंट चौबीस की तरफ जा रहे हैं और मुर्गा बन जाओ चौबीस वाले सारे के सारे मुर्गा बन जाओ चाल चौबीस वाले वहीं बैठे बैठे और जब मम्मी पापा देखेंगे अरे यू मुर्गा कैसा बन रहा हो आज मुर्गा जी गुरुजी ने कही है अरे तो सवाल गलत करो होएगा बेटा है आठ और आठ सोलह और दो अट्ठारह तीन और तीन छह चौबीस तो हो गए अरे चौबीस के बाद वाले कौन गिनेगा बेटा चौबीस के बाद वाले ये आधा इसका और आधा इसका ये वाला इधर का और एक ये वाला इधर का बेटा इनको कौन गिनेगा दो और आ रहे हैं चौबीस प्लस के दो चौबीस प्लस के दो छब्बीस ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी सिक्स वेरी गुड नेक्स्ट पहचानो स्पीड में आंसर चाहिए स्पीड में बिना रुके फुल स्पीड में आंसर फुल स्पीड में आंसर तीन तीन वाली फिगर है अरे देखने में खतरनाक सी लगे होता बहुत आसान है क्वेश्चन होता बहुत आसान है तीन 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 और एक पूरे बड़े वाले पर तीन एक दो तीन चार ज्यादा बड़े नहीं हो गए थोड़े छोटे छोटे कर लिए जाए भैया तीन इस पर तीन इस पर और तीन इस वाले पर तीन इस वाले पर तीन इस वाले पर और तीन इस पूरे बड़े वाले पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तीनों अट्ठे चौबीस तीनों अट्ठे चौबीस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर, तुन्ते फोर गई ट्वेंटी फोर तक अट्ठाईस भी आ गया किसी का तो।, तुक्का तो मत मारो गिन लो कम से कम अब इसके बाद वाले एक तो ये बन रहा है ना ऐसी एक उधर का बन रहा होगा उधर साइड का ये वाला एक ये बन रहा होगा इधर साइड वाला ठीक है छब्बीस गलत है छब्बीस बिल्कुल गलत आंसर है हाँ, सबसे पहले एक बात मुझे बताओ तो सबसे पहले तो सर ग्यारह बजे से क्लास ले रहे हैं और घंटे आप लोगों के हो चुके हैं आपकी भी तारीफ और सर की भी तारीफ लगातार आपका रिवीजन करा रहे हैं अब आप मुझे ये बताओ कि आप इस हालात में हो कि चार बजे की क्लास ले पाओ क्योंकि ए, सुबह में मैंने एप्लीकेशन पर क्लास ली है और मेरी टेंशन छोड़ देना मैं स्टूडियो आ चुका हूँ क्लास लेने के लिए अगर आप इस हालात में हो कि क्लास ले पाओ और आपका नेट बचा हुआ हो तो मैं चार बजे की क्लास फिर लगाऊं और अगर आप इस हालात में नहीं हो तो मैं उस क्लास को हटवा दूं कल हम कंटिन्यू कर लेंगे बताओ एक पोल लगाना भाई यस और नो का पोल लगा दो बस ऊपर क्लास फोर पी एम लिख हाँ यस और नो भाई बिल्कुल सही जेनुन वो करना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं फर्जी में वहां खड़ा रहूँ और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो जितने भी दोस्त मेरे मौजूद हैं एक बार आंसर करेंगे <coughs> जिसका ज्यादा आ जाएगा वही हम लोग कर लेंगे यस वाले जो हैं वो अभी तक तिरपन परसेंट है छप्पन परसेंट नो वाले जो हैं वो चवालीस परसेंट चले फिर क्या दिक्कत है सत्रह बाईस दिखाना लाइव कितने हैं अड़तालीस सौ का पोलिंग होना चाहिए एक बार जितने लोग मौजूद हैं कम से कम ये ये तो कर दे कि हाँ क्या चाहते हैं यस वाला ही ज्यादा है सर तो ठीक है मिलते हैं फिर चार बजे फिर बीच में मत बताना कि चार से सात तक पूरी क्लास लूंगा बीच में यह मत कहना कि नेट खत्म हो गया लाइब्रेरी से तब जाना जब क्लास खत्म हो जाए ठीक है फिर मिलते हैं चार बजे ठीक है चलो भाई ठीक है तो चार बजे से पहले पहले मैं कोशिश करता हूं पौने चार तक आपकी क्लास को खत्म करने की ठीक है पंद्रह मिनट का आपको भी रेस्ट मिल जाएगा और फिर सर जो है चार बजे आपकी क्लास लेंगे तो उस चार बजे वाली क्लास को भी करना क्योंकि एग्जाम सर पर है बेटा देखो अब ये नेट और आपका टाइम इशू नहीं करता खाना पीना खाया है नहीं खाया है ये भी इशू नहीं करता एक दिन नहीं खाओगे रात को खा लेना ये समझ लो फास्ट है पूरे दिन का फास्ट है शाम को खा लेना क्लास करने के बाद मेहनत करनी है क्योंकि लास्ट समय चल रहा है आप भी जानते हो हम जब सारे टीचर आपके लिए पूरी जान लगा रहे हैं तो आपको भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा देनी है लास्ट के कुछ ही दिन तो बच रहे हैं उसके बाद तो फिर बल्ले ही बल्ले है, जिसका सिलेक्शन हो गया मौज लेगा भाई वो तो फिर समझ रहे हो तो पूरी मेहनत के साथ जुड़े रहो देखो सारे टीचर्स आपके साथ बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं आप भी बस हमारे साथ ऐसे ही लगे रहो मजा आ जाएगा ठीक है तो यहां पर ट्वेंटी फोर तो हमारे बन चुके थे तीन तीन छह तीन तिया नौ तीन चौक बारह तीन पंजे पंद्रह और तीन बड़े वाले पर तीन छिंग अठारह तीन सत्तर इक्कीस तीन, तीन चौबीस चौबीस के बाद पच्चीस वाई आया और छब्बीस वाई आया प्लस के दो ये और आ गए प्लस के दो ये और आ गए तो फटाफट से बताओ इसमें आंसर कितना हो गया ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन मत गिनो ये कह रहा है एक गुरुजी इस बड़े वाले को गिन लो वो इस तीन में काउंट हो गया इस तीन में काउंट हो गया तीन तीन छीन तिया नौ तीन चौके बारह तीन पंजे पंद्रह और तीन इस बड़े वाले पर वो गिना जा चुका है ठीक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ तीन और चौबीस क्या इन दोनों को मिलाकर कुछ बनेगा कुछ भी नहीं बनेगा बिल्कुल भी एक ये आएगा एक्स्ट्रा एक ये आएगा तो चौबीस और दो छब्बीस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागो भैया स्पीड के साथ नेक्स्ट पर फटाफट से ये अच्छा क्वेश्चन है इसको जल्दबाजी में गलत मत करना बिल्कुल भी बिल्कुल भी गलत मत करना वरना मार खा जाओगे फटाफट से देखो तीन वाली फिगर ये दिख रही है तीन वाली फिगर इससे ऊपर दिख रही है तीन वाली फिगर यहां तक दिखेगी इस लाइन पर तीन वाली यहां पर दिखेगी अब इधर आ जाओ तीन वाली फिगर ये रही इससे ऊपर चलूंगा तीन वाली ये इससे ऊपर चलूंगा यहां तक इस लाइन पर तो तीन तीन वाले तो रेज के ही आ गए रेज के कार थे बहुत सारे है एक दो तीन चार पांच छ सात तो तीन गुणा सात कर देना तीन सत्ते इक्कीस इक्कीस तो यही हो गए अब देखो इक्कीस के बाद वाले ऊपर का काम खत्म दोनों को मिलाकर एक बन रहा है बस बाकी बाकी कुछ नहीं बन रहा केवल एक बनेगा केवल एक बनेगा इसके अलावा नहीं बन रहा कुछ भी क्योंकि ये लाइन अलग है वो लाइन अलग है ये लाइन अलग है वो लाइन अलग है तो केवल एक बन रहा है इक्कीस प्लस का एक बाई स्टॉप वाला अब नीचे वाले हिस्से पर आ जाओ नीचे वाले हिस्से पर मैं देखूंगा तो नीचे वाले हिस्से पर यहां से यहां तक एक तो ये हो गया ठीक बेटा दूसरा यहां से दूसरे पेन से बनाता हूं दूसरा दूसरा यहां से और यहां तक ये यह गया दूसरा ये आ जाएगा ठीक है तीसरा क्या ये बनेगा ये ट्राइंगल नहीं है क्यों क्यों नहीं है ये ट्राइंगल ये कभी कोई ट्राइंगल नहीं होता ये कभी कोई ट्राइंगल नहीं होता ऐसा ये ट्राइंगल होता है क्या क्योंकि यहां लाइन में बेटा गैप है ध्यान से देखो ये लाइन यहां आ रही है और ये लाइन फिर यहां नीचे जाकर मिल रही है थोड़ा सा गैप है तो इसको आप ट्राइंगल का रूप नहीं दे सकते बस ये दूसरा ये बनेगा इधर वाला ऊपर वाला एक दो और एक तीसरे नंबर का बेचारा इधर वाला बने ठीक मेरे भाई कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को तो ये जो इसको ट्राइंगल में गिन रहे हैं वो मूर्खता कर रहे हैं यहां पर इस बात को लेकर क्योंकि ये ट्राइंगल नहीं है कि इस लाइन को पहचानो सत्ताईस नहीं इक्कीस और एक बाईस बाईस के बाद तीन और आए पच्चीस इसका आंसर होने वाला है ट्वेंटी फाइव इसका आंसर होने वाला है ट्वेंटी फाइव क्योंकि यहां थोड़ा सा गैप है ध्यान से देखो इस चीज को नेक्स्ट अगला प्रश्न इससे भी शानदार अगला प्रश्न इससे भी शानदार तीन 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 या नौ तीन चौके बारह तीन तीन ये उल्टा बन रहा है तीन है ना और ये नीचे है सीधा सीधा तीन चौके बारह बारह के बाद ढूंढो तेहरा चौदह है। पंद्रह है। सोलह बड़ी आसानी से बन गए सोलह बड़ी आसानी से बन गए सोलह खत्म कहानी सोलह पर नहीं और ढूंढो सोलह पर मत रुक जाओ बस सोलह पर रुक जाते हैं अरे बेटा इसको कौन गिनेगा इसको कौन गिनेगा ये ट्राइंगल ना नजर आ रहा बताओ मुझे ऐसे ही एक उधर नजर आ रहा होगा दूसरी तरफ ऐसे ही नजर आ रहा होगा एक ये रहा प्लस के दो अट्ठारह ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट भैया ये क्या चीज है ये कौन सा उडन खटोला सा है ऐसा ना लग रहा आसमान से कोई स्पेस से उतर कर आई हो अंतरिक्ष में से चलो जी देखो जरा फटाफट से देखो क्या आंसर है इसका चेक करो फटाफट से क्या आंसर होने वाला है पहचानो देखो इसको थोड़ा साइड में बना ओ भाई इसको थोड़ा साइड में बना देते हैं पहले इसको सीख लेते हैं यही चीज है ना अंदर देखो यही चीज है ना अंदर इसमें देखो रेड पेन से बना रहा हूं ये देखो यही चीज है ना इतनी इतने वाले में काउंट कर लेते हैं हम सबसे पहले तीन इधर तीन इधर तीन इधर है ना ये तीन वाली फिगर इस पे तीन और इसपे तीन ठीक तीन तिया नौ नौ के बाद पार्टीशन कितने बन रहे हैं इसमें है ना पार्टीशन का अर्थ है इसके ये माध्यिका है त्रिभुज को दो हिस्से में बांट देगी इधर का इधर का पूरा फिर दूसरी माध्यिका इसमें ये वाली है ऊपर का पूरा नीचे का पूरा और तीसरी माध्यिका इसमें वाली वाली है ये वाली। इधर का पूरा इधर का पूरा तो दो तिया वो हो जाएंगे दो तिया तो तीन तिया नौ नौ प्लस के छ्रह पंद्रह प्लस का एक सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला सोलह तो अंदर ही हो गए अब उस सोलह के बाद वाले जो एक्स्ट्रा बने बेटा उस सोलह के बाद वाले एक्स्ट्रा ये बन रहे हैं तीन फिर ये बन रहे हैं तीन एक्स्ट्रा तीन नीचे वाले पर मत जाना क्योंकि उसको तो हम काउंट कर चुके हैं उसको तो हम काउंट कर चुके हैं तीन और तीन एक्स्ट्रा और बनेंगे नौ छह एक सोलह और उधर आ गए उधर आ गए तीन और तीन छोलह और छाइस सोलह और छईस बाईस के बाद एक छुटकू इधर साइड में है और एक छुटकू इधर साइड में बाकी तो सर कर्व पे है कर्व पे कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता तो सोलह तीन उन्नीस तीन बाईस बाईस और दो चौबीस बाईस और दो चौबीस ऑप्शन नंबर तीन ऑप्शन नंबर तीन जो है वो हमारा बिल्कुल राइट होगा ये आप जानते ही हो इसका आंसर आप सभी लोग भली भांति जानते हैं भैया रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार पूछ लिया जाता है दो बेस होने पर तीन दो बेस होने पर कितने होते हैं बताओ फटाफट से भाई अगर मान लो बेस पर दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं एक ट्रायंगल दूसरा एक दो तीन चार और एक पांच तो ये चीज होती है दो पर पांच होता है तीन पर तेरह होता है चार पर सत्ताईस होता है पांच पर अड़तालीस होता है छह पर अठहत्तर होता है इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो या इसकी ट्रिक भी है ट्रिक भी आप जानते हो सभी लोग तो बेस पर कितने है? एक दो तीन चार चार पर कितना होता है फिक्स है ट्वेंटी सेवन गिनना चाहो गिन सकते हो जो लोग चाहते हैं कि जी हमें तो गिन के बता दो तो गिनोगे कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन सोलह तो नॉर्मल हो गए पहले चार अगले चार अगले, चार अगले चार अगले चार अगले चार अगले चार अगले चार ऐसे ये कैसे ये कैसे पहले चार अगले चार अगले चार अगले चार अगले चार और अगले चार तीन दो पाँच और एक छः, छः ये आ गए, छोलर छः बाईस बाईस के बाद फिर तीन वाले तेईस चौबीस पच्चीस और एक पूरा बड़ा वाला छब्बीस और छब्बीस के बाद एक हो जाएगा उल्टा वाला सत्ताईस, ट्वेंटी सेवन होते हैं फिक्स है फिक्स एक सौ छियालीस का तेईस होगा तेईस नहीं है बेटा चौबीस है पूरा पूरा चौबीस है पूरा चौबीस फिक्स है पूरा चौबीस तेईस नहीं होगा नेक्स्ट ये वर्तमान समय में सी एच एस एल के एग्जाम में पूछे गए हैं वर्तमान समय में बिल्कुल आसान आसान से टुच्चे टुच्चे से सवाल है ये चार पांच क्वेश्चन वहां से पूछे हैं मैंने वहां से रख दिए ताजे ताजे ये पहले नंबर का ये दूसरे नंबर का ये तीसरे नंबर का ये चौथे नंबर का ये पांचवे नंबर का ये छठे नंबर का ये सातवें नंबर का ये आठवें नंबर का खत्म हो गए पूरे हो गए पूरे टोटल मिलाकर कितने हो गए टोटल मिलाकर कितने हो गए आठ आठ आ गया सबका आंसर है ना आठ आ गया ना सभी का आठ से अलग किसी का आठ से अलग किसी का एक तो ये बनेगा देखो देखो मतना अच्छे ढंग से एक तो ये बनेगा ठीक आठ <laughs> के बाद नौवे नंबर का तो ये हो गया और एक बनेगा एक बनेगा इस पे एक ये बनेगा ये दसवें नंबर का हो गया दस ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट और जो ये गलत कर दिया ना फिर समझ लो आज तुमको फिट बना दूंगा ये गलत कर दिया किसी ने भी इसका बताओ अगले वाले का अब छ सात नौ आठ छ वाले भी हैं सात वाले भी हैं आठ वाले भी हैं भारत भैया अच्छा एक एक, एक इंसान तो ऐसा कि पहले पहली बार में तो लिख के भेजेगा मैसेज में दूसरी बार में सात लिख के भेजेगा तीसरी बार में आठ लिख के भेजेगा और फिर पांच लिख के भेजेगा एक तो सही बनेगा एक ही इंसान दो दो तो तीन तीन कमेंट कर देता है अजी कोई सा तो सही बनेगा अरे बड़ा आसान है एक दो तीन चार पांच छ सात इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें सात है खत्म कहानी इसके अलावा कुछ है ही नहीं नॉर्मल चीज थी बिल्कुल नेक्स्ट लो भैया सेब खाने का मन कर रहा होगा सेब खा लो सेब का मौसम भी चल रहा है ट्राइ एंगल पूछे है समय। सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ट्राई एंगल पूछे हैं। सेब में ट्राइ एंगल <laughs> चलो कहां से स्टार्ट करूं भैया वन कौन सा वाला बस इतना टू ठीक इस पर टू लिख दू अब टू लिखू कहां पर तू ऐसे लिख देता हूँ भैया थ्री ठीक जी और इधर आ जाओ थ्री के बाद ये वाला फोर कोई दिक्कत देखो चार तो बड़ी आसानी से बन गए चार तो बड़ी आसानी से बन गए सिंगल सिंगल गिनने पर अब चार के बाद वाले ढूंढूंगा चार के बाद अगर मैं कहूं आपसे एक प्लस का ये खाली वाला जो है अब एक प्लस का खाली वाला कैसे है वो देखो ये एक के साथ इधर खाली वाले पर जाऊंगा तो क्या ये ट्राइंगल नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा ठीक ऐसे ही में दो के साथ खाली वाले पर जाऊंगा इस दो के साथ इस खाली वाले पर जाऊंगा तो ये भी ट्राइंगल बनेगा है ना और मैं तीन खाली और एक के साथ जाऊंगा तो एक ये भी बनेगा यहां से ये वाला पूरा बड़ा ये वाला पूरा बड़ा तो तीन प्लस के ये आ गए चार हमारे नॉर्मल थे चार हमारे नॉर्मल थे तीन और आ गए तीन और आ गए तो चार और तीन सात खत्म कहानी ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट अगला प्रश्न एक और क्वेश्चन इसी इसी के जैसा इसका तो आंसर फटाफट से आ जाना चाहिए स्पीड में कितने ट्रायंगल हैं हाउ मैनी ट्रायंगल्स तीन वाले साफ नजर आ रहे हैं तीन वाले साफ नजर आ रहे हैं तीन तीन छ सातवें नंबर का ये आठवें नंबर का ये पूरा हो जाएगा है ना आठवें नंबर का पूरा और एक नौवें नंबर का ये पूरा और एक दसवें नंबर का, दस का यहां से यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी तो नौ नौ आ रहे हैं अभी तो देखो अरे तीन तो इसमें हो गए तीन इसमें हो गए एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा ये वाला है तीन तीन छ तीन तीन छो आठ आठ के बाद आठ के बाद एक तो ये बन रहा है यहां से यहां तक नौवे नंबर का और एक बन रहा है आपका भैया कहां से कहां तक यहां से यहां तक ये यह दसवें नंबर तीन प्लस के तीन छः प्लस के दो आठ और दो बड़े वाले आठ और दो दस ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी यहां से आगे चलते हैं हम स्क्वायर पर ट्राइंगल फिनिश स्क्वायर पर आ जाओ स्क्वेयर यानी कि वर्ग वर्गों की संख्या क्या ट्रिक है वर्ग कैसे गिनते हो वर्ग कैसे गिनते हो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर दोनों तरफ के नंबर इक्वल है तो स्क्वायर कर दो फोर का स्क्वेयर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर काउंट कर लो चार चौके सोलह तीन तिया नौ दो दूनी चार एक एक सोलह नौ पच्चीस चार उन्तीस और एक तीस टोटल मिलाकर कितने हो गए तीस हो गए ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी स्पीड के साथ भैया इतने बड़े वाले में गिन के बता दो इतने बड़े वाले में नंबर ही लिखने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दोनों तरफ के नंबर इक्वल है स्क्वायर कर देना या आपने मैथ में सीखा होगा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ना प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स ये भी लगा सकते हो वरना सबका स्क्वायर करके कर लेना मर्जी आपकी है एन होता है बड़ा नंबर आठ आठ में एक जोड़ूंगा आठ और एक नौ हो जाएगा आठ दूनी सोलह और एक सत्रह हो जाएगा बटे में क्या करना था छह करना था तीन दूनी छह तीन तिया नौ दो चौके आठ चार चारिया बारह बारह सत्य चौरासी और बारह आठ बीस दो सौ दो सौ चार दो सौ चार हमारा आंसर है वरना वर्ग करके कर लेना आठ का वर्ग चौसठ सात का वर्ग उनचास छह का वर्ग छत्तीस पांच का वर्ग पच्चीस चार का वर्ग सोलह तीन का वर्ग नौ सबको जोड़ देना आंसर आएगा 200, 4, 204, हंड्रेड फोर दो नेक्स्ट जब नंबर अलग अलग हो यानी कि दोनों तरफ का नंबर इक्वल ना हो दोनों तरफ का नंबर इक्वल ना हो इधर वन टू थ्री फोर दोनों तरफ के नंबर अलग अलग हों तब कैसी सिचुएशन क्रिएट होगी बड़े बड़े नंबर ले लो दोनों तरफ के उधर वाला बड़ा नंबर इधर वाला बड़ा नंबर पांच चौके बीस एक एक कम करते चले जाओ पांच में से एक गया चार चार में से एक गया तीन चार चारिया बारह चार में से एक घटाओगे तीन तीन में से एक घटाया दो तीन दोनी छ तीन में से एक घटाया दो दो में से एक घटाओगे एक दो एकम दो यहां पर रुक जाना क्योंकि एक आ चुका है क्योंकि एक में से एक घटाऊंगा तो इधर जीरो आएगा और एक में जीरो की गुणा करोगे तो जीरो तो इसका कोई तो मतलब नहीं रह जाता ठीक है बस यहीं तक रुक जाना बीस और बारह बत्तीस छह और दो चालीस तो ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन नंबर एक परफेक्टली राइट नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने कैसे सॉल्व करोगे इतने वाले हिस्से पर गिन लेना पहले तो फिर ये आप जानते ही हो जहां पर भी प्लेस बनेगा इसमें पांच होते हैं वर्ग एक दो तीन चार और एक पूरा बड़ा वाला पांच पांच वाला ये पांच वाला ये एक ये एक्स्ट्रा बचेगा एक। चलो पांच वाला ये हो जाएगा अलग तो ये तो पांच वाला हो गया एक पांच वाला ये हो जाएगा अलग और एक सिंगल ये बचेगा ऊपर वाले के हम गिन सकते हैं कैसे गिन सकते हैं नंबर लिखकर वन टू थ्री फोर टू और थ्री मैंने बताया दोनों तरफ का बड़ा बड़ा नंबर ले लो चार गुणा तीन चार तिया बारह एक एक घटा दो तीन दोनी छ तीन दोनी छ दो एकम दो दो एकम दो बारह छह अठारह और दो बीस भैया बीस तो उस वाले में बीस पांच पच्चीस और पांच तीस और एक इकतीस बीस के बाद पांच एक तरफ आए पांच एक तरफ आए और एक एक तरफ आया एक और रह गया क्योंकि इकतीस तो ऑप्शन में है ही नहीं तो वो कौन सा वाला है वो है इस पांच के साथ इस बीस वाले पर जो मिलकर बना रहा है ये भी तो स्क्वायर होगा बेटा ये भी स्क्वायर होगा प्लस का वन प्लस का वन बीस पांच पच्चीस पांच तीस और दो बत्तीस ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर नेक्स्ट एक सौ छप्पन एक सौ छप्पन फटाफट से बता दो स्पीड के साथ कौन सा विकल्प राइट है आधे हिस्से पर ऐसे काउंट कर लेना इस वाले पर अलग काउंट करो ठीक इस वाले पर अलग काउंट करो इस वाले पर अलग काउंट करेंगे क्योंकि ये पांच वाली फिगर है और ये दो छुटकू बच जाएंगे ना अलग काउंट कर लेंगे ये इसका तरीका है तक क्लास चलेगी पंद्रह मिनट और चलेगी पंद्रह मिनट और चलेगी ठीक वन टू थ्री टू थ्री फोर फाइव तो भैया पांच पंद्रह चार दोनी आठ और तीन एकम तीन पंद्रह आठ तेईस तेईस और तीन छब्बीस छब्बीस इस वाले हिस्से पर हो गए उस वाले पर आ जाओ एक दो तीन एक दो तीन तीन का वर्ग नौ दो का वर्ग चार एक छब्बीस और चौदह छब्बीस और चौदह कितने होते हैं छब्बीस और चौदह चालीस टोटल मिलाकर बना इधर चालीस अब चालीस के बाद ढूंढूंगा पांच वाली फिगर ये रही चालीस प्लस के पांच पैतालीस एक ये रहा छुटकू एक ये रहा छुटकू प्लस के दो ये आ गए और एक बन जाएगा पांच वाले का इस ऊपर वाले के साथ प्लस का वन चालीस पांच पैतालीस और तीन अड़तालीस ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने भैया ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा वर्ग वर्ग गिनने हैं फिर से कॉन्सेप्ट क्या इतने वाले हिस्से पर गिन लो केवल इतने वाले पर वन टू थ्री फोर इधर तो फोर आया इधर टू आया तो बड़ा बड़ा नंबर लिख लूंगा चार दूनी आठ और तीन एक कम तीन आठ तीन ग्यारह आठ तीन ग्यारह ग्यारह के बाद वाले ग्यारह के बाद वाले ढूंढना जरा ग्यारह के, के बाद बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह हो गए और पंद्रह के बाद ढूंढोगे मेरे भाई पंद्रह के बाद इसका आधा हिस्सा और इसका आधा हिस्सा ये हो जाएगा सोलह नंबर का सेम पैटर्न पर सेम पैटर्न पर आधा इसका हिस्सा आधा इसका हिस्सा ये हो जाएगा सत्रह नंबर का सत्रह और एक सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला कौन सा ये वाला एक अट्ठारह सत्रह प्लस का एक अट्ठारह ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट है नेक्स्ट ये आप लोग बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा ये अच्छा क्वेश्चन है पांच इस पे पांच इस पे पांच इस पे पांच दिया पंद्रह बताया ना जहां पर भी ऐसा प्लस दिखेगा एक दो तीन चार और एक पूरा बड़ा वाला पांच हो जाएंगे पांच पांच दस पांच दिया पंद्रह पंद्रह के बाद ये कॉमन था ये कॉमन था घटा दूंगा पंद्रह में से दो घटा दूंगा तो बचेंगे कितने तेहरा अब तेहरा के बाद वाले एक्स्ट्रा गिनने हैं तेहरा के बाद वाले एक्स्ट्रा एक तो ये हो जाएगा चौदह एक ये हो जाएगा पंद्रह ठीक और इसके बाद वाले और घूम ढूंढूंगा तो ये यहां से तो यहां से तो नहीं बन रहा इसको हटा देना ये वाला बनेगा यहां से यहां तक एक तो ये बनेगा ठीक और एक बनेगा ऊपर का बड़ा वाला ये वाला पंद्रह है ना तेहरा प्लस के दो पंद्रह प्लस के दो और आ गए पंद्रह और दो सत्रह अब एक बड़ा वाला है ना एक बड़ा वाला भी रह गया वो गिना कहीं पर क्या भाई पांच इसमें गिन लिए पांच इसमें गिन लिए पांच इसमें गिन लिए कितने हो गए पंद्रह पंद्रह में से दो कॉमन थे घटा दिए तेरह तेरह के बाद चौदह ये पंद्रह ये इधर वाला सोलह इधर वाला सत्रह और एक सबसे बड़ा वाला ना गिनोगे सबसे बड़ा वाला कौन गिनेगा बस मैंने अट्ठारह पे लगा दिया तो कान ही खत्म ऊपर वाले को कौन गिनोगे? कौन गिनेगा ऊपर वाले को? बताओ। मैंने सत्रह लिखा ना तो सबने सत्रह लिख दिया नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन कॉमन हटा देना बाकी फटाफट से काउंट कर दो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा प्लस पांच बीस पांच गुणा चार पांच गुणा चार कितना बीस जो कॉमन है वो हटा दो कॉमन क्या है ये वाला कॉमन है नीचे भी आ रहा है ऊपर भी ये वाला कॉमन है नीचे भी ऊपर भी ये वाला कॉमन है नीचे भी ऊपर भी तीन माइनस कर देना बीस में से तीन गया सत्रह बीस में से तीन गया सत्रह वेरी गुड नेक्स्ट देखते ही आंसर आना चाहिए देखते ही आंसर आना चाहिए वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर दोनों तरफ बराबर हैं चार चौके सोलह तीन तिया नौ आ, तीन तिया नौ हो जाएंगे और दो दूनी चार एक एकम एक सोलह नौ पच्चीस चार उन्तीस और एक तीस चार वाले पर कितने हो जाएंगे तीस हो जाएंगे बाहर वाले पर तीस तो ये हो गए वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर चार चौकी सोलह तीन तिया नौ दो दूनी चार एक का वर्ग एक सोलह नौ पच्चीस और चार उन्तीस और एक तीस तीस के बाद तीस के बाद अगर मैं बात करूं ये रही भैया एक दो तीन चार और एक पूरा बड़ा वाला पांच बस तीस और पांच पैतीस थर्टी फाइव ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं फटाफट से गिनकर बताओ स्पीड के साथ स्पीड के साथ आंसर आना चाहिए ये आखिरी क्वेश्चन है वर्ग वाला फिर चलेंगे हम आयत की तरफ आयत की तरफ रेक्टेंगल की तरफ मतलब भाई पांच तो इसमें हो गए ठीक और पांच ही इसमें हो गए पांच और पांच दस दस के बाद एक ये हो जाएगा अकेला ग्यारह एक ये हो जाएगा केला, केला बारह पांच पांच दस ग्यारह और ये बारह बारह के बाद एक पूरा बड़ा वाला तेरह और एक ये बीच में वाला चौदह खानी खत्म यहीं पर कहानी यहीं पर समाप्त आपका आंसर क्या रहा सोलह दे दिए किसी ने तो भाई बहुत अच्छी बात है अरे भैया मेरे प्लस ना आ रहा है ये पांच तो इसमें हो जाएंगे प्लस आ रहा है पांच इसमें हो जाएंगे दस दस के बाद ये इधर वाला हो जाएगा ग्यारहवें नंबर का पांच इसमें पांच इसमें दस और एक ग्यारह एक बारह बारह और ये बीच में जो बन रहा है एक ये वाला ये तेरह नंबर लिख देना इसको और एक पूरे बड़े वाले को चौधे तो नंबर दे देना हो गया क्वेश्चन सॉल्व आयत रेक्टेंगल आयत रेक्टेंगल इसको करने का तरीका क्या है इसको करने का तरीका है नंबर वन टू तो, थ्री फोर बड़ा आसान तरीका वन टू थ्री नंबर जोड़ दो तीन दो पांच और एक six. इधर जोड़ दो वन टू थ्री चार तीन सात दो नौ और एक दस गुणा कर दो कहानी खत्म ये इसकी ट्रिक है दस छिक्के साठ दस छिक्के साठ इधर वाले गिन लो और जोड़ दो इधर वाले गिन लो जोड़ दो दोनों की आपस में गुणा कर दो रेक्टेंगल रेक्टेंगल निकल कर आ जाएंगे इस तरीके के सी एच एस एल के एग्जाम में पूछे गए थे तो इनको भी गिन सकते हो फटाफट से वन टू टू और वन कितना हो जाएगा थ्री वन टू टू और वन कितना हो जाएगा थ्री तीन और तीन छः, सातवें नंबर का ये हो जाएगा आठवें नंबर का ये हो जाएगा और नौवे नंबर का पूरा बड़ा वाला नौवे नंबर का पूरा बड़ा वाला नौ no. ये आठ था रेड वाला ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट बस अब क्वेश्चन ही के बचे हैं पांच मिनट का काम और रह रहा है क्लास खत्म बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प राइट होगा वन टू थ्री तीन दो पांच और एक टू दो और एक तीन छ और तीन नौ और एक दसवें नंबर का ये हो गया भाई छह इधर तीन उधर नौ और एक दसवें नंबर का बीच में अब इसके बाद वाले इसके बाद वाले इस तीन वाले को इस दस वाले के साथ मिलाऊंगा ये हो जाएगा ग्यारहवें नंबर का ठीक इस वाले को तीन वाले को इस दस वाले के साथ मिलाऊंगा ये हो जाएगा बारहवें नंबर का और एक पूरा बड़ा वाला तेहरे नंबर का पूरा बड़ा वाला तेहरा नंबर का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब एक सौ साठ वाला कौन है भाई ये क्या दिक्कत आई एक सौ साठ में अड़तीस होंगे अच्छा एक सौ साठ भाई ज्यादा पीछे ना चला गया एक दो तीन चार अड़तीस अड़तीसवा कहां से दिख गया मेरे शेर कहां से दिख गए अड़तीस मुझे भी बता दे हमें तो ना लग रहे नजर कहीं पे भी तीस और पांच पैंतीस ही आएंगे बेटा बस चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने फिर से वही काम वन टू तीन हो जाएंगे वन टू थ्री हो जाएंगे फटाफट से बताओ वन और टू मिलकर हो गया थ्री वन टू मिलकर हो गया थ्री वन टू थ्री तीन दो पांच और एक हो गए अब इसके बाद वाले इस वन को इस वन के साथ मिलाओगे एक ही आ जाएगा है ना तीन और तीन छ और छह बारह बारह के बाद इसको नंबर लिख दूंगा तेरह एक ही हो जाएगा इस टू को इस टू थ्री के साथ मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा चौदह नंबर का ठीक और उसके बाद इस वाले को इसके साथ मिलाओगे एक ये हो जाएगा पंद्रह नंबर का और एक हो जाएगा आपका आधा इसका और आधा इसका ये हो जाएगा आपका पिंक वाला सोलह नंबर का और एक पूरा बड़ा वाला पूरा बड़ा वाला सत्रह नंबर का सबसे बड़ा वाला सत्रह नंबर का नेक्स्ट सर अब तो रहम कर दो <laughs> आप हमारी कहाँ सुनते हो आप बड़े लोग हो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं वो तुमको नहीं दिखती मैंने क्या सुबह से कुछ खाया है है? पानी पानी पी रहा हूं बस ये रखा बस ये भी खत्म हो गया बेचारा पढ़ लो बेटा पढ़ लो वन टू थ्री फोर चार तीन सात दो नौ और एक दस दस के बाद ग्यारह ये बारह ठीक उसके बाद उसके बाद एक ये और एक ये हो जाएगा तेरह नंबर एक ये और एक ये ये हो जाएगा चौदह नंबर हो गया खत्म चौदह ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने ये फेमस क्वेश्चन है कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में भी और बड़ी आसानी से रेक्टेंगल गिन सकते हो वन टू और केवल रेक्टेंगल पूछा है ध्यान से सुन लेना केवल आयत वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवन एट आठ तो नॉर्मली हो गए आठ के बाद ढूंढोगे आठ के बाद ढूंढोगे भैया ये वाला यहां से यहां तक एक ये वाला यहां से यहां तक दो ये वाला यहां से यहां तक तीन ये वाला यहां से यहां तक चार आठ के बाद आठ के बाद प्लस के चार ये आ गए और चार आ जाएंगे पूरे बड़े वाले कौन कौन से ये एक ठीक नीचे का ये दो और दो रहेंगे ऐसे इधर वाले और इधर वाले प्लस के चार और लिखो ठीक आठ चार बारह चार सोलह अब इसके अलावा अब इसके अलावा क्योंकि उसने केवल आयत पूछे थे वर्ग नहीं पूछे वर्ग तो जोड़ने नहीं है फिर ओनली रेक्टेंगल पूछा है तो आठ चार बारह और चार सोलह जो है वो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर परफेक्टली राइट क्योंकि वर्ग वाला पूछा जाता तो एक दो तीन चार पांच और जोड़ देता इसमें फिर मैं पांच और जोड़ देता ठीक है ना तो आठ चार बारह और चार सोलह सोलह और पांच इक्कीस अगर टोटल पूछे जाते लेकिन टोटल पूछे नहीं है केवल और केवल आयत पूछा है तो आठ चार बारह और चार सोलह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ अड़सठ चेक करो इसके करने का तरीका भी वही सेम वन टू थ्री तीन दो पांच और एक वन टू थ्री तीन दो पांच और एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः पांच ग्यारह चार पंद्रह तीन अठारह दो बीस और एक इक्कीस इक्कीस इसमें हो जाएंगे तो भैया इक्कीस एक तरफ आए 6 एक तरफ आए छ तरफ आए इक्कीस और छह 27 और छह 33, 33 तो यही हो गए बत्तीस पे रुक गए आप लोग भैया 33 के बाद एक ये बनेगा आधा इसका आधा इसका एक नीचे भी बनेगा ऐसे ही सेम आधा इसका आधा इसका छ पाँच ग्यारह चार पंद्रह तीन अट्ठारह दो बीस और एक इक्कीस इक्कीस तो ये हो गया एक दो तीन तीन दो पाँच और एक छ इधर हो गया एक दो तीन तीन दो पाँच और एक इधर हो गया छह बारह और इक्कीस तैतीस चौतीस पैंतीसवा प्लस के दो और आए इक्कीस छ सत्ताईस छह तैतीस तैतीस और दो पैंतीस ऑप्शन नंबर डी डी वाला राइट है नेक्स्ट कितने आयत है कितने आयत है फटाफट से गिनकर बताओ भैया कितने आयत होने वाले हैं कितने आए थे इस वाले हिस्से पर गिनो इस वाले हिस्से पर गिनोगे नॉर्मली गिनना पहले नॉर्मली लाइन को मत गिनना वन टू थ्री तीन दो पांच और एक कितना हो जाएगा छ हो जाएगा ना छ के बाद इस लाइन के आने से एक तो ये बना फालतू का दूसरा ये बना इस लाइन के आने से एक ये बना फालतू तो एक ये बना छह चार दस हो गए छह चार दस तो इस पर ही हो गए दस के बाद और बीच में ये जो आ रहा है बीच में ये जो आ रहा है ये वाला इस पर कितने बनेंगे इस इस पर पर और बनेंगे दस और नौ उन्नीस दस और नौ उन्नीस ऑप्शन नंबर ए दस और नौ उन्नीस क्योंकि केवल आयत नहीं पूछा लिखा है आयतों की संख्या तो फिर वर्ग भी काउंट होगा केवल आयत लिखा होता तब फिर हम स्क्वायर को घटा देते माइनस कर देते स्क्वायर को फिर कितने रह जाते चार तो इसमें आते अंदर वाले पर चार और दो छे, छे और दो आठ आठ और एक नौ और एक दस और एक ग्यारह ग्यारह ऑप्शन में है नहीं क्योंकि इसमें वर्ग कितने बन रहे हैं चार वर्ग तो ये हो गए पांचवा ये हो गया छठा सातवा आठवा आठ वर्ग बन रहे हैं इसमें आठ वर्ग है अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो ग्यारह प्लस आठ ओनली रेक्टेंगल ऑनली रेक्टेंगल ये स्क्वेर स्कोयर तो ग्यारह प्लस के आठ करेंगे तो उन्नीस आंसर होगा पूछा जाता केवल आयत बताओ केवल आयत फिर ग्यारह आंसर लिखा जाता ऑनली रेक्टेंगल आपसे पूछा जाता ऑनली रेक्टेंगल अगर पूछा जाता ऑनली रेक्टेंगल तब ग्यारह आप आंसर लिख देते ग्यारह नेक्स्ट लास्ट टॉपिक सर्कल पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा बिल्कुल भी लास्ट टॉपिक है और क्वेश्चन भी अब खत्म है दो तीन क्वेश्चन और है भाई सर्कल गिनने हैं तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें खत्म तीन तीन या नौ तीन, तीन या नौ चौके भैया कितने हो गए तीन पंजे पंद्रह टोटल मिलाकर फिफ्टीन नेक्स्ट सर्कल गिन लो फटाफट से सर्कल गिनकर बता दो पहले छोटे वाले किन लो एक साइज के जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन ये तेहरे तो एक जैसे आए और तीन छुटकु हैं एक दो तीन और तीन मोटू हैं बड़े वाले तो कितने हो गए तेहरे प्लस के तीन छुटकु और तीन बड़े वाले तेहरे और छह तेहरे और छ भैया उन्नीस उन्नीस ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट इसमें गिनकर आप लोग बता दो फटाफट से कितने ऐसे ही माइंड में गिन लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और सॉरी जी टेन बीच वाला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये बीच में टेन खत्म नेक्स्ट इसका बताना जरा इसका बताओ फटाफट से कितना है टोटल अब कौन सा चल रहा है 73 दो और बच रहे हैं दो और बच रहे हैं तो वन फिर भैया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स आ रहे हैं टोटल तो मिलाकर कितने आ रहे हैं सिक्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट ऐसी माइंड में गिन दो चौदह सोलह सत्रह अठारह ये क्या हुआ भाई सॉरी बॉडी हैंग हो गया दिखा है मुझे ऐसा लग रहा बच गया अभी चलो ठीक है तीन 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 त्या नौ तीन चौके बारह बारह के बाद तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह टोटल में कितने हो गए सत्रह सेवन तीन कैसे तीन तीन छह तीन त्या नौ तीन चौके बारह बारह के बाद कौन कौन से एक्स्ट्रा है एक दो और तीन ये नहीं गिना था चार पांच बारह प्लस के पांच बारह प्लस के पांच सत्रह ऑप्शन नंबर सी आज का आखिरी क्वेश्चन फटाफट से अपना आंसर लिख देना ऊपर दिखाना एक सौ उनहत्तर ठीक से समझ में नहीं आया एक सौ उनहत्तर को भैया देख लेना दोबारा से क्लास चलाकर है अब तो आपकी अगली क्लास का भी समय हो गया ठीक है तीन तीन छः, तीन तीन चौके बारह तीन पंजे पंद्रह तीन छः, अठारह तीन सत्तर इक्कीस तीन अठे चौबीस तीन नाम सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस सत्ताईस और चार इकतीस सत्ताईस और चार इकतीस ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट बिल्कुल शानदार भैया सभी टॉपिक आपके फिनिश हो जाते हैं टोटल एक सौ पिछहत्तर क्वेश्चन थे आपके और समय होता है आपका समाप्त और नॉन वर्बल कंप्लीट जो आना चाहिए वो भी करा दिया जो नहीं आना चाहिए था वो भी करा दिया मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते आएगा नहीं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं से कैसा भी नॉन वर्बल कंप्लीट है वर्बल की मैराथन आपकी हो जाएगी लगभग लगभग पांच जून के बाद जब आपकी गागर में सागर आएंगी तब उस टाइम पर ठीक है तो इसको अच्छे से भैया देख लेना पूरी क्लास को जिसकी समझ में जो क्वेश्चन नहीं आया हो उसको दोबारा से देख लेना सारी चीज ओके हैं एकदम परफेक्ट है तो बाकी मिलते हैं राम जाने कब मिलेंगे ठीक है चलो तो सभी को मेरी तरफ से भैया आज के लिए नमस्कार धन्यवाद टाटा बाय बाय